संगठन बहुत बहुत सारे भक्ता लोग आगे गुरु जी के शिष्य लोग, हम जल्दी ये प्रोग्राम को शुरू करवाना चाहते हैं, देश और विदेश से सब भक्त लोग आ रहे हैं, इसलिए हम जल्दी प्रोग्राम को शुरू करवा जा रहे हैं। जो गुरु जी का जो प्रिय कीर्तन है इसका दो लाइन गा करके फिर हम सोचते हैं ये कार्यक्रम को शुरुआत करें। ठीक है, बोले जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। Yeah.
कृष्णा। आज बहुत बहुत सारे भक्त लोग वृंदावन से हमारे देव कृष्ण प्रभु जी और हमारी सविता दीदी और श्री गुंडी दीदी और हमारे नागर दीदी और बल बनाए वृंदावन से गोकुल चांद प्रभु आ रहे। इसलिए बहुत सारे गुरु जी की बहुत सारे शिष्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहते हैं सबके सभी गुरु जी के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि सभी लोग थोड़ा थोड़ा गुरु जी के चरणों में दे। इसलिए हम चाहते हैं कार्यक्रम को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए और सभी भक्तों को थोड़ी थोड़ी भी बोलने का पुष्पांजलि देने का मौका मिले। इसलिए देखो हमारे गुरु जी की कितनी बड़ी कृपा है, कितना ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने। महापुरुष का जो भक्त लोग है एक एक व्यक्ति एक एक ब्रह्मांड को तार सकते हैं। इसलिए गुरु जी के जो संन्यास शिष्य वो तो एक एक धुरंधर है, रथी अतिरथी एक एक है, लेकिन उनका जो ब्रह्मचारी भक्त वृंद भी वो भी बड़े धुरंधर है उनके ब्रह्मचारी भक्त वृंद। फिर जो गृहस्थ भक्त हैं वो भी कम नहीं, लेकिन गुरुपाद पद्म जैसे भगवद गीता में बताए वश्य शूद्र तथा स्त्री स्ते अपि जानती पराम गति। अगर भगवान के चरण को स्त्री शूद्र ये लोग भी अगर भगवान के चरणों को आश्रय ग्रहण करे इनको भी गति आवाज बोलो इनको भी भगवान परागति प्रदान करते हैं। इसलिए इसी कड़ी में हमारे जो गुरुदेव का जो शिष्य लोग जो शिष्य में जो माताएं हैं ये लोग भी कम नहीं, ये लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब ये लोग गुरु जी के चरण में वाक्य और पुष्पांजलि प्रदान करेंगे पर आपको पता चलेगा श्री गुरुपाद पद्म कैसे स्त्रियों के ऊपर में कैसे शक्ति संचार किए और ये लोग भी सारा दुनिया में हरि भक्ति को प्रचार कर रहे हैं। जैसे हमारी एक उमा दीदी अभी तो सारी पृथ्वी में भगवान की कथा प्रचार करती इतनी उम्र होकर भी, जैसे श्याम रानी दीदी वृंदावन विलासिनी शांति दीदी यहाँ पर सविता दीदी और हमारे गुड्डी दीदी ये लोग भी भागवत कथा करते हैं अलग अलग जगह में जाप करके महाप्रभु का वाणी और गुरुदेव का वाणी को ये लोग भी प्रचार करते हैं। इसलिए अभी ये लोग गुरु जी के चरण में वाक्य पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं गुड्डी दीदी उनको माइक दे दूँ। गुड्डी दीदी तुम्हारी गुरुदेव ने कौन सा नाम दिए? रति मंजरी। देखो क्या सुंदर नाम दिए। क्योंकि ये जो रति मंजरी ये रहने वाले मथुरा की, इसका जो पूरा का पूरा परिवार है हमारे गुरु जी के चरण के आश्रय लिए पूरा परिवार, ये लोग अपना घर और मंदिर को ये अलग नहीं समझते थे। अक्सर करके जितने हमारे गौड़ीय मठ गुरुदेव ने स्थापन किए इनके जितने विग्रह आप दर्शन करोगे इनकी परिवार से है, जितने गुरुदेव ने जितने गौड़ीय मठ स्थापन किया है हैं। इसलिए ये भी जीवन में शादी नहीं की, अच्छी लिखी पढ़ी शादी नहीं की, इनके परिवार में दो दो व्यक्ति शादी नहीं किया, इसके एक भाई थे और इसने, और उन्होंने पूरा तन मन धन हर तरह से उन्होंने गुरुपाद पद्म की उन्होंने सेवा की है। अलग अलग जगह पर जाकर के भागवत कथा भी करती है ये। इसलिए अभी ये गुरु जी के चरण में वाक्य पुष्पांजलि प्रदान करेगी श्री रति मंजरी। बोला नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिवे नमः।
कह रहा था समय है, जितना मर्जी चलाना चलाओ। आज अनाउंसमेंट कर शाम का उत्सव करेंगे, सब आ जाएंगे। सबसे पहले अनाउंसमेंट करेंगे, आप हैं, मैं हूँ, मठ में भी कोरोना का चलते हुए कार्यक्रम प्रणाम करते हुए एवं मंचा से संजय प्रभु समय की सीमा स्वयं मर्यादा बनाए रखें। हाँ बोलो, मैं बीच में बजा दूंगा, मजा बजा दूंगा। अभी तो टाइम है वाला, कोई बोलो, बोलिए, कोई असुविधा नहीं, बोलिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग अपने गुरु महाराज के संत वार्षिकी ऐसा ना हो प्रभु जी वगैरह कितने कोशिश करके सबको जूम पे बुला रहे हैं, मतलब जो घर बैठे भी इसका आनंद ले रहे हैं। हमारे गुरु महाराज कोई साधारण नहीं थे, वो कौन थे? वो राधा जी की कृपा की मूर्ति रमण मंजरी थी, नवदीप। गुरु महाराज किस दिन आविर्भाव हुए? मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या का मतलब होता है, अमावस्या मतलब अंधकार में रात्रि, मौनी मतलब मौन रहना। साधारण जगत में मौन रहना ये कहते हैं कि चुप रहना, बोलना नहीं उस दिन। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन हमारे श्री गुरु का अंधकार मई रात्रि में एक पूर्ण चांद के रूप में उदित होकर उन्होंने ना केवल बक्सर जिले को, ना केवल भारत को, बल्कि पूरे विश्व को अपनी भक्ति के प्रकाश से आलोकित किया। और मौनी का अर्थ है मौन रहना। लेकिन भक्ति जगत में मौन किसको कहते हैं? मौन कहते हैं भक्ति जगत में राम कार्य ना कहकर भगवान की सारे दिन चर्चा करना ही मौन है। इस प्रकार से मौनी का अर्थ हुआ। और गुरु महाराज का नाम है नारायण। नारायण का मतलब क्या है? नर मतलब जीव, आय मतलब आश्रय, जो प्रत्येक जीव को आश्रय देते हैं। गुरु महाराज अपने मुखारविंद से कहते थे कि मेरे लिए सबका द्वार खुला है, हर एक कोई मेरे द्वार पर आ सकता है। तो हम देखते हैं गुरु महाराज के द्वार पर सभी अपने संप्रदाय के तो है ही हैं, लेकिन और संप्रदाय के लोग भी गुरु महाराज से जुड़े। लेकिन गुरु महाराज का क्या विशेषता कि सबको उन्होंने समान रूप से शिक्षा को प्रदान किया, और ऐसे शिक्षा प्रदान की उन्होंने कि एक एक अभी हमारे महाराज जी बता रहे थे ना, उन्होंने शिष्य नहीं बनाए, गुरु बनाए। कोई गुरु महाराज की कथा किसी किसी ने 15 दिन या 20 दिन या महीना और किसी ने कथा सुनी है ना, तो वो भी इतना एक्सपर्ट होगा कथा बोलने में कि उससे ही पूछ लो कि उसे बोलने का एकदम धड़धड़ बोल देगा। तो ये गुरु महाराज के हमारा वैशिष्ट्य है। और कैसे उन्होंने सिखाया, गुरु महाराज सिखाया कैसे? हम देखते थे मथुरा में गुरु महाराज जी दिन में 4-4 क्लास लेते थे, और क्लास लेने के बाद में कोई भी जब तिथि आती थी, जैसे जन्माष्टमी हुई या राधाष्टमी या गुरु पूर्णिमा हुई, तो गुरु महाराज क्या करते थे, एक हफ्ता पहले से सबसे बुलवाना शुरू कर देते थे। और जब कहते थे देखो जो एक व्यक्ति ने पॉइंट बोल दिया है वो दूसरा व्यक्ति उस पॉइंट पर टच नहीं करेगा, दूसरा पॉइंट बोलना पड़ेगा। ऐसे करते करते सब लोग क्या करते थे, ग्रंथों को बोलते थे कि नया पॉइंट ढूंढने के लिए, जब और दे देते थे कि हमारा नंबर पहले आ जाए, कि ऐसा ना हो कि हमारा पॉइंट को दूसरा बोल दे हम रह जाए। हरे कृष्णा, यही होता था। और गुरु महाराज ने फिर, और गुरु महाराज क्या करते थे, सबसे लास्ट में गुरु महाराज बोलते थे। अब इतने लोगों से बुलवाते थे हमारे महाराज,
कि अब गुरु जी क्या बोलेंगे, और गुरु जी का एक अलग ही पॉइंट निकल कर आता है, और ऐसा पॉइंट निकल सब लोग सोचते रहते थे गुरु महाराज कहां से पॉइंट निकल, हम तो सारा खोल डाला, सब ढूंढ रहा था, लेकिन हमको तो मिला नहीं, लेकिन गुरु महाराज का एक अलग से पॉइंट निकल के आता। ऐसे गुरु महाराज ने सिखाया और सिखा सिखा के इतना परिपक्व बना दिया कि एक एक को एक आचार्य के रूप में खड़ा कर दिया, और जो सारे विश्व में तो प्रचार कर, जैसे गुरु जी की प्रचार था ऐसे ही हमारे वैष्णव लोग सारे विश्व में जाकर प्रचार कर रहे हैं। और गुरु महाराज की महिमा ये है कि देखो गुरु महाराज ने जैसे अभी मैंने बताया कि कथा तो सुनाते थे, लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि जो प्रभुपाद जी की गढ़ है, जैसे भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, भक्ति वैभवपुरी महाराज, भक्ति प्रमोदपुरी, जो गढ़ है महाप्रभु प्रभुपाद जी के जो गढ़ है, इनके ऊपर इस किसी मठ के ऊपर कोई विपदा आती थी ना, तो गुरु महाराज स्वयं आते थे गुरु महाराज के पास में विपदा को लेकर। गुरु महाराज जी क्या करते थे कि अपने शिष्यों को भेज देते थे, अपने बच्चों को भेज जाओ वहाँ पर निपटा के आओ। एक जगह तो ऐसी थी बिलोर बाड़ी गवर्नमेंट में कुछ झगड़ा चल गया था, उधर तो ईंट पत्थर फेंकने की और डंडे चलने की नौबत आ गई, मैं गुरु महाराज जी के पास में आई। गुरु महाराज जी बोले अरे मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुरंत गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है अब चिंता मत करो। तो गुरु महाराज जी ने अपने बच्चों को विधान डंडे चलने हैं और ईंट पत्थर फेंकने हैं, उस जगह पर भी गुरु महाराज ने अपने बच्चों को भेज दिया कि जाओ बोल उस जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको समाधान करके आओ। तो ऐसे उन्होंने सारे को अपना समझा, जैसे उन्होंने गौड़ी संप्रदाय को अपना समझा, ये नहीं कि मेरे शिष्य मेरे हैं, नहीं। और उनका एक वैशिष्ट ये था कि देखो ये क्या कहते हैं ब्रज में जैसे हमारे गोस्वामी वर्गो ने आकर लुप्त तीर्थों का उद्धार किया, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने भी उनके समान कुछ कुछ किया, जैसे विशाखा कुंड बनाया कहाँ पर जाओ उद्धव क्या रहे, क्योंकि ये स्थान के लुप्त ना हो जाए आगे के लोगों को, फिर ये स्थान लुप्त हो जाए तो कैसे बनेंगे, इसलिए उन्होंने विशाखा कुंड के निर्माण किया। और जो भांडेर वन में भांडेर वट का जो वृक्ष है उसको चबूतरा बनाकर जावट में जगह जगह गुरु महाराज ने उसको संरक्षित किया कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे की पीढ़ियों को इससे ना मिले। उन्होंने ब्रज के प्रति उनका विशेष लगाव था, इतना लगाव था ब्रजवासी के प्रति कि ब्रज के घर घर में भी, जैसे मतलब गुरु महाराज जब मथुरा में आए थे ना उस समय प्रचार करना बहुत कठिन था। क्यों कठिन था, ये कठिन था कि जो मथुरा मठ है ना, मथुरा मठ है ना तो मथुरा मठ तो पहले धर्मशाला के रूप में था और एकदम अंधकार में धर्मशाला थी, और उसमें कुआ था, सब लोग डरते थे उसमें जाने के लिए और कहते अरे तो बाबा जी के बाबा जी लोग रहते हैं, बंगाली लोग रहते हैं, बंगाली लोग जादू का जानते हैं, कभी किसी को जादू टोना से किसी को बकरी बना देते हैं, किसी को घोड़ा बना देते हैं, किसी गड्ढा बना देते, डर के मारे लोग जाते नहीं थे, डर के मारे नहीं जाते थे। और कहते ये बंगालियों के धर्मशाला, और ठीक है सीढ़ी बिल्कुल छोटी थी, अभी जिसमें शिष्याई प्रभु रहते थे उस कमरे में ठाकुर जी रहते थे, इसमें शिष्याई प्रभु उस कमरे में ठाकुर जी रहते थे, मठ भी जो नाट्य मंदिर बिल्कुल छोटा था, उसमें परम गुरु जी कमरा था और एक ही पंखे के नीचे सब ड्रमचाई सो लेट जाती थी, नीचे रात को सोती थी, लाइट भी नहीं रहती थी। उस समय महाराज जी ने कितने कष्ट से प्रचार किया, जाते थे किसी के घर में जा कीर्तन करते 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 जाते थे, और रात को 11:30 बज जाते थे, उसके घर से कीर्तन करते करते घर पे आते थे और फिर आकर प्रचार करते थे, ऐसा करके धीरे धीरे करते। और गौड़े मठ के कीर्तन तो फेमस है, और लोगों को ना धीरे 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 करके गौड़े मठ के कीर्तन पर श्रद्धा हो गई, अभी गौड़े मठ वाले कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा इनका कीर्तन लगता है, फिर धीरे धीरे करके लोगों ने उनको बुलाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके प्रचार बढ़ने लग गया। गुरु महाराज जी ब्रज रस रसिक है, तो ब्रजवासियों ने देखा कि ये इतने बड़े आचार्य होकर भी देखो घर घर में जाके कीर्तन करते कथा करते हैं, और ब्रजमंडल की परिक्रमा को पहले क्या होता था सिर्फ एक बज जाते थे, अब तो गुरु महाराज के सामने 20-20-22 बज हो चुकी थी, लेकिन गुरु महाराज स्टार्ट किया था प्रचार तब सिर्फ एक बज जाती थी। उसमें कैसा क्या होता था, एक बस में आगे वाली सीट पर उजवा त्रियोग महाराज जी बैठते थे, उजवा महाराज गुरु महाराज बैठते थे, उसे पीछे वाली सीट पर हम लोग बैठते थे, और पूरी रास्ता कीर्तन करते करते जाते थे बस में भी, और उस स्थान पर उतर जाते थे वहाँ की कथा कीर्तन करते, और फिर बस में ही कीर्तन करते करते लौट के आते थे। और कब जब कीर्तन करना बंद हो जाता था तो महाराज जी बोले कि भूख लग गई, तो कीर्तन क्यों बंद करते, भूख लगी है। तो इस प्रकार से गुरु महाराज ने
ब्रज में लगी परिक्रमा का भी बड़े शुष्क उत्सव में ब्रज मंदिर की परिक्रमा को भी निकाला। एक गुरु महाराज की महिमा बताती हूँ मैं। एक बार ये रूप सनातन मठ नहीं बना था, केवल केशव जी गौड़ी मठ था। तो सर्दी का मौसम था, गुरु महाराज अस्वस्थ हो गए, बुखार आ गया। तो बुखार आ गया ना, तो मेरे मम्मी पापा मठ में गए और देखा क्या, गुरु महाराज बिल्कुल पतले से गद्दे पे लेटे हुए और पतली सी एकदम रजाई ओढ़े हुए हैं। तो पापा जी ने देखा मेरे ने, तो महाराज जी आपको इतना तेज, हम गुरु जी से गुरु जी नहीं बोलते थे, महाराज जी बोलते थे। तो महाराज जी आपको इतना तेज बुखार है और महाराज जी आप इतनी पतली सी रजाई गद्दे पे सो रहे हैं, मैं महाराज जी आपको एक मोटी रजाई और मोटा गद्दा भिजवा देता हूँ। क्योंकि उस समय मठ की आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा, गुरु महाराज का जवाब क्या था, गुरु महाराज ने कहा देखो गुप्ता जी, यदि हम तुम भेज दोगे मोटी रजाई गद्दा और उसमें हम सोएंगे, हमको नींद लग जाएगी, सुबह उठ के हम भजन कैसे करेंगे, हम तो घरवा छोड़ के भजन करने के लिए आए हैं ना, तो कोई ऐसा आराम करने के लिए थोड़ी आए हैं। तो बोले नहीं नहीं बिल्कुल मत भेजना रजाई गद्दा, बिल्कुल मत भेजना, हमें तो ऐसे ही सुबह को नींद आज उठेंगे कैसे भजन करने के लिए। गुरु महाराज सबको ये भी कहते थे, कोई आलसी आलस करता था तो गुरु महाराज कहते थे अपने माँ बाप को धोखा देके आए हो भजन करने के लिए और यहाँ पर तुम भजन नहीं कर रहे हो और सुख सुविधा चाहते हो। तो महाराज जी शासन भी करते थे। एक गुरु महाराज की और एक महिमा मैं बताती हूँ कि गुरु महाराज जब ये ब्रज मंदिर की प्रकार बस से होती थी ना, उससे पहले की बात है, जब हम नहीं जाते थे, मैंने सुना है कि एक बार गुरु महाराज परिक्रमा को 20-25 शिष्य के साथ में गए थे परिक्रमा करने के लिए। तो अब तो ये ब्रज बहुत डेवलप हो गया है, पहले तो बिल्कुल जंगल जंगल जैसा था, एकदम जंगल जंगल जैसा था। तो उस समय दोपहर का समय था, सभी भक्तों को भूख लगी थी, सभी भक्तों को भूख लगी थी और गुरु महाराज को भूख लगी थी। तब देखा कि सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि सब जंगल ही जंगल है, कहाँ जाएंगे, बाहर निकल के जाएंगे कुछ खाने को मिलेगा। तब देखा क्या कि एक महिला, एक इतना बड़ा कठोरदान मतलब टिफिन, उसमें बहुत सारे पराठे और आलू की सब्जी लेके आई और गुरु महाराज के पास में लेके आई। गुरु महाराज कहने लगे तुम ये मेरे पास क्यों लेके आई हो। तो स्त्री कहने लगी कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो बोले क्यों, तुमको क्या पता मैं यहाँ पे हूँ, हमारे लिए तुम बना के लेके आई हो। बोले नहीं नहीं बात ऐसी है कि मेरे पति खेत में काम करते हैं, तो खेत में काम करने उनके लिए मैं रोटी बनाने के लिए रसोई बनाई थी, मैं उनके लिए भोजन बना के लेके आई, लेकिन पता नहीं आज मुझे क्या हुआ, मैं ज़्यादा बनाती चली और उसको ला के अब आपको मैं दे रही हूँ, आप प्रेम से इस प्रसाद को पालो। तो वो इतना कहकर चली गई। गुरु महाराज ने कहा देखो ये है भगवान की कृपा, कैसे भगवान ने हमारे लिए, राधा रानी ने कैसे हमारे लिए देखो भोजन भेजा, राधा रानी समझ गए ये सब लोग मेरे भक्त लोग भूखे हैं, तो कैसे उस स्त्री के अंदर पता नहीं कहाँ से ये प्रेरणा आ गई और वो टिफिन लेके आके और भगवान गुरु महाराज को दे दिया और सबों ने बैठ के पेट भर प्रसाद पाया। और गुरु महाराज की महिमा बताती हूँ कि एक बार की बात है, ये तो कॉमन कई बार बता चुकी फिर भी एक बार बता देती हूँ कि एक बार गुरु महाराज हमारे घर आए, आते थे अधिकतर ना मॉर्निंग वॉक करते करते आते थे, सुबह के टाइम आते थे 6:30 ऐसे आते थे गुरु महाराज। तो जब शुरू से मतलब हम करीब 30 साल पहले की बात बता रही हूँ, करीब 30-35 साल पहले की बात। तो गुरु महाराज आए, मैं छोटी थी, मैं ले तो लिया था हैना, मेरे 8-9 साल की उम्र में हैना हो चुका था मेरा। तब गुरु महाराज वॉक करते करते आए, अचानक आ गए, बताया नहीं अचानक आ गए। जब अचानक आए तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैं एकदम उस समय मैं नहा ली थी, मैं थोड़ी देर से नहाती थी उस समय, छोटी तो थी और जब जब भी तो लिया था तो कुछ साल पहले लिया था, तो मैं उस समय जल्दी नहा के मैंने तिलक विलक कर लिया, आरती कर ली। गुरु महाराज अंदर आए, अंदर आके हमने मैंने कमरे में बैठाया गुरु महाराज के नीचे अपनी बैठक में। तो गुरु महाराज ने मेरे से प्रश्न पूछा तुमने सुबह से क्या किया। मैं कि महाराज जी मैंने अपनी आरती की, स्तव स्तुति की। अच्छा हरि नाम कितना किया, माला कितने की। महाराज जी मारा तो मैंने एक भी नहीं की। तब तूने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा मैंने इतनी स्तुति कर ली, सारे कीर्तन गा लिए, सारे अष्टकम पढ़ लिए, आरती कर लिया, सब कुछ कर लिया, महाराज जी कर कुछ भी नहीं किया। तो मैं फिर गुरु महाराज बोले देखो सबसे पहले उठ के हरिनाम करना चाहिए, बिना हरिनाम के तो कुछ भी कर लो, सबसे पहले हरिनाम होना चाहिए, उसके बाद में ये जितना उठ के हो सके उतना हरिनाम करना चाहिए। मैंने ठीक है गुरु महाराज आपके जैसा आदेश है।
तो ऐसे ही गुरु महाराज हमको छोटी छोटी बातों में शिक्षा देते थे। हमारे एक बार की बात है, हमारे एक हमारी जो दुकान है सोने चांदी की दुकान है, सराफे की दुकान है, तो करीब एक साल डेढ़ साल दुकान खुले हुए होगा हमारे, तो गुंडे लोग, गली के गुंडे लोग बड़े परेशान करते थे, आके पैसा मांगते थे कि ए भोरे के, भोरे जी बोलते थे हम, भोरे जी की, तो ए भोरे के ना पैसा दे, पैसा दे, तो और नहीं तो फिर बंदूक रख देते जहाँ पर पिस्तौल रख देते थे। तो मेरे हम छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे पिताजी तो डर जाते थे और डर के क्या करते थे, उसको पैसा निकाल के दे देते थे। कभी हजार, उस समय की बात होता है 40 साल पहले 45 साल पहले की बात आ रही, तो डर के मारे पिताजी निकाल निकाल के दे देते थे। तो अब देते थे, अब नई नई दुकान खुली है, घर में परिवार भी, गली में दुकान है, चले भी इतनी नई 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 दुकान। ये भी बताओ ना, सोने चांदी का काम करते हैं, बता दे जब काम है सोने चांदी के, इसलिए ये गुंडे लोग पीछे पड़ जाते थे, बात सही बता रही। तो अभी जब पैसा बार बार मांगते तो पिताजी बड़े दुखी हो गए, कैसे इनको पैसा और नहीं मांगो, अभी बंदूक बार मांगो तो खत्म करो। फिर एक दिन मम्मी और पापा जी दोनों महाराज जी के पास पैसे दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन करने के लिए गए तो पापा जी का चेहरा बड़ा उदास था, तो गुरु महाराज ने कहा, गुप्ता जी क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? बोले नहीं महाराज कुछ नहीं। तो मम्मी ने कहा, तुम बताते क्यों नहीं हो, ऐसी ऐसी बात है, गुरु जी से क्या छुपाना। अब पिताजी सोचते थे मैं घर रस्ते की बात है, ये सब बात है, गुरु जी से क्या कही जाए, गुरु जी से भक्ति की बात करी जाती है कि भजन कैसे करना चाहिए, भाई भक्ति कैसे बढ़े, ये बात करनी चाहिए, ये क्या बात बताऊँ गुरु जी से पास जाके। तो मेरी मम्मी बोले, अरे हमारे गुरु जी तो हमारे माता पिता बंधु सब कुछ गुरु जी हैं, उनको बता दो। तब पिताजी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, गुरु महाराज जी मेरे को ना मुंडे बहुत परेशान करते हैं और नहीं देता हूँ ना, मना करता हूँ तो बंदूक रख देते मारने के लिए, बताओ मैं कहाँ से लेके आऊँ उनके लिए। एक बार तो राजू भैया के रास्ता में चल के जा रहा था, राजू भैया के ऊपर बंदूक रख दी, बोलते नहीं तो अभी तक नीचे खत नहीं पे खत्म करो। तो बोले ऐसा तो मेरे पिताजी से बात करना, वो आ गए। तो गुरु महाराज ने जब सुना कि ऐसे तो तुम परेशान करते हैं और तुमने बताया भी नहीं, बोले कोई जरूरत, महाराज को चेहरा एकदम लाल हो गया और बोले कोई जरूरत नहीं है पैसा देने की उनको, तुम उनके लिए कमाते हो, अपने बच्चे के लिए कमाते हो, किसके लिए कमाते हो। तो महाराज जी क्या करूँ, वो तो बंदूक रख देते थे उस पर पिस्तौल रख देते मेरे कनपट्टी पे, क्या करूँ मैं। तो बोले कोई जरूरत नहीं है एक पैसा देने की, उनसे कह देना कि यदि मरना मेरे मेरा मरना तेरा हाथ से लिखा होगा तो मैं तेरा से लगा, तो कितनी भी कोशिश कर ले मुझे नहीं मार पाएगा, और कह देना देख अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब दे दूंगा, पर ये ऐसा करके टाल देना और अपने घर में दीपक जला के बैठ, दुकान में दीपक जला के बैठना और हरिनाम करते रहना, हरिनाम मत छोड़ना, हरिनाम करते रहना और दीपक जला के बैठ जाना। तो ऐसे ही पिताजी ने किया, दीपक जला के बैठते थे और हरिनाम बैठ के हरिनाम करते थे, तो हरिनाम करते थे ना, वो फिर गुंडे आए, फिर मांगने के लिए आए, अभी गाली गलौज का पिताजी ने कहा कि मेरे पास है नहीं है, फिर बात गुंडा की भाषा भी गाली गलौज की भाषा होती है, वो गाली गलौज करके चले गए। फिर दोबारा आए पापा जी ने कहा अभी आए नहीं, पैसे पैसे आएंगे दे दूंगा। तब देखा कि ये दे नहीं रहा, बार बार पापा जी ऐसे डाल देते, देखा क्या एक महीना भी नहीं गया, किसी दूसरे गुंडे ने उस गुंडो को आके उनसे खत्म कर दिया। ये गुरु जी कितनी विशेष कृपा थे, पैसा भी उस समय गुरु जी ने जब से कहा एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं पड़ी, और जो परेशान करते थे वो भी उन्होंने क्या, वो भी किसी दूसरे गुंडे के हाथ से मर के खत्म हो गए। बोले ऐसे गुरु जी की कृपा है, एक नहीं ऐसे हमारे ऊपर हजारों हजारों कृपा है गुरु महाराज की, गुरु महाराज के। ठीक है, ये पे मैं बहुत ही वक्ता लोग हैं और महाराज जी का आदेश भी हो गया है। ठीक है, हम लोग आज बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आप सभी के बीच में कुछ पुष्पांजलि की कोशिश की है, लेकिन मैं तो अयोग्य को जानती नहीं हूँ कि गुरु जी तो एक महान है और हम तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाना के समान हम लोग कुछ टूटी फूटी भाषा में कुछ बोल देते हैं, लेकिन हम गुरु जी से ये प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज आपकी कृपा दृष्टि हमारे पर बनी रहे, आप नित्य हैं, सब समय हमारे साथ में हैं, लेकिन हम अभागे जीव हैं जो हम आपकी कृपा को नहीं ले पा रहे हैं, बस यही कृपा करें, अपनी आपकी कृपा हमारे पर सब समय बरसती रहे। इतना कहकर मैं अपने भक्त को विराम देती हूँ। हमारे जो अभी इन्होंने बताया, हमारे जो गुरुदेव वो मौनी अमावस्या का दिन ही गुरुदेव जन्म हुए हैं, इसलिए कहते थे गुरुदेव ये मौनी अमावस्या का दिन क्यों प्रकट हुए, ये मौनी अमावस्या है क्या चीज़,
बोले जिस समय रावण ने माता सीता को चोरी करके ले गया, उस समय शंकर जी अगस्त ऋषि के पास में कथा सुनने के लिए आए थे। जब कथा सुनते हुए जा रहे थे, कहते कथा सुनने का फल क्या है, बोले भगवत दर्शन। हठात शंकर जी ने देखा भगवान राम कैसे हा सीते बोल करके लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे, मेरे सीते को कहीं देखे हो, मेरे सीते को ही देखे हो। तब एक वैष्णव बोल रहे थे, तो भगवान ने रामचंद्र ने ये लीला क्यों किया है, बोले भगवान रामचंद्र जब वनवास में गए अक्सर करके ऋषि मुनियों का आश्रमों के पास में रहते थे, और सीता बड़ी पतिव्रता नारी, लक्ष्मी बड़ी राम की सेवा करती थी। अभी इसको देख देख कर ना ब्रह्मचारी का बुद्धि खराब हो रहा था, बोले देखो भैया गृहस्थ लाइफ तो बड़ा सुंदर लाइफ है, देखो मैया सीता कितने सेवा कर रही है प्रभु राम की, कितने सुंदर सेवा कर रही है। अभी ब्रह्मचारी की बुद्धि खराब है, बोले भैया हम भी अगर इसे शादी कर लेना, पत्नी तो बड़ी हमारी सेवा करेगी। अभी फिर सोच रहे हैं, फिर ब्रह्मचारियों को फिर लड़की कौन देगा, कोई तो देगा नहीं। फिर ब्रह्मचारी लोग सोच रहे हैं, हमने सुधा प्रभु राम की चरण की स्पर्श से ये पत्थर क्या अहल्या हो गई, अहल्या बड़ी सुंदर थी, ये पत्थर भी अहल्या एकदम लड़की बन गई। इसलिए हम एक काम करेंगे, जिसको गोरी स्त्री चाहिए ना, गोरी पत्थर लेकर प्रभु राम की चरण स्पर्श करा के तो गोरी स्त्री बन जाएगी। जिसको काली स्त्री चाहिए उसको भी प्रभु राम की चरण में स्पर्श करे तो काली बन जाएगी। अभी ब्रह्मचारियों को बुद्धि खराब हो रहा था। इतने में भगवान ने सोचा ऐसे कुछ लीला करनी चाहिए, जैसे एक काम करें ना प्रभु, काम कर 5 साल, एक काम तो करते हैं लेकिन 5 साल काम हो जाता है। उन्होंने क्या किया, जिस समय रावण ने सीता को उठा करके ले गया और भगवान राम जान जान बूझ करके ये आश्रमों के आस पास में जाते थे और ब्रह्मचारियों को सामने, हाँ सीते तुम कहाँ हो, लता पताओं को रो रो करके पूछा करते थे। ब्रह्मचारियों ने देखा हाय रे, भगवान की पत्नी को जब राक्षस उठा करके ले गया, भैया हम भी तो जंगल में रह रहे हैं, हम तो जंगल में रह रहे हैं, फिर हमारी पत्नी को जब भगवान ही अपना पत्नी को रक्षा नहीं कर पाए, फिर अगर हम भी शादी करेंगे तो फिर हमारी क्या दशा होगा। भैया शादी करनी नहीं चाहिए, शादी करनी नहीं चाहिए। बोले एक समय अब देखना, जब लड़की जब शादी करके अपना ससुर घर में जाती है, खूब रोती है, उसको परिवार समझा रहे थे मत रोया करो, बीच बीच में आ जाना हम भी जाएंगे, लेकिन उसको रोना बंद नहीं हो रहा था। पति ने बोले इतने क्यों रो रहे, चुप हो जा, रोती जा रही है। लेकिन वो लड़की क्या कहती है, बोले जिंदगी में पहला बार मैंने रो लिया, आज से हमारा रोना बंद है, कल से तेरे रोना शुरू हो रोना नहीं रोना। इसलिए जिस समय कहती जब मौनी अमावस्या हुई है, जब सती को अंदर में भ्रम हो गई, ये क्या वही पराग पर ब्रह्म राम है जो राम की कथा मेरे प्रभु सुनाते हैं। सती ने प्रश्न की, ये क्या वही राम जिसको आप परिक्रमा कर रहे हो। शंकर जी समझाने के लिए कोशिश की, बोले वही राम। सती बोली मैं अनपढ़ी थोड़ी हूँ, लिखी पढ़ी हूँ, मैं परीक्षा करके मानूंगी, ऐसे नहीं मानने वाली हूँ। इसलिए कहते विशेष करके जो 5 प है ना, दुनिया को समझाओ लेकिन 5 प को नहीं समझा सकते। पहला नंबर पत्नी, सारा दुनिया को समझाओ लेकिन पत्नी को बात नहीं समझा सकते। दूसरे जो पाए बोले कहती ये कहते पुत्र है, तीसरा है पुत्री, चौथा है परिवार और पंचवा है पड़ोसी। ये 5 को आप समझा नहीं सकते हो। इसलिए उन्होंने जब उन्होंने परीक्षा करने के लिए गई, लेकिन उन्होंने सीता रूप धारण करते हुए गई, लेकिन भगवान राम तो पहचान ही गए। लेकिन जो बड़ी दुखी होकर के फिर शंकर जी के पास में आए, शंकर जी फिर पूछे तुमने परीक्षा कर ली, अगर हमने कोई गलती कर दी ना तो डायरेक्ट मान लेनी चाहिए। इतने में सती ने छुपाए, आप थोड़ी झूठ बोल रहे थे, आप तो सच बोल रहे थे, लेकिन बताया नहीं तुमने कौन सा रूप धारण की। जब उन्होंने ध्यान लगाए कौन सा रूप धारण की, देखा मेरी ये माता सीता का रूप धारण किया। फिर शंकर जी जीवन भर के लिए उनको पत्नी रूप में त्याग देती है। जब त्याग देती है इतने में आकाश में देवतालों को पुष्प वृष्टि, शंकर जी की जयकार लगा दी। बोले शंकर ही ऐसे व्यक्ति है जो कि एक बार सीता का रूप धारण कर लिया तो जिंदगी भर के लिए पत्नी रूप में देखना बंद कर दिया। जब उन्होंने बंद कर दिया, शंकर जी बोले हरि कथा तो बंद हो जाएगा, क्योंकि सती को तो सुनाया करता था, अभी तो सती को अभी उन्होंने सती को उन्होंने पत्नी रूप में देखा नहीं, तब से उन्होंने गुरु रूप में देखना शुरू किया। उसी से ही इन्होंने शंकर जी मौन हो गए, बोले हरि कथा तो सुनने वाला कोई है ही,
इसलिए शंकर जी आज उसी दिन ही शंकर जी मौन अवस्था को धारण करके पूरे समाज में बैठ गए, इसलिए उसको कहते हैं मौनी अमावस्या। लेकिन शंकर तो मौन रूप में बैठ गए, अभी बता रहे इतना मौन मतलब क्या है, बोले श्री कृष्ण कथा कथने सुदक्ष्य, कहते मान वही मौन ही, मौन मतलब बात कर नहीं करना मौन नहीं, मौन मतलब इतर कथा को नहीं बोलना ही मौनी, मान वही मौन ही एक रूप धारण कौन किया, हमारे श्री गुरुपाद पद्म ने, जो कि श्री कृष्ण कथा कथने सुदक्ष्य, जो कृष्ण कथा रूपी की गंगा की जो गुरुदेव पाद पद्म बहाया करते थे, जिस प्रभाव से केवल भारत नहीं संपूर्ण पृथ्वी को उसी प्रभाव से उन्होंने डुबा दिया, इसलिए वो मौन अमावस्या का दिन प्रकट हो गया। हमारे बीच में श्री सविता दीदी, ये भी बचपन में ये पहले प्रोफेसर थी, इसने भी गुरुदेव को बहुत उसने सेवा की, उसने उसका पूरा परिवार हमारे गुरु जी के आश्रय लेकर के भजन की, ये भी जब भजन मंदिर में आती थी सारे गुरुदेव की कथा को नोट करती थी, सारी कथा को दुनिया में अभी भी ये भागवत कथा करती है, और उन्होंने बहुत गुरुपाद पद्म की इसने सेवा की, इनका पूरा परिवार ही गुरु जी के अनुगत में भजन की, इसलिए सविता भी आज गुरु जी के चरण में कुछ सुमन पुष्पा से वाक्य पुष्पा जी वदन करें। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण और एक बार सब में सब जोर से बोलो बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोले हरे सभी के चरणों में मेरा जथा जोड़ दंडवत प्रणाम। आज महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि देने का अवसर मिला, हम लोगों को तो मिलता ही रहता है, बड़ी बात है। जहाँ भी है ठाकुर जी गुरु महाराज जी कान पकड़ के अपनी सेवा करवा ही लेते हैं। हम लोग बहुत दिनों से गुरु महाराज जी की सेवा कर विषय में सुन रहे हैं, माइक पास में थोड़ी। सब अपने अपने एंगल से महाराज जी के चरित्र को वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न उठता है, हम लोग अभी आ रहे थे वृंदावन से यहाँ पर, तो महाराज जी की चर्चा चलती हुई आ रही थी। मैं अपने सतीर्थ श्री धीर ललित प्रभु से प्रश्न कर रही थी कि जब भजन रहस्य पुस्तक का किसी एक भक्त विमोचन हुआ था, महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने हिंदी के बहुत बहुत ग्रंथों को प्रकाशन किया, परंतु महाराज जी ने कहा सब ग्रंथों का मैंने अनुवाद किया है,
और एक भजन रहस्य एक ऐसा ग्रंथ है जो मेरे हृदय को खोल के रखा है। अगर अपने गुरु महाराज जी को जानना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप लोग भजन रहस्य बढ़ेगी ध्यान पूर्वक सुने, और यदि सौभाग्य हो तो कोई रसिक वैष्णव के अनुगत में उसको सुने पढ़े, तब समझ पाओगे कि गुरु महाराज जी किस लेवल के हमारे थे। तो ये विमोचन हुआ था तो मैं महाराज जी को प्रणाम करने की महाराज जी बहुत आशीर्वाद दिए हमको और कहे कि बेटी तुम ऐसा ही ग्रंथों का काम हमारे साथ करते रहना। अभी मैं जाने वाला नहीं हूँ, बहुत लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं चला जाऊंगा, अभी जाने वाला नहीं, शताब्दी करके जाऊंगा मैं। गुरु महाराज जी ने कहा मैं शताब्दी करके जाऊंगा। इसकी फिटनेस देने वाले आज है नहीं यहाँ, भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज थे उस समय, उनका संन्यास नहीं हुआ था, उनका नाम था कृष्ण कृपा प्रभु। महाराज जी को जग दे रहे थे गोपीनाथ भवन की बात है ये, महाराज जी को जल पिला रहे थे, निकाल रहे थे सुराही में देने के लिए। मैं भी महाराज जी के पास में ही थी, महाराज जी को आशीर्वाद दे रहे थे, बोले बेटी मैं शताब्दी मना कर जाऊंगा मैं तो कृष्ण कृपा प्रभु कहते महाराज जी एक नहीं दो शताब्दी मना के जाएंगे आप। तो महाराज जी ने जब सुना तो कुछ बोले नहीं, मौन हो गए, कुछ उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं? क्योंकि पता है दो शताब्दी असंभव है, योगियों के लिए चार शताब्दी पांच शताब्दी मनाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक प्राकृत लीला के अनुसार शताब्दी भी बहुत बड़ी बात है। आप लोग इसको हमसे अच्छा जानते हो, शताब्दी कितने भाग्यशाली ही लोग मनाते हैं। मैं प्रश्न कर रही थी प्रभु जी से, प्रभु जी स्वयं महाराज जी कह के गए मैं शताब्दी मनाऊंगा, वो अपनी व्यास पूजा भी नहीं मनाते थे, व्यास पूजा से पहले चले गए महाराज जी, क्यों क्या कारण था? मेरे ख्याल महाराज जी 90 के नहीं हुए होंगे, 90 के होते माघ में महाराज जी पौष में अपनी नित्य लीला को चले गए। क्यों? हम लोगों के हृदय में बहुत दुख है, बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ है कि महाराज जी अपने मुखारविंद से कह रहे हैं शताब्दी मनाऊंगा और नहीं मनाते गए। इसका कारण तो महाराज जी ही बता सकते हैं, खोज रहे हैं, लेकिन बड़ा कष्ट से हम लोग सहन किए महाराज जी की बात, महाराज जी अपने मुखारविंद से कहे थे। अतः अब मैं अपने वक्तव्य पर आई हूँ। ये सुन रहे हैं हम महाराज जी की बहुत प्रशंसा, प्रशंसा नहीं एक्चुअली में जो उनके गुण है वही वर्णन कर रहे हैं सब लोग। प्रश्न है ये कि इसकी उपलब्धि हम कैसे करें, सबका प्रश्न यही है कि गुरु महाराज जी के कृपा की उपलब्धि कैसे मिले। इसकी सरल सी एक कथा सुनाकर आपको उसका अर्थ बता के फिर महाराज जी का चलेंगे, क्योंकि यहाँ का टाइम का पाबंद मुझे नहीं मिला, इसलिए जो हम गुरु जी के चरणों में होगा बात करेंगे। तो महाराज जी बतला रहे हैं, एक पति पत्नी थे, उनके गोदी में छोटा सा बच्चा था, तो वो जा रहे थे जंगल में से, तो पत्नी ने सुना और अपने पति से बोली देखो शेखी आवाज आ रही है। पति ने जब ध्यान से देखा सुना तो बोले हाँ शेखी आवाज आ रही है, दोनों भागे जोर जल्दी जल्दी, लेकिन स्त्री जल्दी भाग नहीं पाई अपने बच्चे को लेकर, बच्चे को पति को दे देती है, पति भागता है लेकर, अंत में देखते आवाज बहुत पास आ चुकी है, अब हम लोग नहीं बचेंगे। अतः उन्होंने बच्चे को छोड़ा जंगल में और खुद जान बचाकर भाग गए। उन्होंने सोचा बच्चा क्या बच्चा होगा, छोड़ दिया। ये कथा सुनाकर महाराज जी का चरित्र सुनाएंगे कि हम लोग कैसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए सुनाई जा रही है ये कथा। चले गए, लेकिन कुछ देर बाद में कुछ बंदरियां आई, फीमेल मंकी मतलब बंदरियां आई। मादा जात का एक स्वभाव होता है, जो चाहे कितनी त्यागी हो, बैरागी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो,
बच्चे को देखकर उसका ममत्व जाग ही जाएगा। कुछ भी हो जाए नहीं बच सकता, ये सृष्टि का उसके पास एक गिफ्ट मिला हुआ है। आप लोग थोड़ी थोड़ी आगे आ जाइए, थोड़ी 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 कुछ बंदर आए और उस बच्चे को उठा लिया, अपने छाती से लगा लिया। अब बच्चा क्या किया, उन बंदर के संग में आकर बंदर जैसी सारी एक्टिविटी सीख गया, घुराना, खाना, चीखना, चिल्लाना, फलाना, कूदना, नहाना नहीं, धोना नहीं, कुछ कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, बंदर जैसा, एकदम बंदर जैसा। एक दिन उस जंगल में शिकारी जाता है, देखता ओहो ये क्या कमाल, एक बंदर की गोदी में मानव का बच्चा। उसको बहुत आश्चर्य होता है और उस बच्चे को पकड़ने के लिए पेशेंस रखकर जाल फेंककर केले को डालता है। केला सबसे ज्यादा पसंद है बंदर को, तो कभी कोई बंदर ले जाता है, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, लेकिन शिकारी ने अपना पेशेंस नहीं छोड़ा। अंत में वही बंदर आया, मानव का बना हुआ बच्चा। अब लोगों को शायद अनुभव ना हो, हमको वृंदावन में बहुत अनुभव है। अगर एक बंदर को तुमने छेड़ दिया तो हजार बंदर तुमको अटैक करेंगे, हजार बंदर खा खा। अब एक बंदर को पकड़ के ले जाना तो कैसे ले जाएंगे, एक बहुत मोटा मोटा सा डंडा था, इधर फटका इधर डालते इधर करते। महाराज जी वो संन्यास वो शिकारी उस बच्चे को घर में ले आता है। अब बच्चे को कभी स्नान किया हो तो स्नान करे, पानी को देख के उछले, कभी ऐसे काटे, कभी ऐसे काटे, कभी बाल नोचे। शिकारी ने जैसे तैसे उस बच्चे का शेविंग की, बाल कटाए, नाखून कटाए, स्नान कराया, कपड़ा पहनना नहीं जानता कपड़ा पहनाया, धीरे 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 ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉयज, ये अल्फाबेट सिखाया, हिंदी का, गणित, सब कुछ सिखाया। जब वो सीख गया तब बोला हाय मैं मानव का बच्चा था और बंदर का बच्चा बनकर अपने जीवन को खो रहा था। महाराज जी इस कथा से हम लोगों को सिखा रहे हैं, हम और आप सभी लोग कृष्ण दास हैं, ठाकुर जी के हम लोग सेवा है, हम भगवान के, हमारा स्वाभाविक नित्य धर्म में उनकी सेवा करना। इस माया के चुंगल में बंध कर, जैसे वो बंदर मानव था, बंदर के संग में बंदर बन गया था, ऐसी ही दुर्गति मेरी हो रही है। इस माया के जगत में आकर माया जैसा बन गया, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये लड़ाई झगड़ा, एक एक किंची बात पर मुकदमा, क्या क्या पता नहीं क्या क्या होता इस जगत में। ये सब माया की भाषा में हम जी रहे हैं। बड़े सौभाग्य से शिकारी रूपी गुरु महाराज इस धराधाम में पधारते हैं। क्या करते हैं, मैंने महाराज जी को बहुत नजदीकी से देखा है, मैं बहुत छोटी सी थी, दर्शन पहला दर्शन मैंने 79 में किया है गुरु महाराज जी का। तो मैं देखती थी महाराज जी क्या करते थे, महाराज जी का जाल कितना सुंदर था, कैसे हम सीखे वो बात पर चल रहा है हमारा पॉइंट। ये है महाराज जी के पास कोई आया, पति पत्नी बच्चे, महाराज जी पूछते बेटी तू कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ की बेटी है, कहाँ ससुराल है। एक मिठाई का लिया पीस और बहुत प्रेम से उस बच्चे को दे दिया, दो पीस तो नहीं, तीन तो नहीं सबको देते, एक पीस है बच्चे को दे दिया। माँ जी इतना मीठा बोलते और माँ जी का जीवन ही मीठा था, उनका कोई कपटतापूर्ण तो किसी के साथ कुछ था ही नहीं, उनका नेचुरल था, इतना मीठा बोलते थे महाराज जी। और महाराज जी की विशेष विशेषता है कि उनकी आवाज में वो ओजस्व, वो आकर्षण, एक बार जिसके कान में चलेंगे वो बस खत्म, माया से खत्म हो जाता है वो, इतना महाराज जी की बोली में आकर्षण था। महाराज जी इतनी मीठी बात करते थे, बस इतनी मीठी बात सुनकर वो लड़की जो औरत है चाहे पुरुष है कोई भी है, तो हैराम, आज तक इतना मीठा व्यवहार करने वाला मुझे कोई नहीं मिला इस जगत में, सब स्वार्थी हैं, कोई किसी का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो लड़ना भिड़ना, बाप रे बाप, कितना उधम मचाना शुरू हो जाता है।
महाराज जी तो इतना अब वो मीठी बोली अब उसको घर में नहीं रुकने देती है, 4 बजे 4:30 बजे भागती है वो मीठी बोली सुनने के लिए। फिर वो मठ में आने लगता है धीरे 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 धीरे। महाराज जी का आज ये उत्सव है बेटी, कल हमारे हमारे गुरु जी का उत्सव है, कल तुम दोपहर में भोजन पानी आ जाना। महाराज जी का निमंत्रण मिला और जिसके पेट में एक बार मठ का प्रसाद चला गया वो तो गया, फिर नहीं पचेगा वो मठ का प्रसाद आते ही उसके पेट में। महाराज जी इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों को माया के चुंगल से, जैसे वो शिकारी बंधक के चुंगल से निकालता है, ऐसे ही गुरुदेव इस संसार की गोदी रूपी चुंगल से हमको इतनी मीठी मीठी बात करके निकालते हैं। और फिर इतनी ब्रज की इतनी मीठी मीठी कथा, क्योंकि महाराज जी ब्रज कथा के कहने के एक्सपर्ट हैं, उनके मुकाबले अभी आचार्य वर्गों की बात चल रही थी रास्ते में, हाँ सभी आचार्य हमारे रसिक हैं। क्यों? क्योंकि रसिक ही जन हमारे मठ से, मठ माने गौड़िया संप्रदाय से जुड़ेगा। अगर जो रसिक जीव नहीं होगा वह कदापि हमारी गौड़िया संप्रदाय से नहीं जुड़ सकता। वो जो रसिक होगा, बस यही है, कोई रसिकता को अंदर ही अंदर पीक पान करता है, कोई थोड़ा बहुत वर्णन कर देता है, लेकिन गुरु महाराज जी सुदक्ष्म थे, टिके टिका एकदम इतनी बढ़िया इतने बढ़िया से कथा बोलते थे। जब महाराज जी के सामने महाराज जी हम लोगों को माइक देते थे, कहते सोविता मैं तो माँ जी से मना करती, नहीं महाराज जी मारू मामा ही से पकड़ती जल्दी आ जा। जब जाती थी महाराज जी के पास में कथा के लिए बोलने, महाराज जी के सामने कथा बोलना इसको अनुभव तो हमारे सीधे महाराज जी भी बता देंगे, मैं पैर थरथर कांपने लगते थे, हाथ से मैं छूटने लगता। महाराज जी तो महाराज जी कहते थे बेटे ब्रज भाषा में बोलना, मैं अपने महाराज जी की रसिकता का वर्णन कर रही हूँ, ब्रज भाषा में बोलना, हम तो ब्रज के जन्मे हुए तो ब्रज भाषा तो हमारी मदर टंग है, तो ब्रज भाषा में बोलते थे। महाराज जी रोते रहते थे, सुनते थे, रोते रहते थे, रोते, हमें तो पता नहीं महाराज जी क्या कर रहे हैं, पास में आना महाराज जी, हमको पीछे से इशारा मिलता था तो हम भक्तिता बंद करते थे। तो दो तीन बार ऐसा हुआ तो मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी कथा में तो कोई ऐसा विप्रलम्ब भाव नहीं था और कथा में मैं समझती नहीं क्या बोल रही हूँ, आप ही बुलवाते हैं, जो बुलवाते हैं मैं बोल देती हूँ महाराज जी, पर आप रोते क्यों महाराज जी? एक बार नहीं बताया, दो बार नहीं बताया, मैं आज जबरदस्ती बैठ गई, महाराज जी आप नहीं बताओगे तो मैं भी कथा सुनने नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारे महाराज जी से मेरा गुरु भाव नहीं था, वो मेरी फास्ट फ्रेंड, बहुत कहना सरल है उसको निभाना बहुत कठिन काम है। हम लोग तो गुरु महाराज जी, ये लोग हमको डांट डांट के सिखाए कि गुरु महाराज जी कहा करो, बहुत महाराज जी हो गए हैं, कौन महाराज जी, गुरु महाराज जी कहो, तब हमको लगता है कि गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी माने थोड़ा सा ऐश्वर्य बुद्धि आ जाती है गुरु कहने पर, क्योंकि महाराज जी से कोई गुरु जैसा हमारा कोई संबंध नहीं था, स्वभाव नहीं था, हमारा व्यवहार नहीं था महाराज जी से, बूजम फ्रेंड जैसी, जो बात मैं अपने माता अपने घर वालों से नहीं बोल कर सकती थी महाराज जी से शेयर करके बात कर, क्यों मेरे बिल्कुल बहुत क्लोज में थे महाराज जी। तो बात चल रही थी, मैं महाराज जी से पूछी, तो महाराज जी बोल रहे थे बेटी मुझे नहीं पता तू क्या बोली है, मुझे नहीं सुना मैंने तेरा लेक्चर, तूने क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं कहा फिर क्यों रोए आप? बोले मैं ब्रज भाषा को सुनते ही इतना आत्महरा हो जाता हूँ, अपनी देह की विस्मृति हो जाती है मुझे, और ब्रज भाषा सुनते ही मैं ब्रज का अनुभव होने लगता है और ब्रज के भाव मेरे हृदय में हिलोरे मारने लगते हैं समुद्र की तरह से, मैं अपने ब्रज का रस आस्वादन करता हूँ अपने को कंट्रोल में। ये थे महाराज जी की रसिकता का परिचय कि महाराज जी कैसे रसिक थे। तो बात चल रही कि ऑपरेशन की, तो महाराज जी फिर ऑपरेशन कर देते हैं, क्या करते हैं धीरे धीरे बतलाते हैं, तू कृष्ण दास है, राधा रानी का दासी है, तो बहुत बतलाता है।
प्रभु अभी तो लाइन पर पटली आ ही रही थी। अच्छा एक बात कहकर बस 5-7 मिनट लेके बंद करूँ, बाकी जूम में बोल देना बस। जो आप आज क्या हमारे तो आप लोग सब बड़े तो महाराज जी इस तरह से हम लोगों को ऑपरेशन करके बतलाते थे और केवल ऑपरेशन नहीं पूरा ट्रीटमेंट करते थे। कैसे ट्रीटमेंट करते थे? अनर्थों से कैसे बचना पड़ेगा, पापों से कैसे बचें, दस वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, महाजी कथा करते थे। शायद यहाँ पर जब हमारे संघ में शायद हमारे श्री प्रसादन प्रभु ने तो सिद्ध महाराज जी हो गए, यही हमारे समसाहिक थे महाराज जी, पूछो बताते बताएंगे कि महाराज जी जब कथा करते थे केशव जी गौड़िया मठ में, एक एक ईंट ईंट कथा बोलती थी, एक एक ईंट हमको त्याग वैराग्य सिखाती थी, क्योंकि महाराज जी का इतना त्याग वैराग्य, इतना महाराज जी का कि मैं बता नहीं सकती। अभी रास्ते से बात कर रहे थे कि महाराज जी अपने कमरे के बाहर बैठ जाए तो किसी ब्रह्मचारी की हिम्मत नहीं इधर से उधर निकल जाए, किसी ब्रह्मचारी की हिम्मत नहीं। हमसे कहते थे दीदी आपको डर नहीं लगता? अगर नहीं हमको नहीं डर लगता, आप लोग क्यों डरते हो? कोई निकल भी गया तो कहते हैं क्या छोटा इधर इधर इधर, वो आते बेचारा कांपता हुआ आदि दम तो उसकी बस ही निकल जाती, महाराज जी उसको बुलाते तो कहते हैं कल मैंने कथा की उसमें क्या बोला, शरण दिया वो मैंने क्यों बोला, ठिन ठिन बाल मदन गोपाल महाराज जी के तो पुलिस अफसर थे दो दिन में सड़क तब छक डर के मारे हिम्मत नहीं करता था। महाराज जी जब से विदेश की यात्रा गए एकदम 100% चेंज हो गए, एकदम मोम जैसे, एकदम मक्खन जैसे कोमल हो गए। नहीं तो गुरु महाराज जी के पास रहकर भजन करना बहुत कठिन काम, कठिन नहीं अत्यंत कठिन काम। ऐसा हाथ पैर चलाते थे, हम लोगों ने पिटाई खाई है महाराज जी, जब लड़कियों पर हाथ छोड़ सकते हो तो पुरुषों पर क्या करेंगे। नहीं जैसा एक्सपर्ट टीचर होगा वैसे बच्चे स्टूडेंट निकलेंगे। और ये हमारी भी पहले बहन बता रही थी कि हम लोगों को तो आप माइक देकर बड़ी मान सम्मान से खड़ा होकर सुन रहे हो आप लोग, लेकिन आप यहाँ पर बहुत मैं देख रही हूँ मेरे गुरु बहन भाई बहुत बैठे हुए हैं यहाँ पर, किसी को भी पीछे बैठी मेरी ललिता दीदी बोला बुलाओ दीदी पकड़ो माइक, वो घंटे भर पहले माइक छोड़ने वाली नहीं। क्यों? महाराज जी की एक कला थी, विशेष थी, विशेषता थी, जो एक महीने की कथा सुन ले महाराज जी की, एक महीने केवल क्या मुखर बोलता था वो, धुरंधर बन जाता था कथा में। लोगों को तो कुछ बोलने के अभ्यास नहीं, कुछ अभी तो बोलने के लिए हम ट्रैक लाइन लाइन को ट्रैक पर ला रहे थे गाड़ी, वो पहले घंटा बज चुका है, ठीक है हम समय का उल्लंघन नहीं करूंगे, लेकिन बात यही है कि मेरा जैसा गुरु भूतो ना भविष्यति। मैं भविष्यति की बात नहीं कहूंगी और भूत की बात भी नहीं करके किसी के चरणों में अपराध नहीं करूंगी। हाँ मेरे को ऐसा कोई गुरु नहीं मिला, मैं ब्रज की जन्मी हुई लड़की हूँ, शायद आप लोगों को गौड़िया मठ से ही संपर्क मिला होगा, 2-4, 10-20, 100-200 गौड़िया मठ के संत वैष्णव सन्यासी मिले होंगे हमको, वहां जन्म मिला है कि कोई ऐसी संप्रदाय नहीं, कोई ऐसा मठ नहीं, कोई ऐसा आश्रम नहीं, कोई ऐसा मंदिर नहीं जिन लोगों से हम लोगों की भेंट ना होती हो, सबसे होती है, पर सबको करोड़ों में से गुरु महाराज जी का कोई पासंग नहीं करता। इतना निर्भीक वक्ता रूप गोस्वामी जी की उसमें कॉन्फ्रेंस में जो कोई भी जवाब इतना भी अब सिद्धांत हो जाता था तुरंत रोक कर महाराज जी कहते थे वही सही कर देते, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, इतने निर्भीक वक्ता थे। कौन बनेगा निर्भीक वक्ता? जिसको फुल कॉन्फिडेंस होगा अपने आराध्य देव पर वो बन सकता है महाराज जी का। और ट्रीटमेंट एक छोटी सी कथा, मैं कथा नहीं बोलूंगी पर जनाजा बोल के छुट्टी कर दूंगी कि श्रीमद जीव गोस्वामी पाद
जी ने भक्ति संदर्भ में अनेक प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया है। संग सिद्धा, अरोप सिद्धा, गुणी भूता, प्रधानी भूता, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, स्वरूप सिद्धा, बहुत भक्तियों का वर्णन किया है। केवल मात्र गुरुदेव कहते थे, गुरुमा जी की निजी शिक्षा है ये, केवल मात्र ब्रज के रस को पाना है। जिस रस को देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, राधाया प्रण महिमा की दृश्य हुआ, उसका आस्वादन किया और स्वभक्ति श्री उन्होंने प्रकाशित किया। यदि इस ब्रज भक्ति को पाना है, पाना तो निश्चित है, बढ़िया संप्रदाय से जुड़ गए तो पाना ही पाना है, माने ब्रज भक्ति हम लोगों को पानी है। यदि ब्रज भक्ति पानी है तो एकमात्र स्वरूप सिद्धा भक्ति का पालन करने से ही वह भक्ति प्राप्त होगी, नहीं तो और किसी भक्ति से पालन करने से नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आप तो पूछोगे स्वरूप सिद्धा भक्ति किसको कहते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं, कहते हैं कि जब गुरु महाराज जी दीक्षा देते हैं, दीक्षा देते समय प्रेमांजन छुड़ित भक्ति विलोचने न संता सदैव घटेषु विलोकय अंतिम यम श्याम सुंदर अचिंत फल स्वरूपं गोविंदमादि पोषणं तं मम भजामि। ऐसे दिव्य नेत्र होते हैं गुरुदेव के पास में, प्रेम के अंजन लगा हुआ होता है उसमें, उस दिव्य नेत्र से हमारी आत्मा के स्वरूप को देख लेते हैं और आत्मा के स्वरूप से हमारे आराध्य से गांठ बांध देते हैं, जोड़ देते हैं, हमारा संबंध लगा देते हैं, इसी को दीक्षा कहते हैं। गुरु महाराज जी जो हमको संबंध दिए हैं, उस संबंध में प्रतिष्ठित होकर अपना साधन भजन करें, वही स्वरूप सिद्धा भक्ति है। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे इस समय शायद 6:30 जो भी बचे मुझे पता नहीं है, जैसे इस समय क्या है, एक भक्त किसी भी ब्रह्मांड के किसी छोर पर भजन कर रहा हो, पाश्चात्य देश हो, भारत हो, कहीं भी, चाहे वृंदावन कहीं भी हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भजन कर रहा है, अपना हरे नाम कर रहा है, क्या चिंतन करेगा? यदि तुमने भगवत चिंतन नहीं किया तो मन का काम है चिंतन करना, भगवत चिंतन नहीं किया तो मन संसार का चिंतन करेगा, इसलिए संसार के चिंतन को रोकने के लिए भगवत चिंतन करना नितांत आवश्यक है। क्या करें? आहा, इस समय मुख से कह रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या हो रहा है? श्री कृष्ण नंदिनी लाडली जी अपने जावट में बैठी हैं, हजारों सखियां अलग 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 अपनी तैयारी कर रही हैं, कोई रसा बना रही, कोई सूखी सब्जी बना रही, कोई पकौड़ा बना रही, कोई मगौड़ा बना रही, कोई कचौड़ी बना रही, कोई पकौड़ी बना रही, कोई भटूर, क्या क्या हजारों चीज ज्यादा से ज्यादा बना के भेजनी पड़ती है श्री किशोरी जी को। टिफिन लग रहे हैं और टिफिन लग के हम कैसी कृषित निगाह से देख रहे हैं कि श्यामा जो आज हमको भेजो, आज मैं लेके जाऊंगी ब्यारू भोजन नंद भवन में, भजन कर रहा अपने घर में, हरे कृष्ण 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 कर रहा है, लेकिन चिंतन क्या कर रहा है? जावट में वृषभान नंदिनी ब्यारू की तैयारी करके टिफिन लग रहा होगा, टिफिन लग चुका है क्योंकि काफी देर हो चुकी है, बाबा तो दिन छिपे से पहले ही प्रसाद पा लेते हैं, हमारे ब्रज में जल्दी पाते हैं, जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, हमारे यहाँ लेट मक्की पर नहीं, 10-11 बजे नहीं, आज हम सुने थे कि भैया हमको यहाँ से देर होगी तो 12 बजेंगे वृंदावन पहुंचने में, हमारे तो धक धक होने लगा, हाय 12 बज जाएंगे, हम तो 1:30 बजे उठाते हैं अपना, फिर कैसे होगा, फिर क्या होगा, हाँ तो पूरा हमारा सब सिस्टमेटिकल सब खराब हो जाएगा। चुपचाप सुन रहे थे कि 12 बज जाएंगे, जल्दी से जल्दी आप लोग हमको आज्ञा देंगे, हमारे सत्यनिष्ठ जो आए जल्दी से उनको कह के भाग लेंगे, तो हमारे प्रतिवासी जल्दी खाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं, तो क्या कर रहा है? ऊपर से भगवत नाम कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वो जा रही है, मानो हम ही श्री ब्यालू भोग को लेकर जा रहे हैं नंद भवन, सोचते हुए जा रहे हैं, आहा प्यारे श्याम सुंदर से भेंट होगी, श्याम सुंदर से मेरी किशोरी जी का पूछूंगी, हे प्यारे आज कौन सी जगह मिलने का संकेत है, उस संकेत को देखूंगी और बड़े गौर से देखूंगी कौन चीज मेरे प्यारे ने बहुत अच्छी पाई है, क्यों? क्योंकि बड़े लाड़ दुलार से किशोर जी नहीं पाएंगी बिना श्याम सुंदर के, बड़े लाड़ से खिलाऊंगी, देखो श्यामा जो आपके दही बड़ा आज प्यारे ने कितने प्रसन्न से पाए, देखो थोड़ा सा पाते
श्री कृष्ण जी को मैं खिलाती जाऊंगी और प्यारे के भावों को सुनाती जाऊंगी। ये भाव लेता हुआ लेती हुई जा रहे हैं नंद भवन में, और नंद भवन में ये ज्ञानू प्रसाद के तहत बहुत बड़ी लीला है। ये लीला क्या किस लिए बताई? स्वरूप सिद्धा भक्ति। ऐसी भक्ति हम लोग करें तो निश्चित इसमें कोई संदेह नहीं, इसी जन्म में ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं। क्षमा चाहती हूँ, बहुत समय ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके स्वयं हमको क्षमा कर देना। जो अच्छा लगे तो गुरु जी का मान लेना और कथाएं तो अच्छी हरे कृष्णा। अभी जो सविता ने जो कथा सुनाई है ये है ना, जो बात बता रही थी, ऐसे कोई ब्रज में तो आपको पता बहुत सारे संत लोग हैं, बहुत सारे संत लोग जी ये सारा दुनिया घूमी है। ऐसे कोई संत नहीं जिसको पास में गए नहीं ब्रज में, वो सारे संतों के पास उसने क्या कर रहे हो चुपचाप उसको कोई रख कोई 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 रख प्रभु। इसलिए उसने सारे संतों को आश्रम में उसने घूमी है। लेकिन उसने जब श्री गुरु जी को पास में आई, कहते ना आचार करने के रामचंद्र गुरु आ जा, बोले सियावर रामचंद्र की। इसलिए कहते जो आचार करने के वो ना करे प्रचार, और प्रचार करने के वो ना करे आचार। कहते आचार प्रचार नामे करह दुई कार्य, तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगत राज। रामचंद्र गुरु जी, रामचंद्र गुरु जी अब वो चेयर में बैठ सकते, चेयर में बैठ, वो थोड़ा पास बैठना चाह रहे हैं, इधर आओ। हरे कृष्णा। इसलिए इसने जब हमारे गुरु जी को पास में आए, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को पास में, कहते इनका जो आचार और जो प्रचार, जगत में कोई प्रचार तो करते हैं लेकिन जीवन में कोई आचरण नहीं करते हैं। जगत में कोई आचरण तो करते हैं लेकिन जगत में कोई प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी के अंदर में वो दो चीज परिपूर्ण मात्रा में थी। आप लोगों ने जो नजदीक में गुरुदेव को देखे होंगे, गुरुदेव हमने देखा जितने भजे गुरुदेव क्यों नहीं, मैं गुरु जी की चरण दबा सेवा करता था, सोते समय गुरु जी को सर पर तेल लगा करके और गुरु जी को चरण दबाते हुए गुरुदेव को सुलाया करता था। जैसे जन्माष्टमी में सोते सोते कभी कितना समय हो जाता है, कभी एक से पहले तो कोई सो नहीं सकते हैं, ठाकुर को अभिषेक होते हुए होते होते गड़गन बज जाती, एक बज जाती थी, एक डेढ़ बज जाती थी। लेकिन गुरुदेव भले ही जितने बजे गुरुदेव क्यों विश्राम नहीं करे, लेकिन गुरुदेव जो उठते थे ना एकदम ढाई तीन बजे गुरुदेव उठ जाते थे, और उठ करके आसपास में जो सोए हुए किसको बुलाएंगे नहीं, किसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। गुरुदेव उठ करके अपना हाथ को धो देते थे, हाथ को धो करके अपना खटिया के ऊपर गुरुदेव बैठ, खटिया के ऊपर में गुरुदेव बैठ जाते थे, और गुरुदेव बैठ करके कम से कम गुरुदेव सवेरे भोजन से पहले नाश्ता से पहले गुरुदेव जब तक एक लाख हरिनाम नहीं करते थे गुरुदेव भोजन नहीं करते थे। हमारे प्रेमानंद प्रभु मथुरा में रहते थे, गुरुदेव के पास में जाते थे, गुरुदेव पैसा दीजिए सब्जी मार्केट करने के लिए जाऊंगा। देखो गुरुदेव का कैसी वाणी, बोले हम भजन के लिए पहले आए हैं, जब तक मैं एक लाख हरिनाम पूरी नहीं करूँगा पैसा नहीं दूंगा, पहले भजन करूँ। इसलिए गुरुदेव आप देखे होंगे जो नजदीक में आए, अगर किसको देखे है ना सबसे पहले क्या बोले, कितना तुमने भजन किया, अभी बता रहे थे ना कितने तुमने माला की, कितने तुमने भजन किया है, हैं? इसलिए गुरुदेव ऐसे दिन में तो एक लाख हरिनाम करते थे भोजन से पहले, लेकिन सारा दिन और हरिनाम करते थे गुरुदेव। जो लोग सोलह माला करते होंगे ना आप देखे होंगे, सवेरे से लेकर के शायद रात हो जाता है सोलह माला हमारे खत्म नहीं होती है, सोलह माला खत्म नहीं। लेकिन गुरुदेव मतलब गुरुदेव का जगत में इतनी प्रशंसा क्यों, जगत में सारा दुनिया गुरु जी के ऊपर कितने टूट पड़ क्यों, कारण क्या है, बोले जब तक एक लाख हरिनाम नहीं करेंगे भजन नहीं करेंगे। फिर सारा दिन एक लाख हरिनाम है कितना नहीं, एक दिन गुरुदेव मेरे को बोल रहे थे, बोले गोस्वामियों ने जैसे भजन किया है मैंने कोशिश की, गोस्वामी लोगों ने जैसे भजन किया ऐसे करने के लिए, जैसे उनका संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसान कृतो निद्रा आहार
इहार कादि विजितो चात्यंत दिन जजो राधा कृष्ण गुण स्मृतेन मधुरिमान सन्महितो बंदे रूप सनातनम रघुजुगौ श्रीजीव गोपाल को। जैसे गोस्वामी ने संख्या प्रभु का नाम नति जहाँ पर गिरधारी गौड़िया बैठे ना गुरुदेव बोलते थे, आप लोग जब पहले देखे होंगे वहाँ पर एक दो मंजिली का मकान थी, गुरुदेव वहीं पर गिरिराज गोवर्धन में रह करके रोज गिरिराज परिक्रमा दो दो लाख हरिनाम गोस्वामी ग्रंथ अध्ययन ये सब गुरुदेव ये सब काम को बड़े निष्ठा पूर्वक करते थे। इसलिए जिसकी साधन जितना अच्छी है, केवल इतना नहीं कितने गुरुदेव ने कितने ग्रंथ प्रकाशित किए, कितने हिंदी भाषियों के लिए तो गुरुदेव के इतने बड़े अवदान है, इतने बड़े अवदान लास्ट जो गुरुदेव जब स्कैंडलाइज हो गया गुरुदेव तो ऐसे एकदम पूरा ऐसे लेट करके गुरुदेव पता नहीं सवेरे कब उठते थे और कब ग्रंथों को प्रूफ रीडिंग करते थे और उसको चार पांच छह सात भक्त लोग लगे हुए थे। गुरुदेव कहते थे मैं रहते रहते जितने ग्रंथ प्रकाश हो जाएगा ना फिर इसको बाद में और ग्रंथ प्रकाश होने वाले नहीं। इसलिए हिंदी भाषा में गुरुदेव का जो अवदान असंख्य गुरुदेव ने ग्रंथों को गुरुदेव ने प्रकाश करते हुए गए। इसलिए गुरुदेव का जैसे आचरण वैसे गुरुदेव का भजन उनका साधन ये सब कुछ गुरुदेव का परफेक्ट है। इसलिए गुरुदेव के पास में विश्व के सारे ब्रह्मांड के लोग गुरुदेव के चरण में आए। इस श्रृंखला में हमारे श्री धीरे कृष्ण प्रभु जी वृंदावन से शरीर अस्वस्थ रहते हुए भी प्रभु जी बड़े कृपा यहाँ पर की है, प्रभु जी यहाँ पर आए और इनको जो गुरुदेव के साथ में ना आप लोग जो देखे होंगे जब तेल लगाते थे गुरुदेव के साथ में कोई भी प्रश्न गुरुदेव हमारे धीरे कृष्ण प्रभु खोल करके गुरु ऐसी साथ कोई इतने नजदीक में खोल करके साथ गुरुदेव को एक रामचंद्र प्रभु मैंने देखा एक रामचंद्र प्रभु भी और धीरे कृष्ण प्रभु एकदम खोल करके जैसे कितना फ्रेंड जैसे ऐसे बोल करके हर चीज को प्रश्न करते हमारे धीरे कृष्ण प्रभु और गुरुदेव से आंसर प्रश्न करते इसलिए उनको पूरा कापी भरा पूरा उन्होंने कापी को सारे जितने नोट्स लिख 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 गुरुदेव महाराज बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट उन्होंने लिखे हाँ पढ़ते हुए आ रहे थे ना बोलने के लिए। इसलिए प्रभु जी अभी रूप सनातन गौड़ीय मठ में रहते हैं अपना साधन भजन को एकदम बढ़िया से अपना साधन भजन को प्रभु ठीक से करते हैं और रूप सनातन मठ में जब वहाँ उस समय ये प्रभु रहने का वजह हम इतना चिंता नहीं करते क्योंकि जब बड़ी से बड़ी कोई समस्या आ जाए ना हमें पता है प्रभु जी है इनको सामने क्यों हिम्मत नहीं होता था बात करने के लिए बड़े से बड़े व्यक्तियों को इसलिए प्रभु जी कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए रूप सनातन में जो भजन कर रहे हैं ये पूछे को ऊपर का सारे काम भी प्रभु जी कर लेते हैं इसलिए बच्चे लोग वहाँ पर मतलब आसानी से भजन कर रहे हैं। अभी प्रभु जी गुरु जी की प्रिय सेवक है गुरुदेव की बड़ी देश विदेश में जहाँ जहाँ गए प्रभु जी साथ में गुरु महान प्रभु साथ में रहे गुरु जी की बड़ी सेवा की प्रभु जी ने। अभी प्रभु जी आप गुरु जी के चरण में कुछ श्रद्धा पुष्पा जी प्रदान कर श्री धीरे कृष्ण प्रभु जी ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय श्रीरूपाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणेति नामने श्रीकृष्णलीलानुकथने सुदक्षमौदार्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तम् नारायण त्वाम शीर्षा नमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाव दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्तवृंद वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवती प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मंचस्थ तितंडीपाद गण श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज हमारे सतीर्थ विजय कृष्ण प्रभु रामचंद्र प्रभु राधानाथ प्रभु संजय प्रभु जीत प्रभु और एक से एक योग्य लोग श्रोताओं में भी बैठे हैं उनको भी मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो इस गोष्ठी में उपस्थित हुए हैं। उपनिषद कहते हैं प्रवृत्तिर एष भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला। इस शरीर भोग आयतन है, संसार से प्रीति करना इसकी प्रवृत्ति है। प्रवृत्तिर एष भूतानां ये कोई बड़ी बात नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य नेत्र पशु भी नराण धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मे विहीना पशु भी समाना। कि मनुष्य जन्म हमें मिला है तो अच्छे बुरे का भेद जान सकते हैं और कहीं जन्म जन्मांतर में भटकते घूमते फिरते किसी वैष्णव की चरण रज मिल जाए कुछ संग मिल जाए ज्ञात या ज्ञात सुकृति हो जाए और जब ऐसी सुकृतियां पुंज पुंज इकट्ठी हो जाए तब ऐसी संगोष्ठियों में उपस्थित होने का ऐसे गुरुवर्गों के बारे में श्रवण करने का और ऐसे वैष्णवों का संग करने का अवसर प्राप्त होता है। गुरु जी का जीवन का एक विस्तृत पक्ष ये है कि वो अपने समकालीन आचार्यों से कुछ वैशिष्ट रखते थे। रूपानुग तो सभी आचार्य थे गौड़िये, सब ही ब्रज भाव में भक्ति करते थे किंतु वैशिष्ट ये था कि तत्व सिद्धांत को लीलाओं के साथ उन्होंने जिस प्रकार गूंथा वो अद्भुत था अभूतपूर्व था। इस दास को गुरुजी का आसन करने का अवसर प्राप्त हुआ तो एक बार मैंने गुरुजी से पूछा महाराज जी सुदामा द्वारका में आए और कृष्ण ने उनकी पत्नी को बहुत सुंदर बना दिया और बहुत सारा धन वहां अपने आप पहुंच गया सुदामा के गांव में तो सुदामा को ही दे देते। उनकी पत्नी को नवी युक्ति बनाया सुदामा को ही बना देते। ये प्रश्न था हृदय में बहुत समय से, उत्तर क्या निकल के आया कि लज्जा जो है स्त्री का भूषण है। सुदामा को अपनी पत्नी को पहचानना पड़े उसमें कोई समस्या नहीं है, अगर सुदामा को नवी युग बना देते तो उनकी पत्नी को पहचानने में लज्जा का त्याग करना पड़ता। देखो ये पक्ष उनका इतना बलवान था कि हम लोग सब कुछ भूल गए, पीछे मुड़ के संसार में जाने का प्रयास किया भी तो देखा कि हम तो बहुत बड़ा भव सागर पार करके आ पहुंचे हैं दूसरे किनारे पे, अब कहां वापस जाएंगे। और वैष्णवों का बड़ा आश्रय मिला तो 1946 में गुरुदेव देवानंद गौड़ी मठ में आए। 1946 में ये नवद्वीप धाम भूमि है, गौर मंडल है जहां पर गुरुजी आए और 1954 में गुरुजी मथुरा आए। अब मथुरा धाम में रह करके जो बाबा गरीबदास की धर्मशाला थी उसमें छोटा सा मठ निर्माण किया गया, छोटे से कमरे में ठाकुर जी हैं और दो चार ब्रह्मचारी रह रहे हैं अगल बगल के दो एक कमरों में और छोटे से कमरे में गुरुजी रह रहे हैं। अब जो आसपास की जो कॉलोनियां हैं सिंधी और पंजाबी लोगों की
वो कहते हैं भाई यहाँ मत जाना, यहाँ बंगाली लोग रहते हैं वो जादूगर होते हैं। माताएं अपने बच्चों को भेजने में कतराती थी वहां पर कि वहां तो जादू चल जाएगा, बंगालियों का काला जादू चल जाएगा। तो इधर गुरुजी ने जब गृहस्थों के यहाँ जाना शुरू किया और उनकी हरि कथा जो ब्रज रस भाव वाली हरि कथा थी वो जब उन लोगों के कानों में गई तो बहुत जिसे कहते हैं उन्होंने हाथों हाथ लिया और बहुत जल्दी लोग वहां जुड़ते चले गए। अब करते करते 40 साल हो गए 1996 आने तक जब गुरुदेव पहली बार विदेश गए। और विदेश गए क्यों? विदेश प्रचार महाप्रभु ने इंगित किया था, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो विमोचना, उसको सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने मूर्त रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने वन महाराज और दो एक सन्यासियों को जर्मनी और इंग्लैंड भेजा, सारंग महाराज, भक्ति सारंग महाराज, किंतु कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जिनको हम इस्कॉन वाले प्रभुपाद कहते हैं, वो विदेश में गए, बड़ी उच्च वस्तु देने के लिए वो भी गए, किंतु देनी किसको है? हिप्पियों को देनी है जो संसार से तो विरक्त हैं किंतु भगवान में आसक्त नहीं है। और ये वस्तु जो ब्रज भाव है ये साधारण व्यक्ति को दिया नहीं जा सकता, संसार से विरक्ति तो चाहिए ही, भगवान में श्रद्धा भी चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के 64 अंगों को चार अंगों में संक्षेप रूप में बोला है, गुरु पदाश्रयास तस्मात कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण, के बिना गुरु पदाश्रय के भक्ति के 64 के 64 जो बाकी अंग हैं वो शून्य के बराबर है। गुरु पदाश्रय बहुत अनिवार्य है। इधर 1977 में भक्ति विदान स्वामी महाराज जी भी इस्कॉन की प्रतिष्ठा करके और बहुत विशद प्रचार करके उन्होंने भी शरीर छोड़ दिए। अब जो इस्कॉन के लोग रागानुगा भक्ति की खोज में थे, अभी रूपानुगा भक्ति का उनको ज्यादा संकेत नहीं है, अब वो भटक रहे हैं कि किसके पास जाएं। वो लोग गए भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी के पास। कुछ वर्षों के बाद 1989 में वो भी तिरोधान लीला करके वो भी चले गए। अब 1989 में भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी जब गए तब अब मथुरा में इस्कॉन के बड़े बड़े जीबीसी आदि सब आने शुरू हो गए मथुरा मठ में, क्योंकि भगवान की योजना हर व्यक्ति के लिए है। संत दीदी ने एक प्रश्न उठाया था कि गुरुजी ने कहा तो था कि वो शताब्दी पूरी करके जाएंगे, लेकिन पहले क्यों चले गए? भगवान की इच्छा ही बलवान है। जब गुरुजी ने अपने सन्यासियों को दीक्षा देने का अधिकार दिया, साथ में ये भी कह दिया कि तुम लोग सावधानी से दीक्षा देना, मैं तुम्हारे शिष्यों के पाप तुम्हारी अनर्थ अवस्था होते में मैं नहीं लूंगा, अगर तुम अपने शिष्य अपने शिष्यों को दीक्षा देते हो तो उनके लिए तुम स्वयं दाई हो। इससे ये इंगित मिलता है कि गुरुजी अब तिरोधान लीला करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो शताब्दी पूरी हो रही है या नहीं हो रही। जब प्रचारक लोग लौट के आ रहे हैं तो गुरुजी उनको बड़ा उत्साह देके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, ओह यू वेंट टू रशिया मस्ट बीन वेरी कोल्ड, यू वेंट टू इंग्लैंड यू मस्ट हैव सफर्ड, श्याम रानी दीदी, बदना महाराज उस समय प्रेम प्रयोजन प्रभु, बाद में वो अरण्य महाराज हुए, इन लोगों को गुरुजी बड़ा उत्साह देते थे। तो भगवान की इच्छा ही बलवान है,
समय से पहले इस्कॉन वाले कहते हैं कि हमारे स्वामी महाराज समय से पहले चले गए। प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गण कहते हैं कि सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने लीला जल्दी संवरण कर ली क्योंकि कोई योग्य नहीं था। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि भगवान बड़े दयालु हैं। अगर वो दयालु ना होते तो ऐसे गुरु वर्गों को क्या हमारे जीवन में भेजते हैं? तो गुरु जी जो 40 वर्षों से मथुरा में जो साधन करते आ रहे हैं, अब विदेश प्रचार का उसका समय आ गया है। इधर भक्ति विनोद बामन महाराज जी नवद्वीप में गुरु जी को कहते हैं, महाराज जी अब आपके विदेश जाने का समय आ गया। और सबसे पहले भक्ति विदान तीर्थ महाराज जी तिरुधान लीला करेंगे, उसके बाद मैं तिरुधान लीला करूंगा, आप महाप्रभु की वाणी को चरितार्थ करके पूरा काम करके लौट के आना। आपको ये कार्य पूरा करके आना है। जिस समय सन्यासियों को दीक्षा देने का अधिकार दिया गया और उनसे जो बातचीत हो रही है उससे मैं ये अपना जो मैं समझ रखता हूँ छोटी सी, उससे मेरे को ये मालूम पड़ रहा है कि गुरुजी अब बहुत ज्यादा समय रहने के लिए तैयार नहीं, और उस समय शरीर भी अब क्षीण होना शुरू हो गया था, रोग ग्रस्त होने शुरू हो गए थे। ये गुरु वैष्णव की स्वतंत्र इच्छा है, इस पे प्रश्न उठाना मेरी समझ से बाहर है। खैर, अब जब इस्कॉन के जीबीसी लोग और बड़े बड़े आचार्य आने शुरू हो गए तो अब उन्होंने अपने अपने सेंटरों में वही कथा कहनी शुरू की जो गुरु जी से सुनते थे, क्योंकि रसमयी कथा है, उनकी कथाएं कोई साधारण नहीं है, वही साधन है, वही साध्य है। हम लोग अगर भगवान के धाम में चले भी जाएंगे तो वहां भी क्या करेंगे, वहां भी तो हरिनाम कीर्तन ही करना है। तो जैसे श्रीधर महाराज जी ने पहले वो मंगल गीति गवाई, श्रित कमला कुछ मंडल हे थित कुंडल हे, कलित ललित बनमाला जय जय देव हरे, दिन मणि मंडल मंडन हे भव खंडन हे। अब मंगल गीति का एक विशिष्ट रूप ये है कि पूरी तरह की तरह से ब्रज के वातावरण पर लागू होती है, और अगर हम इसको गा रहे हैं पुनः पुनः तो नाम के साथ रूप जुड़ा हुआ है। संसार में हम किसी वस्तु का नाम लेते हैं उसका रूप सामने आ जाता है कि नहीं, तो ऐसे सुंदर सुंदर कीर्तन गुरुदेव मठ में जब गवाते थे तो अपने आप जो योग्य साधक है कुछ न कुछ अपने हृदय को गुरुदेव के ऊपर लुटा बैठ गया। जैसे मैं पहले मठ में आया उस समय सुदर्शन प्रभु, कृष्णदास प्रभु, वक्रेश्वर प्रभु, श्याम बिहारी प्रभु, मुरारी मोहन होते थे, ये बड़े अच्छे कीर्तन गाते थे। एक ब्रह्मचारी गा रहा था, अजी नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नाम अमनी युदित होए भगत गीत सामे, ओजी नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। अब गुरुजी ऐसे कीर्तनों को सुन करके भाव विभोर होते थे, तो जो सभा में उपस्थित थे उनको भी कुछ ना कुछ मिल जाता था। ऐसी रसमयी कथाएं, ऐसी कीर्तन जो भी स्वयं साध्य भी हैं, यही तो हम लोग बाद में भी करेंगे। गोलोकोयर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, वहां कुछ अलग क्रिया नहीं है, बस सांसारिक विकार नहीं है। हम लोगों में अभी बहुत सारे विकार हैं, आसक्तियां नहीं, थोड़ी थोड़ी आ गया तो
जब इस कौन के लोगों ने ये कथाएं सुनी उस समय श्याम रानी दीदी जो उस समय यदुरानी नाम से मशहूर थी उन्होंने गुरुजी की कथाओं के आधार पर एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग में राधा कृष्ण निभृत निकुंज में विराजमान हैं, हैं? दिव्य वृंदारण्यम कल्पतरुमाल कल्प वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण जुगल विराजमान हैं और जो मंजरियां हैं वो पेड़ के पीछे पत्तों से छुप के देख रहे हैं और उस उन्होंने उन पत्तों के बीच में से उनकी आंखों को मात्र को उभेरा है बड़ी सुंदर पेंटिंग। वो पेंटिंग खरीद के मैं उस समय चला गया विदेश क्योंकि मैं मेरा इस्कॉन से बड़ा अच्छा संबंध है तो वो मैंने मलेशिया मंदिर में टंगवाया। और वहां जब जीबीसी आए बोले भाई ये पेंटिंग कौन लाया तो प्रेसिडेंट बोला ये मथुरा से आई लेके आए इस पेंटिंग को तुरंत हटाओ। क्यों हटाओ क्योंकि उस समय धारणा थी इस्कॉन में कि वैधि भक्ति का साधन करते करते रागानुगा भक्ति स्वतः उदित होगी इसके लिए कोई पृथक प्रयास या लोभ की आवश्यकता नहीं। मैंने लौट करके गुरुजी को सारी बात बताई गुरुजी बोले भाई इस बारे में हम क्या कहेंगे जो लोग जितना समझते हैं उतना ही करेंगे। तो मेरी समझ में आ गया कि मैं ऐसी स्थान पर पहुंच गया हूं जहां पर मेरे को अपने स्तर को बहुत उठाना पड़ेगा। और 1996 में विदेश यात्रा करने के बाद जब गुरुजी ने वहां पर प्रचार प्रारंभ किया अब तो गुरुजी की हरी कथाएं सुन करके और जो बड़े बड़े इस्कॉन के पुराने जो लोग थे वो बोले कि हम बरसों से ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि प्रभुपाद हमारे ऊपर किस प्रकार कृपा करेंगे। श्री भक्ति विदान सिद्धांति महाराज की आप लोग बैठ गए सब लोग बैठ गए सब बैठ गए। तो मैंने स्वयं उन लोगों की आंखों में आंसू देखे और उन्होंने बार बार आकर के गुरुजी से क्षमा मांगी कि गुरुजी कल आप बैठ करके जब प्रवचन कर रहे थे तो हमें आप नहीं हमारे प्रभुपाद दिख रहे थे हैं प्रभुपाद ही गुरुदेव को अब अपना मिशन पूरा करा रहे हैं भक्ति विदान स्वामी महाराज जी। तो इस प्रकार जो भगवान की योजना थी उससे स्वतः ही एक जो बड़ा श्रोता समूह था गौड़ीय फिलॉसफी को जानने वाला गौड़ीय दर्शन को जानने वाला वो स्वतः ही बड़ी संख्या में गुरु महाराज जी से जुड़ गया और बड़ी अच्छे अच्छे ग्रंथ अच्छे अच्छे सिद्धांत प्रकाशित होने लगे और अच्छे अच्छे वैष्णव गुरु जी की सेवा में उपस्थित हो गए। अब ब्रजमंडल परिक्रमा नवदीप धाम परिक्रमा बड़े ही बड़ी होती चली गई। तो जैसे सविता दीदी बता रहे थे कि जब गुरुजी बरामदे में बैठे होते थे कोई ब्रह्मचारी इधर से उधर जाने की साहस नहीं कर सकता था। तो मैं भी गुरुजी से कहता था गुरुजी आप सब पर शासन करते हो मेरे ऊपर शासन नहीं करते। तो गुरुजी कहते थे तुम्हारे ऊपर क्या शासन करें हम ऑपरेशन करना शुरू करते थे तुम टेबल हिला देते हो बार बार तुम इस लायक नहीं हो तुम अभी सब गड़बड़ कर दोगे मठ में ही मारपीट कर दोगे हम तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करेंगे जाओ। मैंने कहा नहीं महाराज जी आपको शासन करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है जब समय आएगा तब तुम्हारे ऊपर भी शासन करेंगे। तो वो समय बहुत दूर नहीं रहा एक बार हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में 18 बसें और संडे का दिन था दिल्ली से भी बहुत सारी कारें आई हुई थी और हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में जा रहे थे मेरे को जहां तक ध्यान है बद्रीनाथ जा रहे थे और सड़क
दूसरी लेनी पड़ी क्योंकि मुख्य सड़क पर टूटी हुई थी। तो रास्ता खाली, मेरे को आइडिया था उसका, तो मैंने बस वालों से कहा कि साहब हमारे पीछे चलो, कोई आगे पीछे दौड़ मत लगाना। अब जब मैंने एक मोड़ काटा तो देखा आगे तो रोड ही बंद है, तो मैंने कहा गुरु जी से, कहा गुरु जी तो गलती हो गई, मैं तो गलत रास्ते पे आ गया। अब पीछे लंबी लाइन गाड़ियों की और उसके बाद 18 बसें। अब गुरु जी ने मेरा कान पकड़ा, अब तुरंत उतरो और जाओ, सबसे पीछे वाली बस को मुड़ाओ और वो बस आगे चलेगी, हम सबसे पीछे चलेंगे, और उसको बोलो कि पूछ पूछ के इसे ही वहां पर पहुंचाए मौके पर। अब मैं, टांगे कांप रही है मेरी और मैं भाग रहा हूँ भीड़ भीड़ में से काट कर। लोग समझ रहे हैं धीर कृष्णा पागल हो गया है, क्या हो गया है, गुरु जी की कार भी छोड़ दी और यहाँ भाग रहा है और वहां भाग रहा है। अब मैंने बसों को मुड़वाया, लौट के आया तो गुरु जी ने दूसरा कान पकड़ा, बोले ध्यान रखना आगे से ऐसी गलती मत करना। गुरु जी बिल्कुल नहीं करूंगा। तो उनका शासन भी स्नेह से पूर्ण था, है? हमारे बड़े बूढ़े ही संसार में ही हम देखा जाता है कि वो जब शासन करते हैं तो उनके क्रोध और स्नेह में कोई अंतर नहीं होता। तो जहां महाभागवत आप पर शासन कर रहा है तो उसमें कितना शिक्षा है, कितना स्नेह है, ये वही अनुभव कर सकता है जो उस संग में है, है? तो इस प्रकार प्रचार आगे बढ़ा और गुरुदेव ने उपदेशामृत से प्रारंभ करके वाच वेग मनसः क्रोध वेगम जिह्व वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान योविशहित धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। कि कोई अगर पारमार्थिक जीवन जीने चला है तो इनको वेगों को उसको वश में करना पड़ेगा। वहां से प्रारंभ करके सुंदर चित्रण, जैसे लीला का भजन रहस्य में, भक्ति रसामृत सिंधु में, लेकिन आधार क्या था? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के अनुसार वो कहते थे कि वैष्णव के गुण इसमें सब आ गए, 26 के 26 गुण वैष्णव के श्रीमद् भागवतम में गिनाए गए हैं। प्राकृत है, कृतज्ञ आदि, तो अंत में जो गुण आता है कृष्ण के शरण, कृष्ण एक शरण। तो उसमें गुरु जी कह रहे हैं कि जो कृष्ण एक शरण है, इन सभी गुणों का स्वरूप लक्षण है। बाकी गुण किसी में ना भी दिखे, अगर किसी में ये गुण है तो वो वैष्णव है। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये साक्षात भक्ति नहीं है, क्योंकि जो शरणागति है उसको गौड़ियों ने भक्ति का द्वार माना है। बाकी संप्रदायों में ये 26 गुण जब गिनाए जाते हैं तो कृष्ण के शरण को वो साक्षात भक्ति मान लेते हैं, और बाकी जो गुण हैं उसमें कुछ ना कुछ ब्रह्म भाव मिश्रित कर देते हैं, ब्रज भाव धरा का धरा रह जाता है। तो गुरुदेव जब गुरु पूर्णिमा आई एक वर्ष, तो गुरुदेव प्रवचन में क्या कह रहे हैं कि व्यासदेव क्या भक्त नहीं है जो वो मोहग्रस्त हो गए, नारद जी उनको क्या शिक्षा देने के लिए आए। तो गुरु जी बता रहे हैं कि व्यासदेव के हृदय में अभी तक वैकुंठा भक्ति है, है? और नारद जी ने उनको श्रीमद् भागवतम की रचना करने के लिए कहा, उसमें भी विशेषता जो दशम स्कंध है वो उन्होंने बद्रीनाथ में ना करके वृंदावन में ही संपादित किया, जहां पर ब्रजरस की लीलाएं हैं। तो गुरुदेव का अपने समकालीन आचार्यों से वैशिष्ट ये रहा कि तत्व सिद्धांत को उन्होंने रस लीलाओं के साथ जो भूथा वो कोई और आचार्य में नहीं दिखता। दूसरा, जितने वक्ता उन्होंने उदित किए हैं, आज किसी को भी खड़ा कर दो हमारे संघ में तो ब्रज रस के ऊपर कितना कुछ बोल जाएगा। जैसे श्रीधर महाराज जी को कहना पड़ा गुड्डी दीदी से कि भाई समय पूरा हो गया, सविता दीदी से कहना पड़ा समय पूरा हो गया, मेरे लिए भी घंटी बज चुकी है। तो ये गुरुदेव का विशेष विशेष अवदान है कि उन्होंने जब से हमारे रूप गोस्वामी का तिथि होता है ना, गुरुदेव मेरे को कहा करते थे
बोले वृंदावन में जितने बड़े बड़े विद्वान को सबको निमंत्रण देना, जैसे आकर के रूप गोस्वामी ऊपर बोले। मैं ढूंढता था कहाँ विद्वान मिलेगा, लेकिन मिलना बड़ा कठिन। फिर हम ढूंढता था गौड़ीय मठ में भी कोई एक कथाकार मिल जाए, कितने सारे गौड़ीय मठ कितने कोई एक कथाकार ढूंढ ढूंढ करके हमको शायद एक दो बड़े कठिन से कहीं वक्ता मिलते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी की ऐसे आशीर्वाद गुरु जी की, हमारी मंदिर में इतने वक्ता हैं एक से एक, जो केवल एक साल जो केवल मंदिर में आए, एक साल मंदिर में आए, उसको खड़े करके प्रभु जैसे बोलते ना, उनको जैसे घोड़े को लगा उनको रोकना पड़ता है, इनको रोकना पड़ता है, भैया कथा को बंद कर। ये गुरु जी की ये विशेष बात है, इसलिए यहाँ पर इतने भक्त लोग अभी बैठे हुए हैं। ये सारे भक्तों को मैं सुझाव कैसे दूं, मैं सोच रहा था सभी 5-10 मिनट सब कैसे बोले, इसलिए एक से एक सचमुच से गुरुदेव के बड़े आशीर्वाद है गुरुदेव के। एक आध बार लगाम खींचने पे तो घोड़ा रुकता भी नहीं है। आप वक्ता की बात कर रहे हैं। तो वक्ता ही नहीं ये अपनी श्रोता समूह के रूप में कितने बड़े समूह को गुरुदेव ने प्रकट किया। इसीलिए वो कहते थे कि हम रूपारूप धारा में हैं, कि रूप गोस्वामी पाद ने जो भक्ति की परिभाषा दी वो सर्वोत्कृष्ट है। उनके जो उपास्य हैं, कौन है उपास्य उनके, वो कृष्ण हैं जो राधा जी से कह रहे हैं, जो गोपियों से कह रहे हैं, न पार अहम निर्वत्त संयुजा, कि जो कृष्ण खुद ही ऋणी हैं वो गोपियों को क्या देंगे है? वो कृष्ण चूंकि सम भी हैं, इसलिए अगर एक गोपी को छोड़ते भी हैं तो उनके धर्म का लोप होता है, और गोपियों ने सारा अपना समाज लोग लज्जा आदि सबका त्याग कर दिया। तो ये हमारे गुरुदेव का वैशिष्ट्य है कि उन्होंने जो वस्तु हमें देनी चाहिए क्या वो हम ले पाएंगे। तो मैं तो वैष्णवों के चरणों में, आप सबके चरणों में यही निवेदन करता हूं कि आप लोग आशीर्वाद करें ताकि हम इस रूपानुग धारा को आत्मसात कर सकें और इस जड़ जगत से धीरे धीरे साधन करते हुए सुंदर कीर्तन गाते हुए हैं। कौन सा कीर्तन गुरु जी पसंद करते थे? हाँ, जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य हुई आछे एक बार। अगर एक बार भी किसी को कृष्ण की अनुभूति हो गई उसका जन्म सफल है। वो ये ना सोचे कि मेरा ऐसे गुरु से संग नहीं हुआ, एक बार भी किसी को अनुभूति हो गई निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा जन्म मिलेगा, वही गौड़ीय वैष्णव परिवार मिलेगा, और वही आपको ब्रज रस की वो चस्का लगने के बाद आप भी ब्रज रस रसिक बनेंगे और गोलोक धाम में श्री राधा कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। गौर प्रेमानंदे। हाँ, ये वृंदावन से आइए। देखो गुरुदेव केवल भारत में प्रचार नहीं किया, जब एक समय गुरुदेव बैठे हुए थे नवद्वीप मंदिर में भक्ति प्रज्ञान से केशव गोस्वामी महाराज, उनको पास में सब उनके शिष्य लोग बैठे हुए थे, किसी ने आकर के बोले भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को, बोले गुरुदेव यहाँ पर तो बहुत सारी खेती पड़ा हुआ है, यहाँ फूल क्यों लगाते हो? देखो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी क्या महाराज कहते, बोले जो फूल बैठे ना जैसे फूल कहती है, फूल का सौकुमार जता सौंदर्य जता खुशबू कहाँ तक जाएगी, थोड़ी दूर तक जाएगी और धीरे धीरे वो मुरझाते जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो फूल बैठे हुए हैं, यहाँ पर इसका खुशबू केवल भारत में नहीं, यहाँ पर हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज भी वही बैठे हुए थे, क्योंकि गुरु सब शिष्य का हृदय को जानता है, उनका भविष्य जानता है, बल्कि इसका जो खुशबू है ना केवल भारत में नहीं एक दिन संपूर्ण विश्व में इसकी खुशबू जाएगी, और जिसमें खुशबू में विश्व के सारे भौरा आकर के इसकी मधु को पान करेंगे। सचमुच से गुरुदेव केवल भारत में प्रचार नहीं किए, गुरुदेव संपूर्ण विश्व में प्रचार किए, जहाँ से सुंदर सुंदर पुष्प भौरा आए
और गुरुदेव से मधुओं का आहरण किया। उसमें भी ये दीदी नागर दीदी रसिया की रहने वाली, लेकिन ये अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल लेती हैं और ब्रज में रहते रहते थोड़ी बहुत हिंदी भी थोड़ी बहुत बोल देती हैं। अभी ये भी थोड़ी सी गुरु जी की ऊपर वो बोली कि वृंदावन से इतना कष्ट करके आई। I will respect other Vaishnavas and therefore will speak little. But if anybody will be interested what I will speak about, then you can just come to me and I will give all details and it will be very interesting for you. So I will start and will do very shortly and in English because of we have only 10-15 minutes, so many Vaishnavas here. ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्याज्ञानञ्जनशलाकं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने शिष्यमद्भक्तिवेदन्त नयनैति नमिने पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। First of all, I give my humble Dandavato, very sincere, my Pushpanjali to the dust of the lotus feet of my Guru Maharaj, Nityananda Vishnu Vishnu Pachima Shila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaj, and will try to touch a little bit his glory. Who knows English here? Perfect. हाँ कितना सब कितना ये सब अंग्रेजी जानते हैं सब थोड़ी सी हिंदी भी बोलते हैं। Who knows physics here? Who study in school physics? Good. Who has high education in physics? When my Guru Maharaj came to the Western world, to the USA in 1966. We were just discussing the car. Then at the customs, they asked this Hindu sadhu, why you came here? What you can give to us? We are a big prosperous country and you are from poor part of India. India. So what you can give for us? And Srila Gurudev called, listen attentively. He told, you know, now all air, water, earth, everybody is so much contaminated. You don't understand how much deeply contaminated. And there is only one way to purify this thing. If you will chant Hare Krishna Maha Mantra, then, and he gave a very nice example, when you throw stone in the middle of the pond, the waves going to the edge, then come to the center, then again come to the edge, till it will be finished. Now listen. In physics, it is called standing waves. And this is the same nature of water, sound, and light. Light, spreading light, these standing waves in all directions. Light, sun, water spreading in a standing, this is called standing waves. Light is a volume, standing waves, and water, sound, and air. Who studied this thing in physics? You know what is standing wave? Tell me. It's like the waves go at the end and then come to the center. Have you studied this? This is this connection with light? No, not yet. No, because of in physics, they will tell this is only about sound. They will not tell this is about light and air and water. Only in Bhagavatam, if you know physics, only in Bhagavatam you will see how they all have same nature. But the modern science or
education gives everything separated and not fully. How Guru Maharaj knew this thing? Tell me. He was at the beginning policeman. He didn't study this physics. How he could know this thing? Because of it is explained in, in Bhagavatam. When we know all technical explanation in Bhagavatam, what is Jiva Tattva, what is Maya Tattva, what is Bhagavat Tattva, what is Bhakti Tattva, and all other Tattvas, we will know this our world properly. But in Srimad Bhagavatam, it is written that only by the servant of Bhagavatam, only if you know this thing from the proper authority. And who is the proper authority? Srila Veda Vyasa, Narada Muni, Guru Parampara. Only from them you can know what is light. If you will go to the Britannic Encyclopedia, it will be two sentences, what is light, and we'll go history, and we'll go other confusion. They will not explain what is electricity, what is light, what is sound. They will not give you full information. It is all in Bhagavatam only. Why we cannot do bhajan like Guru Maharaj did? Savitri be told that Guru Dev every day one lakh Harinam chanted. Why? Why we cannot do? Guru Dev was going every day Govardhana Parikrama. Why we cannot do this thing? Why we cannot 16 rounds to chant? Because of we have two kind of authority in our life. For Sunday program, we have Vyasadeva authority. And for the full work, we have another authority. That authority will tell you, you need nice food, you need nice house, you need nice, many, many followers, you need yellow stool. You need it. And then you will be my slave. You will tolerate everything. It's only because of we have two kinds of authority in our life. We didn't give our energy, our faith. It is not mature, not right, properly. We have doubts because of we don't know technical explanation in Bhagavatam. If you will see in Bhagavatam how you experience taste, how you experience light, you will not have a desire to enjoy this thing. But if you don't know this thing, you will think chamatkar. It is so tasty. It is so beautiful. It is only ignorance. The Vedic education started from the learning what is Adhyatmika, what is Adhibautika, what is Adhidaivika. And now in school, Adhidaivika, it is a nonsense, non-science. This is a pseudoscience. All astrology, Jyotish, Devatas, not exist. Doubt, people have doubt. We don't study what is Adhyatmika. Look, when we see something, we have to know how we are able to see something. We have to know why we can see only in light. How light, what is light, and why only through light. With help of light, we can see it. We don't know this, we never studied this in school. We don't know this thing. And we have to know the four defects of human perception. You all devotees here, you all know this thing. Let's take Karanapatava. Karanapatava, look, because of in school,
school, we never studied how our vision works. Look, very nice example. When we see far away, we see the, for example, a railway line. We will see the railway line going up till the vanishing point. Perspective, low perspective, yes? We know the railway line don't go up, but we see they go up. If you will go to the sixth floor, you will again see the same thing. The horizon on your level and the railway going till this. It will not go up, but we see this thing. If the earth not going up, but we see like this. Even if we are in the airplane, you will see the horizon in your eye level. How? If, for example, you will take a railway or like beach lines, you know, we have beach from the wire, beach wire. This beach wire also will go in up, but then in the horizon they're going down. They don't go down, but we see they're going down. Like railway lines going up, earth going up, and then from above we see everything going down. So when we see railway lines, we will see this like they're going in one point. Everything go. This is called perspective flow. Why it is going in this point? Because of our vision is it has a ball form like this. Whatever we see like this, like this, like this. Even it is not like this. Railway line not going up, we see like this. Airline, beach, they're not going down, we see like this. Srimad Bhagavatam tells, the sun going above the earth, but we see sunrise and sunset. And somebody explained us, it is because of the sun going behind globe. You're living on a globe. You have to believe this thing, you have to believe your vision. Why? Because even in our school we never studied what is Adhyatmika. This knowledge, what is in Bhagavatam, will remove all our obstacles in our life. We will become free from illusions. And then we can do our bhajana like Srila Gurudev. So we shall study Bhagavatam, not only 10 canto. We have to study technique. We have to get full faith in Bhagavatam, in authority. And if you will give some of your time just to understand how your body works according to Bhagavatam, then our obstacles in bhajana, our anarthas is only because we don't know jiva tattva. Then we have so much pride, I'm this, I'm that. It's only because we don't know jiva tattva. We are quarreling, fighting each other. We have all the problems only because we don't know jiva tattva. In a technical way, how it is the Surya Amsha, Surya Kirana Amsha. Why this example is given? It is not so high position. It is very small position. But only ability to become high. Hare Krishna, बिल्कुल ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया. शायद आपको भी शायद ज्यादा समझ में नहीं आया होगा. लेकिन वो ये कहना चाह रही हैं कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये हमारे इंद्रियों के विषय हैं. लेकिन जिन माध्यम से हम इनको अनुभव करते हैं, जैसे शरीर में अगर वायु का बहुत ज्यादा वेग हो
या वायु डिस्टर्ब हो तो आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, सुनना भी कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कुछ रूप देख रहे हैं तो वो प्रकाश जो है वो आंखों से नहीं आ रहा, वो सूर्य दिखा रहा है अथवा कृत्रिम रोशनी दिखा रही है। तो जीव में जो दोष है भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णपाटम के, हम लोग सांप को रस्सी समझ सकते हैं, रस्सी को सांप समझ सकते हैं, प्रमाद ग्रस्त हैं, शरीर में वायु का उद्रेक ज्यादा है तो क्रोध कर गए और बाद में क्षमा मांग रहे हैं, पता ही नहीं लगा कि क्रोध भी कर गए। ये सब जो है क्या है, प्रमाद की स्थितियां हैं। इसी प्रकार कर्ण पाटव है कि शाम को निकले और एक बहुत बड़ा पेड़ देखा, अंधेर सायंकाल का समय है, अंधेरा सा आ रहा है और ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस खड़ा है, तो ये इंद्रियों के दोष हैं जो वस्तु नहीं है उनको दिखाने का। और बड़े ही जो शरीर की जो सप्त धातु जो रचना है, अगर वास्तव में मालूम पड़ जाए कि किस प्रकार हम बोल रहे हैं, किस प्रकार हम देख रहे हैं, किस प्रकार स्पर्श सुख का अनुभव कर रहे हैं, बड़ा घृणित है बात, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन जीव की स्थिति ये है। हमारे मंदिर में हमने देखा एक बार, आज से 10-12 साल पहले की बात है, मैंने गुरुजी को बताया था, गुरुजी बड़े हंसे थे कि पुजारी जी अर्चन कर रहे थे, इतने में उन्होंने ठाकुर जी को माला पहनाई और ठाकुर जी हिले। अब बड़ा खुश हुआ कि ठाकुर जी ने तो हमारी सेवा स्वीकार कर ली, और बाहर आके हम सबसे कहता है कि आज तो मेरी सेवा ठाकुर जी स्वीकार कर, मैंने जो ही माला पहनाई मंत्र जान किया और ठाकुर जी जरा सा हिल गए। तो उसी दिन भूकंप आया था, मैंने उससे कहा भले आदमी तुम्हारे ठाकुर जी नहीं, हमारा पूरे कमरे का शोकेस सब कुछ ही हिल गया, हम खुद ही हिल गए, तुम अभी और साधन करो, मैंने गुरु जी को बताया, गुरु जी बहुत। तो ये हम लोगों की स्थिति है कि सब समय सीमित इंद्रियों से, और समझते ये हैं कि हम जो है ठीक दृष्टि रखते हैं किंतु हमारी दृष्टि में ही दोष है। और गुरु वैष्णव जो है ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञानांजन हमारी आंखों में लगाएंगे तभी हम वास्तव में देख पाएंगे कि जीव तत्व माया तत्व शक्ति तत्व आदि क्या विभिन्न तत्व हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि संबंध अभिधेय प्रयोजन, यही मुख्य तीन तत्व हैं, इनके अंतर्गत सारे तत्व हैं, चाहे वो जीव तत्व हो, चाहे वो सृष्टि तत्व हो, शक्ति तत्व हो, अचिंत भेदाभेद तत्व हो, सब संबंध अभिधेय प्रयोजन तीन तत्वों के अंतर्गत हैं। हमारा मुख्य ध्येय यही होना चाहिए कि किस प्रकार गुरु वैष्णवों से संबंध स्थापित करें और फिर उपाय के रूप में, अभिधेय के रूप में भगवान की पदावलियां, हरि नाम संकीर्तन, सुंदर स्तव स्तुतियां और ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पर आधारित इनका श्रवण और कीर्तन करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कीर्तन आख्या भक्ति के माध्यम से ही हमें श्रवण करना है, कीर्तन आख्या भक्ति के माध्यम से ही हमें स्मरण भी करना है। सबसे ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कीर्तनेर प्रभावे स्मरण होइबे से काले भजन निर्जन संभव। तो समय बहुत हो चुका है, और दूसरा मैं आप सब लोगों से क्षमा भी मांगूंगा कि हम लोगों को वृंदावन वापस पहुंचना है, तो हम लोग जो वृंदावन से आए हैं अभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे ताकि रात को 12 बजे तक हम वापस वृंदावन पहुंच सकें। आप लोगों से हम क्षमा प्रार्थी हैं। रात को रुक जाते हैं? हाँ, हमारे विधि कृष्ण प्रभु जी कह रहे हैं रात को रुक जाते हैं। देखो उनके ठाकुर जी हैं, बॉर्डर बंद होंगे, सील होंगे, बॉर्डर बंद होंगे। गौर प्रेमानंदे इधर, अरे 5 मिनट बाद चलेगा, इधर कुछ जाना, 5-7 मिनट इधर गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाए तदालय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः वांछा कल्पत्रुभश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद सभी लोग प्रेम से बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मैं सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद परमहंस परिवराज आचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रवेश विष्णुपाद अस्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम रूप अनुग्रह गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे सौभाग्य से पंच में आसीन सन्यासीगण ब्रह्मचारीगण वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। हमारे धीर कृष्ण प्रभु जी ने अभी अभी कहा कि वो चाहते थे कि गुरु जी उनके ऊपर शासन करें, परंतु गुरु जी के शासन का अभाव रहता था। परंतु हमने तो अपने सौभाग्य से गुरु जी की और प्रभु जी की विशेष लीला को दर्शन किया, और जब भी देखा तो गुरु जी ने तो धनाधन खूब शासन किया, क्योंकि गुरु जी जैसे कथा प्रारंभ करते ये नित्य सेवा थी प्रभु जी की। माइक और साउंड सिस्टम ठीक चल रहा है, कोई समस्या बिल्कुल बढ़िया, और गुरु जी भी जो है भाव में कुछ कथा कुछ विषय को कहना प्रारंभ भी किए, और प्रभु जी के हृदय में प्रेरणा होगी, भगवान कुछ प्रेरणा देंगे, कुछ साउंड भी कमी है। जैसे ही जाकर के ये उसको हाथ लगाते, हाथ भी ना लगाए साउंड सिस्टम इनका दर्शन भी कर ले तो भी उसमें कुछ ना कुछ उत्पात हो जाता। सीढ़ी बस्ती एक बार तो गुरुदेव कह रहे थे देखो हमारा सर फट जाएगा। 10,000 लोगों की सभा होती है, वहां तो ऐसा नहीं होता। और जैसे ही प्रभु जी को गुरुदेव का जैसे ही उसमें कथा में विघ्न आता और वो देखते साउंड सिस्टम की ओर और वहां दर्शन करते प्रभु जी का, दे धनादर खूब शासन। हाँ तो शासन का अभाव नहीं रहा, छुपा रहे तीन छुपा रहे। एक समय तो गिरिधारी गौड़िया मठ में तभी स्थापना हुआ, और दिल्ली से हमारे गोकुल चंद्र प्रभु वो साउंड सिस्टम को लेकर के गए, और बड़ा मेहनत से उन्होंने वो साउंड सिस्टम को जो है सजाया लगाया और फिटिंग करी। बिल्कुल नहीं बोला। प्रभु जी ने उस दिल्ली के साउंड में ब्रज का साउंड घुसा दिया। तो लेकिन एक बात विशेष है कि जिन लोगों ने ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्होंने श्रील गुरुदेव को साक्षात दर्शन नहीं किया, तो हमारे प्रभु जी की जो आंखें हैं वो कुछ कुछ गुरुदेव से मिलती हैं, तो इनके आंखों को दर्शन करके
गुरुदेव की जो आंखें हैं उनका स्मरण होता है। ये इनके चेहरा में थोड़ा बहुत मिलते हैं, इनके चेहरा में बहुत मिलते हैं। मैं तो घर में कभी कोई चर्चा होती है या कहीं और चर्चा होती है तो कभी कभी प्रभु जी का नाम भूल जाता हूँ, तो फिर इसी प्रकार पूछता हूँ कि वो प्रभु जी जो जिनकी आंखें गुरु जी से मिलती है ना, फिर वो कहते हैं हाँ फिर कृष्ण। तो हम लोग सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार श्रील गुरुदेव पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज जी का हम सेंटेनियल शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ और भी सौभाग्य है कि श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी का 125 वर्ष जो है वो भी इसी वर्ष में 2021 में है। 1896 में उनका प्राकट्य हुआ इस धराधाम पर, 1996 में उनका शताब्दी वर्ष मनाया गया और गुरुदेव की कृपा से हमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्री प्रभुपाद जी का जो शताब्दी वर्ष है उसमें भी जुड़ करके और वहाँ पर लोटस का 8 पेटल्स 8 पत्ते जो कमल के हैं 8 प्रकार की मुख्य जो सेवा थी तो उसमें 2 सेवाओं में सेवा करने का अवसर मिला। रीयूनाइटिंग प्रभुपाद फैमिली, प्रभुपाद का परिवार जो प्रभुपाद जी के प्रकट होने के बाद थोड़ा उत्साह की कमी हो गई, कुछ बैठ गए घर में या और स्थानों में, जो प्रभुपाद के समय प्रभुपाद के साथ बहुत सक्रिय थे उन सबको एक बार फिर से एकत्र करना, जैसे अभी भी ये जो गुरुदेव का शताब्दी वर्ष है तो हम में से तो किसी ने इस प्रकार का योजना नहीं बनाया कि गुरुदेव के प्रकट होने के बाद भी जैसा प्रभुपाद जी के जाने के बाद हुआ उसी प्रकार से कुछ भक्त जो है उत्साहहीन है, किसी कारण से कुछ घर रुके हुए हैं, तो उस परिवार को फिर कैसे यूनाइट करें। लेकिन श्रील गुरुदेव ने जैसा अभी भी 2-3 दिन पहले भी हमारे प्रभु जी का बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ गुरुदेव श्रील गुरुदेव की मधुर स्मृतियां, उसमें भी चर्चा हो रहा था तो गुरुदेव ने खुद ही योजना बनाया इस प्रकार से और बड़ा कृपा करके ये जो COVID-19 कोरोना उसको प्रभु जी कह रहे थे कोरोना नहीं, ये वास्तव में गुरुदेव की करुणा के रूप में प्रकट हुआ। वो करुणा जो प्रकट हुई है वो इसी रूप में प्रकट हुई तो क्या हुआ, अब इस प्रकार से उत्सव होते, अगर ये कोरोना नहीं होता तो इसी प्रकार से उत्सव होते और जहां भी इस प्रकार से उत्सव होते तो वहां 2, 4, 8, 10 जो मुख्य लोग पत्ता लोग हैं वे ही सब स्थान पर आते और केवल उन्हीं को अवसर मिलता। 10-10 मिनट हाँ 10-10 मिनट घंटी के साथ उन्हीं को अवसर मिलता। लेकिन गुरुदेव की कुछ और योजना और गुरुदेव ने योजनाबद्ध तरीके से ये जो कोरोना हुआ इसी में कोरोना के पहले हम में से बहुत सारे लोग लगभग सभी लोग किसी का जूम से गूगल मीट से ये जो चीजें हैं इनसे किसी का परिचय नहीं था, लेकिन ये परिचय हुआ फिर जो है वो कॉमन शब्द आने लगे वर्चुअल मीटिंग, और वर्चुअल मीटिंग में भी कॉमन शब्द आने लगा एम आई ऑडिबल। तो ये जो कृपा हुई इसके माध्यम से गुरुदेव के चरणों में जो भक्तों के हृदय में रत्न स्वरूप जो भाव जो छिपे हुए थे वे भाव सब भक्तों के इस प्रकार से प्रकट हुए और एक विशेष विचार सामने आया। विशेष विचार क्या कि गुरुदेव के चरणाश्रित वो
सन्यासी है तो, ब्रह्मचारी है तो और गृहस्थ है तो वे सारे के सारे ही साधु हैं। क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर जी को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये साधु कौन है, तो श्री हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये कृष्ण भक्त जो है ये कृष्ण भक्त ही साधु है। और ये साधु दो प्रकार का है, एक विरक्त साधु और एक गृहस्थ साधु। हाँ, विरक्त साधु जो गृहस्थ आदि से विरक्त होकर के भजन कर रहे हैं, और दूसरे जो घर में भी रहते हुए लेकिन स्थिति कैसी हो गई है, भजन करते हुए उस स्थिति को प्राप्त कर लिया, जैसे पके हुए नारियल की स्थिति होती है, पका हुआ जो गोला है वो अपने आवरण के भीतर रहते हुए भी उस आवरण से अलग हो जाता है। कच्चा नारियल तो अपने आवरण से चिपका रहता है, कच्ची अवस्था में तो विरक्त हो या गृहस्थ हो कैसी भी अवस्था में वो अपने आवरण से चिपका रहता है, परंतु वो भजन की तीव्रता से, तीव्रेण भक्ति योगे, वो भजन की तीव्रता से क्या है, वो नारियल उस आवरण के भीतर रहते हुए भी, उस आवरण के भीतरी परिवेश में रहते हुए भी वो पक जाता है। हाँ, और ये जो पका हुआ, जो देव पका हुआ क्या है, गुरुदेव भी कहते थे और गुरुदेव के भक्त भी के ये बात को प्रचार प्रसार कहते हैं कि जब फल पक जाएगा तो थोड़े ही कोई पेड़ से चिपका रहेगा। हाँ, पकने पर तो पेड़ से नहीं छुड़ाने पर भी वो अलग हो जाता है। तो इस प्रकार कितने ही भक्तों का जो विचार सुना, इतना हृदय स्पर्शी विचार, और ऐसा विचार जब प्रभु जी उसमें देते कि आज ये बोलेंगे ये बोलेंगे ये बोलेंगे, तो कई बार अपने प्रमाद वश, अपने अहंकार वश ऐसा लगता अरे ये क्या बोलेंगे, हाँ अरे ये क्या बोलेंगे, लेकिन क्योंकि और कहीं तो जा नहीं सकते और कोई तो एंगेजमेंट है नहीं, तो विवश है ना, विवश होकर के भी देख रहे हैं, और जब उनके मुख से उस प्रकार वो अमृत प्रवाह को, उस उनके मुख से गुरुदेव के विचार रूपी मंदाकिनी को जब बहते हुए प्रवाहित होते हुए और इतना हृदय स्पर्शी विचार को सुना, तब पता लगा कि हाँ छोटे छोटे बच्चे ही नहीं, विदेश में रहने वाले छोटे बच्चे, विदेश में बड़ी विपरीत परिस्थिति। हम और प्रभु जी तो चर्चा कर रहे थे कि भारत के लोग तो जो है वे बड़े सौभाग्यशाली, और सौभाग्यशाली होकर के वे दुर्भाग्यशाली हो जाते हैं। क्यों सौभाग्यशाली, तो इसलिए हैं कि यहाँ साधु संघ की सुलभता है, खूब साधु संघ है, प्रचुर साधु संघ है, और इतना साधु संघ है कि बुद्धि जो है वो साधु संघ की ओवरडोज मिल जाने के कारण वो भक्तों में ही कुछ ना कुछ दोष देख लेते हैं। सौभाग्य क्या है कि साधु संघ है, और दुर्भाग्य क्या है कि दुर्भाग्य ये है कि फिर धीरे धीरे वहां भी साधु के बीच में भी दुर्भाग्यवश जैसा हमारा अभ्यास है, जैसा हमारा प्रयास है, फिर वहां भी अहम ममेति, ये मेरा, ये पराया, ये इसका, ये उसका, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें सामने आने लगती है। परंतु विदेश में उन लोगों को साधु संघ की सुलभता है, साधु संघ सहज रूप में उपलब्ध नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए वो साधु संघ की महिमा को जानते हैं। और छोटे छोटे बच्चे, वो कौन दीदी, जो बिरला दीदी का लड़का, वो किस प्रकार से उसने भावना युक्त होकर के और गुरुदेव का उनके घर में आना और उनके घर में रुकना और उनके घर से जाना, तीनों को उसने इस प्रकार से चित्रण किया कि उसने शब्दों के माध्यम से मान लो साक्षात दर्शन करा दिया कि गुरुदेव किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं, गुरुदेव कहाँ रह रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, तो ये भावना युक्त। आज मैं बहुत छोटा मुख और बड़ी बात, आज ऐसा समय है कि जितने गुरुदेव की कृपा से, हमारी नागरी दीदी एक बार नोएडा में आई थी अभी अभी, जिनको आपने सुना, और उसने बहुत अच्छी बात कही थी, वो मेरे को स्मरण है आज तक। उसने कहा
कि मेरे गुरुदेव जादूगर है। तब गुरुदेव अप्रकट लीला कर चुके थे, तो कहा कि मेरे गुरुदेव जो है जादूगर थे और कोई साधारण जादूगर नहीं थे। उन्होंने जादूगर होकर के जिसको स्पर्श किया उसे भी उन्होंने जादूगर बना, और ऐसे जादूगरों का दर्शन हुआ। तो आज कोई थोड़ा सा, बहुत सारे भक्त लोग हैं, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, कोई अगर थोड़ा सा हृदय की विशालता को रखते हुए, थोड़ा उदार हृदय से अयम निजहा परो वेति गणना लघु चेत साम, ये मैं और मेरा जो है ये क्या है, ये गणना शास्त्र इसकी बहुत महिमा नहीं कहता। शास्त्र कहता है इस प्रकार की गणना कैसी है, लघु चेत साम। ये छोटा विचार है, ये नीचा विचार है। उदार चरित्र नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, थोड़ी सी उदारता को लेकर के अगर कोई लीडर ये विचार करे कि ये जो गुरुदेव का जितना भी परिवार है, गुरुदेव के आश्रित जितने भी जन हैं, ये सब मेरे हैं, क्योंकि गुरुदेव मेरे हैं। गुरुदेव अगर मुझे प्रिय हैं तो गुरुदेव को जो प्रिय है वो सारे के सारे मुझे भी प्रिय हैं। ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव तो हमें प्रिय हैं और गुरुदेव के जन जो है वो हमें प्रिय नहीं है, या कोई हमारी बात करता है, हमारी तारीफ करता है तो वो हमारा प्रिय है, और जो हमारे को इस प्रकार से सम्मान आदि नहीं देता। मैं भी जब शुरू में आया तो गुरुदेव के पास आया, हमारी दीक्षा हमारे पायलट प्रभु जी के आश्रय में हुई, इनके घर में हुई, और गुरुदेव ने जो पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश गुरुदेव ने दिया कि तुम इस्कॉन से आए हो और तुम्हारा हरिनाम इस्कॉन में हुआ। वहां जो सन्यासी गण है विशेषकर, उन्होंने गुरुदेव ने नाम लिया, लोकनाथ महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, राधा गोविंद महाराज, कहने लगे कि ये तुम्हें देखे या नहीं देखे, तुम्हें इनका अगर दूर से भी दर्शन हो तो तुम इनको वहीं पर प्रणाम करना। क्यों? क्योंकि भजन में जिसने हमें थोड़ा भी सहायता दिया है, थोड़ी भी सहायता हमारी की है, हम उसके आजीवन ऋणी है। अगर हृदय में कृतज्ञता है तो अकृतज्ञ होकर के तो कुछ नहीं कर सकते। कृतज्ञता अगर सभ्यता है तो जिसने हमारे को भजन में थोड़ी भी सहायता की है उसके हम जो है हम उसके ऋणी है। और मेरे को गुरुदेव ने कहा कि देखो तुम्हारा वहां पर नाम था राजऋषि, लेकिन इस नाम का सीधा कोई राधा कृष्ण से संबंध नहीं है, इसलिए श्रील गुरुदेव ने नाम को परिवर्तन करके कर दिया राधा नाथ दास। ठीक है, अब गुरुदेव जो मुझे राधा नाथ दास नहीं कहते थे, राधा नाथ दास की जगह गुरुदेव कहते थे राधा नाथ दास जी, वो जी साथ में लगाते थे। अब उनका जी तो वो जाने की किस, मैं तो गुरुदेव के, मेरे में शक्ति नहीं कि मैं गुरुदेव के हृदय में प्रवेश करके और उनके क्या उनके हृदय की भावना है उसको मैं पढ़ पाऊं। क्षमा करना प्रभु। अरे प्रभु क्या बात, आपको क्षमा करना। परंतु अभी गुरुदेव से दूरी थी, गुरुदेव की निकटता नहीं थी। वैसे तो निकटता लगती कि साथ साथ है, लेकिन साथ साथ की निकटता से निकटता नहीं होती, विचारों से निकटता होती है। जिसके विचार के निकट हमारा विचार है, जिसके विचार के अनुसार हमारा आचार है, उसी के हमारी निकटता है, अन्यथा निकट होने पर भी निकटता नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि निकट तो जू भी रहती है, जू से ज्यादा निकट क्या रहता है, सारा रात सारा दिन संग करती है लेकिन पीती क्या है, खटमल भी। गुरुदेव कहते खटमल भी तो संग करता है, आराम से जिस शैया पे सोते हैं उसी शैया पे कौन साथ में विश्राम करता है, खटमल भी विश्राम करता है परंतु पीता क्या है, तो खून। समय कृपा सिंधु
पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बस हमारी यही प्रार्थना है कि कोई गुरुदेव के जैसे उदार चित्त को रखते हुए और प्रेम से जीवों के मंगल के लिए उन पर शासन करते हुए अगर आज कोई लीड ले तो आज जगत में जिस प्रकार से इस्कॉन का जगत में प्रचार प्रसार है, गुरुदेव के सेवक और गुरुदेव के सेवक क्या अगली जो पीढ़ी है उसमें भी इस प्रकार का गुण है और लक्षण है कि अगर सब लोग मिलजुल करके एक दिशा की ओर बहे तो सारे जगत में जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का जो विचार है, पृथ्वी ते आचे सकल नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई मैं मोर नाम, उस वाणी को शब्द से सत्य किया जा सकता है। और भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, मैं दो मिनट भक्ति वेदांत स्वामी महाराज वे विदेश में गए, सारे जगत में गए और उन्होंने एक का इस प्रकार का कार्य किया, ना भूतो ना भविष्यति, जो ना कभी पहले हुआ और आगे आने वाले समय में भी वो होना जो है उसी प्रकार से होना शायद संभव पर नहीं हो पाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर के जो बंजर भूमि थी उस बंजर भूमि को खाद पानी देकर के उसको उपजाऊ किया, उसमें वो इमारत की नींव को डाला जिसके ऊपर श्रील गुरुदेव ने जाकर के उनका हृदय जो है वो सेवा कुंज, उस सेवा कुंज को सारे जगत में जो है स्थापित किया। तो ये इसी कारण से श्रील गुरुदेव स्वामी महाराज जी के साथ बड़ा अंतरंग संबंध, किसी और समय होगा तो फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी और बाकी वक्ता है। श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की, श्रील भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज की, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की। वंदे अहम श्री गुरु श्री श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सगण रघुनाथम परिजन सहित श्रीराधा कृष्ण सगण अन्वेषक नारायण गोस्वामी श्री कृष्ण उदारे मधुरे गुणेश नारायण नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य श्री अद्वैत हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराधितम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विनायक नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मंच पे स्थित सन्यासी गण पूज्यपाद भक्तिविनायक श्रीधर महाराज पूज्यपाद भक्तिविनायक सिद्धांत महाराज जी के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। मंच पे आसीन बड़े ही उच्च कोटि के प्रवक्ता व
वक्ता कथा करता और मंच से नीचे भी बैठे हुए ऐसे ही लोग जिनको हम लोग अभी पहचान नहीं रहे सबके चरणों में मिला मैं आज ही मुंबई से आया हूँ अमेरिका की यात्रा भी बीच में छोड़ी मैंने मेरी माता जी की तबीयत खराब इसलिए मैं मुंबई आया हॉस्पिटलाइज जिस समय हमारा जनकपुरी में मंदिर बन रहा था सोसाइटी का नाम रखा गया इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट IGVT पीछे अगर प्रसाद खाने वाले प्रसाद खा रहे हैं तो बिना बोले हुए खाएंगे मेजर गुरुजी का ध्यान करके तो सब शांत हो जाएंगे आज मेजर गुरुजी बड़े काम आ रहे हैं सबको शांत कर दो सब शांत नहीं हुए तो मैं शांत हो जाऊंगा तो जब हमारा जनकपुरी में मठ बनना था उसका नाम बना इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट सोसाइटी का नाम पड़ा मेरा हृदय बड़ा उमड़ घुमड़ रहा था बहुत प्रयासों से जमीन मिली थी जनकपुरी में तो मैं ये चाहता था कि बहुत सुंदर मंदिर बने और मेरे हृदय में ऐसे विचार आता था बहुत ही आकर्षक हो लोगों के चित्त को चुराने वाला हो सिद्ध पीठ हो और नाम भी ऐसा ही हो तीन चीजें होती थी सुंदर आकर्षक चित्त को खींचने वाला और सिद्ध पीठ हो सबको खींचे अपने तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की ये मंदिर ना भारत की राजधानी में बन रहे हैं तो ये कैपिटल मंदिर है ऐसे सुंदर ठाकुर जी हो सबको चित्त आकर्षित करें और आप नाम भी ऐसा कीजिए इसका नामकरण मेरे दिमाग में भूल गया कि हमारे जितने भी मंदिर हैं उन सबका नाम है श्री श्री राधा विनोद बिहारी मैं ये बात भूल गया ऐसे ही गुरुदेव को बोल दिया कि बड़ा अच्छा सा नाम भी तो मठ के मंदिर के विग्रह बनाने के लिए गुरुदेव ने अपने हाथों से ऑर्डर दिया मुझे नहीं मालूम किसको दिया कैसे दिया मैं जानता नहीं जयपुर में दिया एक यहाँ के लिए हरिद्वार के लिए गुजरों के लिए और फिर जब वो कुछ बन गए तो फिर देखने भी गए उसको देखने भी गए जब पूर्ण बन गए तो उन्होंने कहा आ जाए और जब स्थापना करनी हुई तब भी वो मौजूद थे गुरुदेव ने अपने हाथों से स्थापना की तो जब नीचे बेसमेंट में छोटे ठाकुर जी अभी स्थापित हुए थे बड़े आए नहीं थे और मठ के स्थापन के कुछ दिन पहले जैसे 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले मैंने कहा नाम क्या रखें डरते डरते पूछा नाम होना क्या चाहिए था राधा विनोद अरे हाँ ऐसे करके जैसे ना कोई पुरानी बात उनको याद है इनका नाम रखना श्री राधा रमन बिहारी मैं सुन के गदगद हो गया हमारे गुरु महाराज जी रमन मंजिल की है राधा जी की क्या है रमन जो रमन मंजिल की राधा जी को कृष्ण के साथ विहार कराए ऐसा मंदिर श्री राधा रमन बिहारी और जब
ऊपर ठाकुर जी आए और गुरुदेव ने स्थापित किए और पहली श्रृंगार करके जब वो उनके दर्शन खुले तो वाकई सारी दुनिया देखती रहेगी, इतने सुंदर, इतने मलूक, इतने खूबसूरत, आज भी उनकी टक्कर में कोई नहीं। कौन? शिशी राधा रमन बिहारी। क्यों? खुद गुरुदेव के हृदय के ठाकुर जी गुरुदेव ने वहां पे स्थापित। आज यहाँ जितने ये लोग बैठे ना, हमें नवीन प्रभु जी ने बुलाए हैं, ये उसी रमन बिहारी जी के ही प्रताप से यहाँ बैठे हैं। और आज तो ऐसा लग रहा है कि रमन बिहारी जी यहाँ के प्रताप से वहां पे बैठे हो गए, ऐसे लग रहा है। वो छोटे बढ़ गए, आप लोग खड़े हो गए। नहीं, दोनों साथ साथ ही है, सब कुछ समान ही है। हमारे नवीन प्रभु जी आगे बढ़ गए, हम लोग छोटे बढ़ गए, कोई छोटे। लेकिन ये अब जबरदस्ती पीछे बैठ के कोई छोटे नहीं है, दो नेत्र है। अब देखो एक बात सुनो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये नेत्र की बात कर रहे हैं। 10, 11, 12 को हम वहां पर यही सेंटेनियल मनाने जा रहे हैं, तो जो जिस भाव से आप लोग यहाँ आए हो, 10 सुबह का पोर्शन, शाम का पोर्शन। सुबह क्या है, 9 से शुरू कर देंगे और 12:30 एक बजे तक चलेगा, फिर प्रसाद खिलाएंगे, भूखा नहीं छोड़ेंगे। फिर शाम का पोर्शन 5:30 शुरू कर देंगे, 8:30 तक चलेगा, फिर प्रसाद खिलाएंगे, फिर प्रसाद भी खिलाएंगे, हैं प्रसाद भी अब आएंगे, है चंगा जी, ताली बजाओ। फिर 11 तारीख को तो मुख्य दिवस है, 11 को ऐसे ही 11 को, और फिर 12 को, 12 की शाम को भजन संध्या भी है, बहुत सुंदर कीर्तन करेंगे करने वाले, और बहुत सुंदर कीर्तन सुनेंगे सुनने वाले। आप लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आप मेरे निमंत्रण में नहीं, गुरुदेव के हृदय के निमंत्रण पे वहां पे गुरुदेव के मठ में पहुंचिए। आप सब लोग वहां से स्पर्श रखे हुए हैं, कनेक्शन रखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मदर मेरी बीमार, कैंसर उनको डिटेक्ट हुआ है, शी इज डेटोरेटिंग, जा रही हैं, बड़ा पेनफुल है। यही पेनफुल स्थिति भी हमने गुरुदेव के समय देखी थी, उन्होंने जब अपनी अस्वस्थ लीला की थी, मुझे ध्यान आ रहा है वो दिन। ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही थी, हम बरसाने गए थे, और बरसाने में राधा जी के सामने, दरबार के सामने सारे अपने लोग बैठे हुए थे, दिल से बेहद दुखी थे, हृदय से बड़े गंभीर थे। तीरथ महाराज जी ने सीधा माइक मेरे हाथ में पकड़ा दिया, राधा जी के सामने में क्या मेरे तो आंखों से दर्द पानी निकलने लगा। मैंने राधा जी को कहा कि आप कृष्ण का दुख नहीं देख सकती, उनको पैर में कहीं कंकड़ लग जाए, ये लगे ना लगे, पर उसको सोच के ही आपका हृदय कांपने लगता है, ऐसे ही हम भी नहीं देख सकते अपने गुरुदेव का, ऐसे प्रार्थना की मैंने, जो उलझल हुआ बोलता चला गया। लेकिन आज जब मैं अपने मदर के लिए मैं देख रहा हूँ, वो डे टू डे खुद डर है कि तकलीफ होगी, उनको कष्ट होगा और उन्होंने जाना है, तो दो चीजें हैं दिमाग में, कि कष्ट ना हो, दूसरा जाए तो सदगति हो, गुरुदेव के चरणों में जाए। तो ख्याल आया, गुरुदेव कहते थे प्रहलाद जैसा अगर कहीं भक्त है तो उसके 21 कुल जो है वो तर जाते हैं, 21 कुल तर जाते हैं, सात माता के साथ, पिता के साथ,
डिसेंडेंट। मैंने कहा अरे रामचंद्र तू कहाँ और प्रहलाद कहाँ, तो मुकाबला करना, तू कहाँ और प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद जी की स्थिति कितनी ऊंची, उनको तो ऊपर से नीचे फेंक दिया और चिल्लाए नहीं, और यहाँ तो अगर हम नहीं भी फेंके जाए चिल्लाते ही रहते हैं। मैंने गुरुदेव को अपने हृदय की प्रार्थना बोली है, एक फिल्मी गाने के अंदाज में बोली है। फूल किया चरणों में अर्पण, फूल नहीं मेरा दिल है, बहुत ही मैला बहुत कुचैला, बहुत ये बुध दिल है। फूल किया चरणों में अर्पण, फूल नहीं मेरा दिल है, बहुत ही लंपट बहुत ही दुष्ट, केवल कृपा के काबिल है। फूल किया चरणों में अर्पण। गुरुदेव मैं भक्तों की किसी कैटेगरी में नहीं आता, मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं आपसे। भक्तों को तो भगवान अपनी शरण में लेते हैं, भक्तों के पास भगवान उसके पापों को दूर कर देते हैं, मेरी क्या स्थिति है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई जो आप लोगों के सामने में जिसे कहते हैं शेयर कर रहा हूं, मेरी भक्ति कैसी हो। मैं बुजदिल हूँ, ना काबिल हूँ, ना अहल हूँ, लेकिन एक बात हूँ कि मैं नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का। होगी सो देखा उनका शिष्य। जब मैं इस्कॉन छोड़ के गुरुदेव के दरबार में पहुंचा तो वहां पे फर्स्ट लाइन में बैठे हुए लोग सारे, जब गुरुदेव लेक्चर देते थे, तीर्थ महाराज जी, पूजपा वन महाराज, ये नवीन कृष्ण प्रभु, शुभानंद प्रभु, उमा दीदी, सविता वगैरह, ये लोग बैठे होते थे, गुरुदेव कोई श्लोक बाद में बोलते थे या बोलना चाहते थे, महाराज महाराज जी तो पहले उसको प्रॉम्प्ट करते। इतने बड़े बड़े इस्कॉन में मैं माइक दास माना जाता था, कभी भी कोई काम हो जाता तो मुझको माइक हाथ में मेरे को दे दिया जाता, मैं माइक दास माना जाता। एमसी कहा कहलाया जाता था, एमसी समझते मास्टर ऑफ सेरेमनी, कोई भी फंक्शन होगा रामचंद्र दास के पास माइक होगा। उस समय ऐसा लगता था कि अगर किसी को कुछ बात समझानी है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, हमारे गुरु आगे बढ़े बढ़े उसकी हमें चिंता नहीं होती थी, मैं बोलूंगा तो श्लोक समझ जाएंगे, इस अभिमान के पंखों पे मैं उड़ता था। और जब यहाँ आ गया तो मुंह पे मैंने टेप लगा दी और ये सोच लिया कि उम्र भर बोलूंगा ही नहीं, क्यों मैं बोलने के काबिल ही नहीं। तो मैं एक बार गुरुदेव को कार में हम लोग आ रहे थे और बोला कि गुरुदेव आपके भक्त लोग प्रसाद वो बना लेते हैं, वितरण वो करते हैं, कथा वो करते हैं और श्लोक उनको रटे पड़े हैं, सब कुछ करते हैं, मैं तो बहुत नालायक हूँ, बहुत नालायक हूँ। बोलते हाँ मैं भी बहुत समय से एक नालायक शिष्य ही ढूंढ रहा हूँ, मैं भी बहुत समय से एक नालायक शिष्य ही ढूंढ रहा था। और उसके कुछ समय बाद हम हुस्टन में थे, अभी इन्होंने जिक्र की ना विमला दीदी के बेटा बोल रहा था, अरे विमला दीदी की बेटी के साथ साथ देखो अभी हमारे यहाँ पे पायलट साहब बैठे हुए हैं, इनकी बेटी वो छोटी सी बेटी हुआ करती थी, वो भी बोली इसमें क्या कहते हैं मधुर स्मृति में, इतना सुंदर बोली उनकी बीवी बोली। ये चैप्टर बाद में लूंगा, पर जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कह रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा है। मैं तो सोचा था मैं कुछ बोल ही नहीं पाता, बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा इस समय जो माइंड है एकदम ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो
हुस्टन में हम लोग थे, गुरुदेव थे, एक क्या उत्सव होता था। गुरुदेव प्रसाद पाके अपने कमरे में चले आते थे, तो मैंने कैलकुलेशन कर ली कि 3 बजे के करीब गुरुदेव बाहर निकल आते हैं। बच्चन भक्त लोग प्रसाद पाते पाते 1:30-2 बज जाते थे और उसके बाद सोते थे, 4 बज जाते थे हम लोगों को उठते हुए। तो मैं 3 बजे गुरुदेव के दरवाजे के आगे, जिस दरवाजे पे बैठे हुए थे गुरुदेव और सो कमरे में थे, मैं बाहर पे खड़ा होकर बैठ गया। वही ठीक 3 बजे गुरुदेव ने दरवाजा खोला, मैं वहाँ पे खड़ा गया गुरुदेव के साथ। गुरुदेव बोले जरा बाहर टहल लेते हैं, दोपहर आफ्टरनून है 3 बजे। मैंने कहा हाँ गुरुदेव चलो, तो चल पड़े। थोड़ा आगे चले फिर वापस आ गए, वापस आ गए जो चादर ओढ़ी हुई थी अपनी उसको तय करने लगे। गुरुदेव अपनी चादर को तय करने लगे, अपना स्वेटर था एक उसको था। मैंने कहा दो मुझे, दो गुरुदेव मैं करता हूँ। बोलते नहीं तू नलायक है, मैंने वहाँ पे कन्फर्म करवा दिया था तू नलायक है। कलावती होती मेरी पत्नी का नाम लिया, कलावती होती ना तो उसको मैं दे देता, वो कर सकता। मेरे को अपना स्वेटर तय नहीं करने, मुझको अपनी चादर तय नहीं करेगी, मेरे साथ चलो। ऐसे ही मैंने कहा, मैं ये फील करता था गुरुदेव खाली हूं मैं, कुछ नहीं मेरे अंदर, एकदम रीता। बोलते हाँ मुझे भी ऐसी बंसी चाहिए थी जो अंदर से एकदम खाली, जो अंदर से एकदम रीति। ऐसे बर्तन में खोल बहुत अच्छा बजता है, बात को कैसे पकड़ देते। बैजल में अमेरिका में एक स्थान है, वहां गुरुदेव का 6-7 दिन का प्रोग्राम होता था। तो एक बार दामोदर लीला की कथा चल रही थी और वो 2 उंगल का प्रसंग चल रहा था और बड़ी गंभीरता से गुरुदेव ठोकर जैसे ना सिर पे ठोके ठोके मार मार के 2 उंगल में 1 उंगल है प्रयास और 1 उंगल है कृपा, प्रयास नहीं करोगे तो कृपा नहीं। प्रयास पे बहुत जोर देते थे। तो मैंने जो गुरुदेव को एक बार बोला था, हम लोग कार में जा रहे थे, मैंने कहा गुरुदेव आप साधन की बात करते हो, प्रयास की बात करते हो, मैंने तो बचपन में ही लिख दिया था और आज तक वैसे ही हूँ कि मेरा तो दिल करता है पूरी लगन से सच्ची मेहनत से कुछ ना करो, इस प्रवृत्ति वाला मैं आदमी हूँ। तो मैंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव आप बार बार लेक्चर दे रहे हो, 1 उंगल कृपा और 1 उंगल प्रयास। तो गुरुदेव 1 उंगल का सवाल है, ऐसे बड़े मजाक से मैं बातें करता था, गुरुदेव बस 1 उंगल का सवाल है। बोलते हाँ मुझे मालूम है कि तुम प्रयास तो पूरा कर रहे हो, बस 1 उंगल कृपा की देवी। मैं उल्टा कहना चाहता था, मैं कहना चाहता था कि मेरे से कृपा तो आपकी पूरी मिल रही है, प्रयास नहीं हो रहा। तो गुरुदेव कहते हाँ मुझे मालूम है कि तुम प्रयास तो पूरा कर रहे हो, किसकी देवी। 2008 के बाद गुरुदेव ने बैठक में कहना शुरू कर दिया कि अब मैं शायद नहीं हूं। 8 या 9 में मैं था उनके उस समय, maybe 9 or maybe 8। बड़ा गंभीर वातावरण बना दिया और मैं भी इतना दुखी हो गया, क्योंकि जिस ढंग से गुरुदेव ने कहा कि अब नहीं आऊंगा मैं, आप लोग इसको अपना संभाल। तो मालिश करते थे, आते थे, मैं मालिश करते करते गुरुदेव को बोला गुरुदेव ये आप कैसे बोल रहे हैं, मैं दुनिया की तो कह नहीं सकता, औरों की तो कह नहीं सकता, लेकिन हम वास्तव में सारे के सारे आपके साथ जीवित हैं, आपके कारण जीवित हैं, हमारा तो कुछ रहेगा ही नहीं अगर आप ऐसे कर रहे हो अप्रकट होने की बात, नहीं आने की बात। बताए गुरुदेव ने क्या बोला, गुरुदेव बोलते हैं देखो एक पौधा होता है ना छोटा पौधा, वो जब बोया जाता है तो उसमें से 2 अंकुर निकलते हैं,
और उस समय की आवश्यकता होती है कि रोज उसको जल दिया जाए, रोज पानी दिया जाए। बढ़ते 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 बिरवा शब्द बोलते थे, बिरवा बड़ा हो जाता है, पेड़ हो जाता है। जब वो पेड़ हो जाता है उसकी जड़ें नीचे चली जाती हैं, फिर देते हो रोज पानी, फिर नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो अपनी जड़ों से ही नीचे से पानी खींच लेता है। अब तुम पेड़ हो गए। क्या बोले? अब तुम पेड़ हो गए। अब पेड़ पूर्तों में क्या होगा, हम क्या इतने हम अलग अलग सब वृक्ष हैं यहाँ पे। मैं अपनी बात बतलाता हूँ कि मैं तो किसी भी योग्य नहीं। गुरुदेव ने एक बार चुंडी मारी थी मुझको, शासन नहीं किया, जैसे ये शासन की बात करें, क्या किया? चुंडी। कैसे चुंडी मारी? शुरू शुरू में जैसे ही गुरुदेव के पास आए, हंसते खेलते थे बस, प्रसाद पाया, कथा सुनी, नाच कर लिया, हंस लिया, गुरुदेव हंसाते भी बहुत मालिश की। जगन्नाथपुरी में थे तो माधव महाराज जी ने पूछा, मालिश कर ली, पानी गरम किया, मेरे से पूछा पानी गरम किया, मुझे पता नहीं पूरी में इतनी गर्मी पानी गरम करने की क्या जरूरत है, पानी गरम भी करना पड़ता है गुरुदेव के लिए, मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा किस लिए पानी गरम, किस लिए? तो गुरुदेव के नहलाने के लिए पानी गरम करना पड़ता है। गुरुदेव कहते नवीन क्यों तन कर रहा है, वो यहाँ पे खेलने खाने के लिए आए हैं, तो क्यों उनको चक्कर में डाल। देखो चुंडी है ना ये, वो तो यहाँ पे हंसने खेलने आए हैं और तू क्या कर रहा है, सेवा की बात। और उसके बाद मैंने सोचा कि जीवन में सेवा करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि ये इंटरनेशनल बोडिया वेदांत ट्रस्ट और रमन बिहारी जी का पूरा दायित्व गुरुदेव सिंह पे डाल देंगे। मैं सेवा के योग्य नहीं था, और इस समय सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं थपक के थपक गया हूँ। गौर प्रेमानंद रामचंद्र भगवान की हरे कृष्ण। ज्यादा तो नहीं खाया ना मैंने। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुमृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै सदादये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य कामं क्रोधादिनक्रमकृतमुदि कृतस्य दुर्वासनस्य निमित्तस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदैः पदामृतम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। एक बार सभी जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। आगे बार जोर करके चरण कमलों में मैं असंख्य कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुद्वय
नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाल स्तोत्र शब्द श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाल श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में संख्य कोटि दंडवत प्रणाम गया था। सपार्श्व श्री प्रभुपाद सपार्श्व सचिनंदन गौर हरि सपार्श्व श्री राधा विनोद बिहारी राधा माधव जी के चरण कमलों में मेरा संख्य कोटि प्रणाम। मंच पर पूज्यपाद महाराज जी एवं हमारे ब्रह्मचारी विशिष्ट वक्तागण और आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार करें। जिस उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं आप अच्छे से जान रहे हैं समझ रहे हैं और हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं गुरुदेव की आविर्भाव तिथि शतवार्षिक आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर ऐसे आयोजन जिससे गुरुदेव की स्मृतियां और विशेष करके गुरुदेव का अवदान जो वैशिष्ट्य है उसको हम समझें। जब तक हम किसी वस्तु का वैशिष्ट्य या व्यक्तिगत वैशिष्ट्य को और उनके अवदान को पकड़ में नहीं लाएंगे वो भी उनकी कृपा से ही तब तक उससे पहले वे श्रद्धा एक कोमल श्रद्धा ही रहती है। परंतु शास्त्र विचार से आचार्यों की वाणी के अनुसार जो वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु वे जो अत्र वस्तु में प्रतिष्ठित हैं जो श्री भागवत धर्म में जो प्रतिष्ठित हैं जो साक्षात गौर परिकर हैं जो साक्षात राधा जी के सखियों में अन्यतम है गुरु रूपम परम सखी उनका जो अवदान वैशिष्ट है उसको यदि हम थोड़ा सा भी समझ लेंगे वे भी उनके ही माध्यम से समझा जाएगा और समझकर उसी अनुरूप जिस अनुरूप से गुरुदेव हमको साधन करने की शिक्षा प्रदान करते थे वैसा साधन करके जो श्री गुरुदेव चरम वस्तु प्रदान करने के लिए उस धराधाम से यहाँ पर आए उसकी प्राप्ति हो जाए उन श्री गुरुदेव के चरण कमलों के आश्रय में रहकर तो वास्तव में जन्म शताब्दी मनाना हो जाएगा। एक बार की बात 1993 में जब पहली बार गुरुदेव से संपर्क हुआ हरिनगर में भागवत होती हरिनगर यहाँ पास में है गुरुदेव ने वहां भागवत की थी एक मंदिर में। उससे एक दो दिन के पश्चात जब गुरुदेव सुबह हरिनाम करने जाते हैं किसी पार्क में तो उनके साथ गुरुदेव के साथ साथ चल रहे थे कुछ भक्त लोग मैं भी उनके साथ था तो वहां पर पार्क में सब लोग क्या बोलते हैं हरिओम हरिओम बोलते हैं। गुरुजी को देखकर प्रणाम किया और कहा कि आप तो बड़े तेजवान लग रहे हैं आप सैर कर रहे हैं दो शब्द ही कह जाइए। तो गुरुजी बड़े गंभीर मुद्रा में वहां पर खड़े होकर कहने लगे आजकल समन्वयवाद का एक विषैला प्रदूषण सारे संसार में फैल रहा है सब बराबर है चित्त जड़ समन्वयवाद शारीरिक धर्म मनोधर्म और जितने प्रकार के भी धर्म हैं वे ऐसे हो गए जैसे गाजर मूली आलू टमाटर और सोना चांदी हीरा एक ही है आप लोग इन सारी वस्तुओं से बचकर और समझकर अपने जीवन को शुष्ट रूप से
साधन करके भगवत प्राप्ति को कर पाए, मैं बस यही एक उपदेश देना चाहता हूँ। अब उनमें से कितने समझे कितने नहीं समझे, और सच में एक ऐसा विषैला प्रदूषण है, टीवी में हम देखते हैं अरे वो साधु, अरे 10 लाख शिष्य बैठे, फलाने फलाने ने प्रोग्राम किया, देश विदेश से लोग आए, 50 लाख लोग आए स्टेडियम में, बड़ा साधु है। कौन से धर्म की प्रतिष्ठा कर रहा है उसको जानने का समर्थ किसका है? लेकिन ये देखकर कि उसके इतने शिष्य हैं, बड़ा साधु है। गुरुदेव बोलते हैं श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज के कितने शिष्य थे? एक शिष्य बस। या फिर किसी किसी संस्था में उनके 500 मंदिर हैं, 500 मंदिर हैं, तो बड़ा साधु होगा। गुरु जी कहते हैं श्री मध्वाचार्य जी के कितने सेंटर हुए? वो श्री मध्वाचार्य जी जो हमारे आदि गुरु हैं, उनसे परंपरा आ रही है, उनके कितने सेंटर थे? क्या मध्वाचार्य जी से भी बड़े हो गए? लेकिन कितने लोग उनकी बात को समझ पाए? थोड़ी दूर आगे चलते 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 गुरुजी बैठ गए, जो सबको पता है जो गुरुजी के साथ चलते थे कि थोड़ी देर के बाद गुरुजी बैठ जाते हैं। उस समय सब भक्त लोग ही बैठे थे। अब जो बाहर के लोग थे उनको गुरुदेव ने एक बात कह दी, जो भक्त लोग बैठे थे तब गुरुजी ने एक बात कही, समन्वयवाद, सब कुछ बराबर है, सबको रिकॉन्साइल कर लो और सब एक ही है, ये हमारी धारा नहीं है। बड़ी मार्मिक शिक्षा है हम सबको जानने के लिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। क्या नमस्कार चमत्कार को नमस्कार, लेकिन गुरु जी बोल रहे हैं हमारी वह धारा नहीं है और ना ही मैं उसका प्रचार करने आया हूं। और उसके बीच में भी गुरुजी ने इतना डिटेल में और डीप में जाकर कहा, अब इसको भी हजम करना कुछ लोग कर पाएंगे, हो सकता है कुछ नहीं भी कर पाए, लेकिन बहुत गहन विचार है। ध्रुव महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी, अम्बरीश महाराज जी, हनुमान जी, पांडव, ये सब बड़े बड़े भक्त हुए हैं, इनकी महिमा भागवत जी में गान की गई है। तो गुरु जी ने बोला एक स्तर पर तो इनकी शिक्षाओं को लेकर भक्ति में आगे बढ़ना ही है। सबने पांडु के माध्यम से शिक्षा है, ध्रुव जी के माध्यम से शिक्षा है, प्रहलाद जी के माध्यम से, प्रहलाद जी के तो भक्ति का तो आरंभ ही वहीं से है, परंतु एक स्तर तक तो ये ठीक है। और उदाहरण के रूप में बताया, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं 10वीं कक्षा तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद स्ट्रीम बदल जाती है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो उसमें फिर और स्ट्रीम और डीप चली जाती है, आप लोग सब अवगत हैं उससे। तो गुरु जी बोल रहे हैं इतनी महिमा है और इनकी कृपा से हमको भक्ति मिलेगी अवश्य ही, परंतु फिर हमारी एक स्ट्रीम है उससे भी ऊपर, वो हमारी गुरु परंपरा है। कृष्ण हेते चतुर्मुख हरे कृष्ण सेवनमुख ब्रह्मा हेते नारदरमति, ये हमारी परंपरा है। लेकिन गुरु जी बोले मेरी एक अलग ही परंपरा है, मेरी मतलब हमारे गुरु वर्गों की, राधा जी, ललिता सखी, रूप मंजरी, कमला मंजरी, और फिर नयनमणि मंजरी, फिर विनोद मंजरी, उनके अनुगत में ही सेवा प्राप्त करना। जब मेरी गुरु महाराज से दीक्षा हुई थी तो गुरु महाराज ने एक इंगित दिया था, बस बोलते हम मंत्र का अर्थ नहीं बतलाते, साधन करते करते अपने आप में मंत्र, ये गुरु जी के शब्द थे,
अपने आप वो मंत्र अपना स्वरूप प्रकट करता है। इसलिए साधन करो अच्छे से, भजन का कौशल। लेकिन बस एक इंगित है, हम श्री ललिता सखी के और श्री रूप मंजरी के अनुगत में सेवा प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, बस इतनी सी बात कही थी। गुरुदेव कह रहे हैं एक स्तर तक तो वो सब ठीक है, परंतु उसके पश्चात फिर एक और स्तर है, बहुत उन्नत स्तर है, जिसको देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए, जिसका प्रचार प्रसार श्री भक्तिवत ठाकुर जी ने किया, जिसका प्रचार पूरे विश्व में सब पार्षद श्री प्रभुपाद जी ने किया, और वही वस्तु श्री प्रभुपाद जी देने आए, वही वस्तु श्री महाप्रभु जी देने आए। क्या वस्तु? राधा जी की महिमा का प्रचार, श्री रूप मंजरी जी के चरण धूल की प्राप्ति, जो श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने वर्णन किया, श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपदा, वही मेरा संपद है। क्योंकि ऐसी ऐसी कुछ बातें कान में आती है, अभी आने लगी, गुरु जी के समय में नहीं आती, कि सामने हनुमान जी आ जाएंगे, पांडव जी आ जाएंगे तो उनकी कृपा कम है? नहीं, किसने का कम है, सबके आशीर्वाद से भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन उसके बाद फिर एक स्तर और है, गुरु जी ब्रजवासी हैं, ब्रज की महिमा, और उसमें भी हर वस्तु सर्वोत्तम ही ली है, महाप्रभु जी वो सर्वोत्तम वस्तु ही देने आए, प्रभुपाद जी वो सर्वोत्तम वस्तु ही देना चाहते थे, श्री गुरुदेव वही सर्वोत्तम वस्तु को ही अपनी कथा के माध्यम से सारे विश्व में उसका प्रचार किया। अपनी वेबसाइट का नाम ही क्या रख दिया, pureBhakti.com। कोई मिश्रित भक्ति नहीं, आरोप सिद्धा संग सिद्धा नहीं, स्वरूप सिद्धा भक्ति, मतलब प्योर भक्ति, अमला भक्ति जिसको कहा जाता है, उसी प्योर भक्ति का, शुद्ध भक्ति का। और वह श्लोक गुरुजी ने सबको कंठस्थ करा दिया, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात् नावृतम आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तम भक्ति मई अनन्य भावेना भक्ति कुर्वंती मे दृढ़। अनन्य भक्ति का उपास्य कौन है? आराध्य भगवान ब्रजेश तन्मय तद्धाम वृंदावनम। उपास्य भी सर्वश्रेष्ठ है, द्वारका वाले कृष्ण नहीं, वैकुंठपति लक्ष्मीपति नारायण नहीं, सीतापति राम भी नहीं। तो कोई कह सकता है गुरुजी आप ये बात कैसे कह रहे हैं, गुरुजी बोल रहे वो बात मेरी अपनी बात नहीं है, ये गौड़िया विचार है, ये हमारी परंपरा का विचार है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं अपि तक्त्वा लक्ष्मीपति रतिम इति वयम नयनी, मन शिक्षा में लक्ष्मीपति नारायण की उपासना भी छोड़नी पड़ेगी, अभी तक्त्वा द्वारकाधीश मथुरेश उसमें भी फिर जो ब्रज के श्री कृष्ण है वही हमारे आराध्य हैं, सर्वोत्तम है, वही सर्वोत्तम है। और प्रमाण के साथ आराध्य भगवान ब्रजेश चतुर्थ वही सर्वोत्तम है, उन्हीं को ही भागवत जी प्रतिष्ठित करती है सत्यम परम धीमहि के माध्यम से। और उनकी जो हलादिनी शक्ति उनमें भी तारतम्य है। गुरु जी कह रहे हैं कि ब्रज में बहुत परिक्रमाएं होती हैं, हम लोग भी परिक्रमा करते हैं, और जो प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय वे भी परिक्रमा करते हैं, परंतु उनमें और हमारे भाव में भी अंतर आ जाता है। वो उद्धव कैरी या फिर उद्धव कुंड संकेत ऐसे जो स्थान हैं, बस उनको बाहर से ही प्रणाम करके उनकी एक दो महिमा बोलकर
एक शब्द बोलकर बाहर से प्रणाम करके चले जाते हैं, पुष्टि मार्ग इत्यादि। परंतु वह हमारे स्थान प्रमुख स्थान है और वहीं पर बैठकर हम लोग वहां की कथा का, वहां के वैशिष्ट्य का, उनकी महिमा का श्रवण करते हैं, क्योंकि यही हमारे मुख्य स्थान है। हलादिनी शक्ति श्री राधा जी, उनमें भी तारतम्य है, कौन सी सर्वोत्तम है, हर वस्तु सर्वोत्तम ही। आराध्य कृष्ण राधा जी कैसे, एक वियोगनी, एक संयोगनी, एक विश्वभानु नंदनी, इतना गहन तारतम्य कहीं और प्राप्त होगा? गोस्वामी वर्गों का विचार, महाप्रभु जी का विचार, वे विश्वभानु नंदनी ही हमारी आराध्य हैं। उनमें भी वे राधा जी नहीं जो विलाप कर रही है, हनाथ रमन प्रेष्टा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यस्ते कल्पने में सखे दर्शन सनिधि में। रास में अंतर ध्यान के पश्चात राधा जी जो विलाप कर रही है, हे नाथ हे रमन प्रेष, कहां चले गए, कहां चले गए, मैं आपकी दासी, दास्य से कृपण्य में सखे दर्शन सनिधि में, दर्शन प्राप्त प्रदान कीजिए। गुरु जी कह रहे हैं ये विरे में दासी बोल रही है, मिलन में कभी अपने आप को नहीं बोल सकती। मिलन में ये गुरु जी की कथा से मैं बता रहा हूं, लेकिन यही से गुरु जी का वैशिष्ट्य पता लग रहा है, यही गुरु जी का अवदान है संसार को, और सारा विश्व इस अवदान, कोई छिपकर और कोई सामने सामने, वही गुरुदेव की कथा को बोल श्रवण करके अपनी कथाओं में बोलकर गुरु जी का नाम तक भी नहीं लेते, समझ रहे हैं? हम तो गुरु जी के चरण आश्रय हुए और स्पष्ट रूप से बोलते हैं, लेकिन और संस्थाओं में गुरुदेव की ही पुस्तकों को पढ़कर, उनकी कथाओं को सुनकर, वे उन सब विचारों को बोलते हैं और प्रशंसा के पात्र बनते हैं, लेकिन नाम भी नहीं लेते कि किन से यह श्रवण किया है, क्योंकि इतना गहरा विचार किसने बताया। राधा रानी विलाप कर रही हैं, लेकिन ये श्रील भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं, अमित तो सही देना पा रही, श्री कृष्ण विरे राधी का दशा अमित तो सही देना ना रही। राधा जी श्री कृष्ण के विरे में विलाप करें, ये हम सहन नहीं कर सकते। गुरु जी बोल रहे हैं हम भी ये सहन नहीं करेंगे, तो आप क्या सहन करेंगे, आप क्या सुनना पसंद करते हैं? इतस्ततः अनुस्मृत्या अनंग मान खिन मनसा कृतानुतापी सकलंदी नंदिनी ततंते कुंदे विषाद माधव। जब राधा जी रास छोड़कर चली जाएं और श्री कृष्ण जो माधव हैं वो विलाप करें, राधा जी के विरह में श्री कृष्ण विलाप करें, हम वो सुनना पसंद करेंगे। ये विचार गुरुदेव का विचार है। वो संयोगनी वियोगनी वो भी तो राधा रानी ही है, परंतु श्री विश्वभान नंदनी राधा, इसकी प्रतिष्ठा गुरु जी कर रहे हैं। कहां पर? राधा धाम में जाकर, बरसाना में, स्पष्ट रूप से वहां पर, गोकुल में जाकर, या फिर मथुरा में जन्माष्टमी के उपलक्ष में जो सभाएं होती थी, श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा सर्वोत्तम है। और यशोदा नंदन, हाँ, नंद नंदन राधा रमन, जिनका जन्म गोकुल में है, मथुरा में नहीं, प्रतिष्ठित कर रहे हैं। मथुरा के बड़े बड़े सप्त तीर्थ इत्यादि गुरुदेव के विचार को सुनकर छटपट करते हैं, पसीने छूट जाते हैं। भागवत जी के प्रमाणों के अनुसार ब्रह्मा जी की स्तुति इत्यादि नो मेट देते, अगर कुछ तड़िदंबर आया गुंजा बता परिपृच्छत सन्मुख आया इत्यादि, गर्गाचार्य जी का तस्म नंद आत्मजम ते नारायण समगुना। सुखदेव गोस्वामी जी नंद उत्सव के आरंभ में ही बात को कह रहे हैं, नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने जा हलाद महामना। सुखदेव गोस्वामी जी दशम स्कंद का अंतिका कर रहे हैं, जयति जन निवास हो देव की जनवाद हो। गोपियां कह रही हैं जयति तेधिकम जन्म नाम ब्रजा। बड़े बड़े विद्वान ये गौड़िया धारा,
सर्वोत्तम श्री कृष्ण, और फिर जब राधाष्टमी का अवसर आए तो विश्वभानु नंदनी राधा, त्योरपि उभे मध्य राधिका सर्व राधिका मां भाव स्वरूपनी गुणे अतिर वरेयसी। गुरुजी बोल रहे हैं उस वो तारतम्य में जहां पर भागवत जी में भक्तों का वैशिष्ट्य बतलाया, जो श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतम रत में बतलाया, उसके बाद ये धारा आरंभ होती। उन राधा पक्ष में भी उन सखी भाव को भी नमस्कार करके श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा जो बताया गया कि सखय तुमम नमस्तु नमस्तु नित्यम दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सत्यम, मेरे को आपके सखी पद नहीं चाहिए, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु जी बोल रहे हैं हम वही श्री रति मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरण आश्रय करते हुए हम भी उस दासी पद को ही नमस्कार करेंगे, उसी की प्राप्ति करेंगे, सखी भाव को प्रणाम है हमारा। ये गुरु जी का वैशिष्ट है, ये गुरु जी का अवदान है, ये हमको समझना है, यही वास्तव में अवदान है। एक बार हमारे पूज्यपाद भक्तिवेदांत नेमी महाराज जी विदेश में गुरुदेव से मिले, अपनी स्मृति बतला रहे हैं, तो गुरुजी ने उनको कहा, उस समय वो महाराज नहीं थे शायद, गुरुजी ने बोला क्योंकि वो भक्तिवेदांत शिल भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के आश्रित है, तो बोल रहे यहीं तक अपनी गुरु की महिमा को सीमित मत कर देना कि मेरे गुरुदेव ऐसे पीते थे, मेरे गुरुदेव ऐसे खाते थे, मेरे गुरुदेव ने बड़े बड़े साइंटिस्टों को पराजित कर दिया, मेरे गुरुदेव ने ये सब किया, मेरे गुरुदेव ने वो किया, वो ऐसे चलते थे, वो तो यहीं तक महिमा को सीमित मत रखना, वो इसके लिए नहीं थे, इससे ऊपर की बात है। गौड़िया विचार, महाप्रभु जी का विचार और श्री रूप गोस्वामी जी का विचार, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्री उपदेशामृत। गुरु जी ने तो सीरीज ऑफ लेक्चर है उसके, मैं अभी एक पुस्तक है इंग्लिश में एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस, उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गुरु जी के एक श्री स्वामी महाराज जी के एक एक विचार को गुरु जी ने अपनी टीका के साथ गौड़िया धारा के विचार के अनुसार उसका सामंजस्य मतलब उसका अर्थ निकाला। बोलते यही देने के लिए प्रभु स्वामी महाराज जी आए थे, स्वामी जी आए थे यही देने के लिए, इसलिए गुरु की महिमा को बस वहां तक सीमित मत कर देना, उससे और ऊंची गुरु की महिमा है, और यही श्रील गुरुदेव की भी महिमा है, अवदान है। महाप्रभु जी भी उनमें भी कितना विचार, धाम में विचार, कौन सा धाम श्रेष्ठ है, जगन्नाथपुरी धाम श्रेष्ठ है, नीलाचल श्रेष्ठ है कि नवदीप धाम श्रेष्ठ है, ये प्रतिशय क्या सर्वोत्तम है, नवदीप धाम को सर्वोत्तम बता रहे। महाप्रभु जी भी गोदावरी वाले महाप्रभु जी, गंभीरा वाले महाप्रभु जी और श्री नवदीप वाले महाप्रभु जी, उनमें भी तारतम्य, कौन से सर्वश्रेष्ठ है, उनमें भी तारतम्य प्रतिष्ठित कर रहे हैं वो जो श्री नवदीप धाम वाले महाप्रभु जी, जो अष्टकाली लीला स्मरण उसमें श्री नवदीप धाम का ही वर्णन आता है, ऐसे बहुत से प्रमाण, अभी तो इतना तो विस्तार हम नहीं, समय नहीं, लेकिन यही सब विचार, सर्वोत्तम क्या, तो सर्वोत्तम कृष्ण कौन, सर्वोत्तम राधा जी कौन सी, सर्वोत्तम सेवा कौन सी, सर्वोत्तम महाप्रभु जी कौन से, और फिर वो भक्ति भी कौन सी, सर्वोत्तम भक्ति, उत्तम भक्ति, हम कोई छोटी मोटी भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, ये गुरु जी का कहना, मैं नहीं कर रहा, उस उच्च पद को प्राप्त करेंगे जिसके आगे सबने मस्तक झुकाया है, जिसके आगे उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं चरण धूल के लिए, जिनके आगे श्री कृष्ण भी अपने मस्तक को, अपने मोर मुकुट को, अपनी वंशी को राधा जी के चरणों में अर्पण कर दें। स्मरण गल खंडनम मम शिर सि मंडनम देही पाद वल्लभ उदारम, बोलते हमारा ये भाव है, राधा जी के एक कटाक्ष को देकर वेणुं करान निपतितम स्खलितम शिखंडम, ये हमने कभी श्लोक याद नहीं किए थे, गुरु जी के मुख से सुनते 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 है ना महाराज, सुनते सुनते गुरु जी बार 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 इन्हीं श्लोकों को ही बोलते थे। अच्छा, भक्ति का जो स्तर है, आदो श्रद्धा साधु संग, मैं तो कभी पढ़ा नहीं था,
लेकिन दिल्ली में भी जब गुरुजी कैलाश कॉलोनी में भी आते थे रामचंद्र गुरुजी के यहाँ पर, और जमुना पार में राधेपुरी में भागवत हुआ था, और अन्य अन्य स्थान पर जब भी गुरुजी के साथ, अधिकांश कथाओं में ये सुनते सुनते भक्ति कर्म याद हो गया, वो आज तक भी नहीं पता मतलब क्या होता है। आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, फिर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग, फिर भाव भाव नहीं नहीं रूढ़ अति रूढ़ मोदन भाव 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 उसके बाद मोदन भाव रूढ़ अति रूढ़ फिर मोदन। देखो इसका मतलब समझ आ रहा है किसी को? ये गुरु जी का अवतार है श्री रूप गोस्वामी जी के विचार को, वो जो श्री चैतन्य मनोविष्ठान है, जो महाप्रभु जी का विचार गुरु जी ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी संकोच के उच्च स्वर से उसका गान किया ब्रजवासी। यदि गौरंग ना हो तो तबे की हो तो के मन धरिते थे राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगतो जनाते के जनातो के जनातो। उसी धारा में श्री गुरुदेव का भी महिमा है। यदि श्री गुरुदेव ना है तो तबे की है तो के मन धरित दे राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगते जनातो के। कौन जनाता कौन बतलाता? गुरुदेव ने बतलाया। ये उनका वैशिष्ट है, ये गुरु जी का अवदान है। इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ। हम सब बहुत सौभाग्यशाली, बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली, पता नहीं क्या है, कैसी कृपा है, हम इस धारा में आए हैं, इस धारा में है? और इस धारा में भी इतने श्रेष्ठ विचारों को हमने गुरुदेव से श्रवण किया। गुरु जी बोल रहे हैं महाप्रभु जी के भी ये, जब जब गुरु जी के साथ वो सुबह सैर होती थी या कभी कक्ष में बैठकर बात होती थी, गुरु जी ये बातें बोलते थे। मैं वही बातें दोहरा रहा हूं और तो हम कुछ जानते नहीं। महाप्रभु जी के बहुत सारे परिकर हैं गुरुदेव बोल रहे हैं, लेकिन सभी परिकर एक स्तर के नहीं है। ये हमारी धारा ही तारतम्यमयी धारा है, एक नहीं है, सभी भक्त एक नहीं है। दिल्ली में जब भी गुरुदेव आते थे उनका सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता बृहद भागवत अमृत से सनातन गोस्वामी जी का जो विचार, वो सभी परिकर महाप्रभु जी के एक नहीं है, सबके भाव अलग अलग हैं, सबके भाव अलग अलग हैं। गुरु जी बोले हमारा वैश्य रूप गोस्वामी जी का अनुगत्य में, उन श्री रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में महाप्रभु जी की सेवा प्राप्त करना, और कोई नहीं। एक तेल धारावत, ये गुरु जी बोलते थे, एक ही लाइन एक ही स्ट्रीम है, वन पॉइंटेड, एक ही केंद्र बस, इधर उधर कोई डिविएशन नहीं। लेकिन डिविएशन होता है, कहीं आरोप सिद्धा कहीं संघ सिद्धा, और फिर कहीं पर ये संबंध में बात का विषैला प्रदूषण। इंप्रेस हो जाते हैं देखकर, अरे उन महाराज के इतने शिष्य, अच्छा उनके इतने मंदिर। गुरु जी बोले श्री मध्वाचार्य जी उनके कितने मठ थे, तो वो किसी से कम थे? वो हमारे आदि गुरु हैं। इस्कॉन शब्द की परिभाषा गुरुदेव ने बतलाई किनको? इस्कॉन के भक्तों को। जो गुरु परंपरा है वो सारा इस्कॉन है। ब्रह्मा जी इस्कॉन है, नारद जी इस्कॉन है, वेद व्यास जी इस्कॉन है, श्री मध्वाचार्य जी इस्कॉन है, सारी गुरु परंपरा इस्कॉन है। क्यों? कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए उसको चार दीवारी में सीमित मत करो, गुरु जी ने विशेष रूप से कहा, निर्देश दिया। ये चार दीवारी तक सीमित नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये यूनिवर्सल है। हर वो व्यक्ति, गुरु जी बोलते मैं भी इस्कॉन हूं, हर वो व्यक्ति जो कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावनामृत है, वही इस्कॉन का मेंबर है। इसको एक मात्र इंस्टीट्यूशन मत समझना। गुरु जी उनको बोल रहे हैं, आप लोग अपने गुरुदेव की श्री भक्ति उदान स्वामी महाराज की महिमा को समझो, बाहर बाहर के विचारों में मत रह जाओ, आंतरिक विचार में जाओ। मैं वही आंतरिक विचार देने तुम सबके लिए आया हूं। वृद्ध अवस्था में अपने उस
सर्वश्रेष्ठ सब प्रिय धाम को छोड़कर जहां पर रहकर मैं भजन करना चाहता हूं, लेकिन अपने गुरुवर्गों का आदेश मस्तक पर धारण करके वृद्ध अवस्था में अस्वस्थ होता हूं, आप लोगों को यह बताने आया हूं कि आपके गुरुदेव ने आपको क्या देना चाहा था, बस वही वस्तु आपको देने आया, क्यों? इससे मेरे को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे गुरुदेव की अनंत महिमा अभी हमारे और भक्त लोग हैं, फिर कभी और भी कथाएं होंगी, उसमें हम गुरुदेव के और अवदान वैशिष्ट्य को श्रवण करेंगे, परंतु साधन के साथ, साधन के साथ, साधन पक्ष गुरुदेव का यदि श्रवण करेंगे वो कोई साधारण नहीं है, ये तो विचार पक्ष श्रवण किया। गुरु जी बोलते रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा साधन करना पड़ेगा उस विचार में प्रतिष्ठित होने के लिए और उसको प्राप्ति के लिए। अब कौन 56 नंद रात्रि दिने जाने ना राधा गोविंद बिने, संभव है 3000 दंडवत प्रणाम हर रोज करना? इससे बहुत जल्दी डिविएशन हो जाता है, ऐसा एक वातावरण है, बहुत जल्दी हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और असत्संग में पढ़कर जो सत्संग है और जो सद्धारा है उससे भी हम अलग हो जाते हैं। सभी भक्त एक नहीं, तारतम्य है, गुरुदेव बोल रहे हैं तारतम्य है, हर वस्तु में तारतम्य। बस इतना बोलकर श्री गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हुए कथा को यहीं विराम देता हूँ। अभी अभी हम सोच रहे थे, हमारे यहाँ पर जो गुरुदेव का बहुत सारे शिष्य लोग हैं, हम सोच रहे हैं कि जो अनुष्ठान अभी रमण बिहारी गौड़ी मठ में भी 10 11 12 तारीख को हुई थी, फिर 14 तारीख को नोएडा में वहाँ पर 55 सेक्टर और बरात हॉल ना, बरात हॉल में बरात घाट 55 सेक्टर में वहाँ 14 तारीख को कितने समय से कितने समय तक? शाम को 4 से लेकर के 8 बजे तक, और वहाँ प्रसाद की व्यवस्था है। फिर 21 तारीख को हमारे श्री राजकुमारी प्रभु जी कहाँ पर है? गाजियाबाद मोहन नगर और ओम साई वाटिका फार्म हाउस में, यहाँ पर मोहन नगर में भी ये गुरुदेव का ये अनुष्ठान शाम को ना, दिन में कितने से कितने तक? 11 से लेकर के यहाँ पर 2-3 तक वहाँ पर भी यही सभा वहाँ पर भी होगी, अभी जगह जगह पर होगी, इसलिए आप सब लोगों को निमंत्रण है, आप लोग जरूर ये सब सभा में आए और गुरुदेव का विचार को श्रवण किए। अभी सिद्धार्थ महाराज जी जो विचार को बता रहे थे, हमारे गुरुदेव का जो अत्यंत अत्यंत गोपनीय से जो गोपनीय बात भी बता रहे थे, इसलिए आप लोग जो गुरु जी के साथ में ब्रजमंडल परिक्रमा किए होंगे, कौन कौन ब्रजमंडल परिक्रमा किए हैं? गुरु जी रहते समय हाथ उठा, जोर से हाथ उठा, बहुत कम लोग हैं। आप लोग सुने होंगे गुरुदेव ब्रजमंडल में बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन गुरुदेव सब स्थान में बुलाने पर भी गुरुदेव विशेष करके एक स्थान को विशेष लगा रखते थे और सबको बोलते थे वहां पर जरूर आओ। बता दो कौन सा स्थान है, बोलो, कौन बोलेगा बोलो? कहना श्री रूप गोस्वामी की भजन कुटी, तेर कदम। गुरुदेव भले ही कहीं बुलाए नहीं बुलाए, गुरुदेव कहा करते थे जरूर रूप गोस्वामी का जो भजन स्थल जो तेर कदम में जरूर आप लोग आना। ये गुरुदेव का ये विशेष विचार गुरुदेव का था, क्योंकि जो गुरुपाद पद्मही है रमण मंजरी है, ये श्री रूपाद रूप गोस्वामी की आनुगत्य में ये सेवा करने वाले श्री गुरुपाद पद्म, इसलिए गुरुदेव ये रूप सनातन गौड़ीय मठ में 3-3 दिन तक रूप गोस्वामी का जो विचार वैशिष्ट अलग अलग समस्त अन्य संप्रदाय से भी साधुओं को बुला करके हमारे संप्रदाय की क्या महानता है, क्यों हमारे गौड़ीय संप्रदाय में यद्यपि दूसरे दूसरे संप्रदाय में राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन हम लोग भी राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन साधारण लोगों का राधा कृष्ण का भक्ति और हमारी जो राधा कृष्ण का भक्ति में क्या फर्क है, ये रूपानुगत्व है क्या चीज? और जितने हमारे गुरु वर्ग हैं ये सबके सब रूपानुगत्व को ही प्रार्थना करते हैं, जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं,
बल रूप रघुनाथ पदे आई बे अको हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, बोले सुनिया छी साधु मुखे बोले सर्व जाना श्री रूप कृपाए मिले जुगल चला। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमने सुना है साधुओं से केवल श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही राधा कृष्ण की चरण कमल प्राप्त होता है। तभी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर अध्याय का लास्ट में वो क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पते रहो मोर आस चैतन्य चरितामृत काहे कृष्णदास। हमारे गोस्वामी वर्ग सबके सब रूपानुगत तो भी प्रार्थना किए सबके सब एक ही स्वर में, बोले कारण क्या, बोले कारण है जो रूप गोस्वामी के अनुगत में गुरुदेव विशेष करके एक बात कहते थे, कहते जितने रागानुगत है वो रूपानुगत नहीं है, लेकिन जितने रूपानुगत सबके सब रागानुगत है। तो विशेष बात वो कहते थे, रूप गोस्वामी का विशेष विचार को स्थापन करते थे। इसलिए श्री विलाप पुष्पांजलि जो ग्रंथ है जो रघुनाथ दास गोस्वामी का, जिसको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के रूपानुगत वर्ज्य है, इन्होंने विशेष करके जो रूपानुगत भक्ति को जो स्थापन किया है, बोले तांबुलार्पण पाद वंदन पयोदान सरादिनी, जिस निकुंज सेवा में प्राण प्रेष्ट सखी ललिता विशाखा आदि सखी भी जिस निकुंज में प्रवेश करने के लिए संकोच बोध करते हैं, लेकिन जो रूपानुगत अनुगत में भजन करते हैं वो आसानी से प्रवेश करते हुए राधा कृष्ण की निवृत्त निकुंज सेवा में इनके अधिकार प्राप्त होता है। केवल सिर्फ रूपानुगत को जो अवलंबन करते, इसलिए हमारे गुरुदेव विशेष कर मन में है, जिसको राधा रानी स्वयं कहती है, जो नारायण गोस्वामी महाराज जी मेरी मंजरी की सखी है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्य बात जो गुरु जी की कबला संस्पर्श में आए, और विशेष करके गुरु जी एक ही बात कहते थे, इसी जीवन में अपना लक्ष्य को स्थिर कर लो, ज्यादा कुछ नहीं, इसी जीवन में केवल लक्ष्य स्थिर कर लो, भले ही हमें कितने जीवन में क्यों प्राप्त नहीं हो, हमारे इसी जीवन में हमारा लक्ष्य स्थिर हो जाए, भले ही किसी जीवन में हमें क्यों नहीं मिले, वो लक्ष्य क्या है, राधा रानी की अनुगत्य में। अभी महाराज बता रहे थे ना, जैसे वियोगिनी संजोगिनी विश्वानंदिनी, उसमें भी गुरुदेव कहते थे तदीयता मदीयता फिर मधु स्नेह धृत स्नेह, ये जो अत्यंत अत्यंत सुखवाद जो गुरुदेव बताते थे। जब मैं पहले मथुरा मठ में आया, गुरुदेव का सब बात सुन करके ना मैं भी बहुत सारी जगह में गया, सुना हर गौड़िया मठ से, लेकिन गुरुदेव से जो कथा सुनता था, बोले गुरुदेव से तो संपूर्ण अलग बात सुनने को मिलती है। गुरुदेव हर समय अलग अलग नई 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 हरि कथा गुरुदेव बोलते थे। ये सब ब्रज भक्ति की जो गुरुदेव जो गंभीर से गंभीरतम बात बोलते थे, हम भी सुन सुन कर आश्चर्य हो जाते थे। और जितने गौड़िया मठ सारे गौड़िया मठ में जाता था, लेकिन अगर किसी गौड़िया मठ में सुंदर कोई कथा बोलने अगर कोई बोलता हो ना, बोले जरूर ये नारायण महाराज के साथ कोई संबंध है, नारायण महाराज के संबंध के बगैर इतने सुंदर हरि कथा कोई बोल ही नहीं सकते हैं। वो पता चल जाता जरूर ये कोई नारायण महाराज का संगम जरूर इसने किया है, तभी इतने सुंदर हरि कथा ये बोल रहा है। ऐसे गुरुदेव की महिमा गुरुदेव की, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो गुरु जी की धारा में केवल हम लोग आए और गुरु जी से हम लोग ने कथा सुनी, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान। अभी ये कथा को अभी हमारे से हरे कृष्णा, शब्द सुनाई दे रहा पीछे तक, आप थोड़ी देर के लिए हमारी सुन लीजिए, वसंत में
प्रभु जी सोच रहे होंगे इसका घोड़ा आरंभ होगा, आज पैदल चलेंगे, चिंता मत कीजिए। हरे कृष्णा, पीछे तक आवाज आ रही है, सुनिएगा, हाथ उठाकर बता दीजिए, पीछे तक शब्द सुनाई देता। हम लोग अभी नवीन प्रभु जी भी धन्यवाद दे देंगे, दो दिन से गुरु महाराज जी की हरि कथा, गुरु महाराज जी की महिमा को हम लोग सुन रहे हैं। हमने कल भी बतलाया था कि जैसे जब कोई ज्येष्ठ वैष्णव गृह में आते हैं, अथवा यदि किसी ज्येष्ठ वैष्णव से हम सम्मुख होते हैं, तो शास्त्र का नियम है कि उठकर अभ्यर्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वैष्णव हमारे निकट में आए, हम लोग उठ करके जाएंगे उन वैष्णव के निकट में, उनकी अभ्यर्थना करेंगे, ये शास्त्र का नियम है। यदि ऐसा ना करो तो प्रत्यवाय, प्रत्यवाय माने दोष लगता है। तो हमारे गुरु महाराज जी की तिथि आने वाली है अभी 11 तारीख को, निकट में ही हमारा श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ है, प्रभु जी ने निमंत्रण भी किया, उस तिथि की अभ्यर्थना करने के लिए हम लोग ये दो दिन का हम लोगों ने कार्यक्रम किया। हमारे पूजनीय सन्यासी वृंद अधिवास 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 तो एक दिन पहले को कहते हैं, अधि माने जो बस निकट में आ गया, ये सम्मुख, तो इसको भी अधिवास समझ दीजिए। तो जो भी हो, हमारे पूजनीय सन्यासी वृंद और आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पर एकत्रित होकर के इस कथा कीर्तन को, श्रवण और कीर्तन को जिस प्रकार से साफल्य विधान किया है, अथवा ये कार्यक्रम जिस प्रकार से सफल हुआ है, हमारी पूरी आशा है कि जैसे ब्रज गोपियों ने शपथ ले ली थी ना जमुना के तट पर, रासलीला के पश्चात कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, तो ब्रज गोपियों ने शपथ ले ली, अब हम ऐसा श्रवण कीर्तन करेंगे कि कृष्ण को यहीं पर आविर्भूत करा देंगे। तो हम भी शपथ ले लेंगे कि अंततः इस प्रकार का भावमय श्रवण कीर्तन हो, गुरु महाराज जी की ऐसी महिमा का श्रवण कीर्तन हो कि गुरु महाराज जी भी कृपा पूर्वक, प्रीति पूर्वक हमारे हृदय में आविर्भूत हो जाएं, ऐसी शपथ लेकर हम लोग जाएं। केवल यहीं तक एक कार्यक्रम सीमित ना रह जाए। देखो, गुरु महाराज जी दिल्ली मठ में थे, जनकपुरी में, और दोपहर के समय में उनको कुछ तेल लगाया जाता था, जब तेल लगा दिया तो गुरु महाराज जी बैठ जाते थे 2 मिनट, उसके पश्चात स्नान करने जाते थे। तो एक भक्त ने गुरु उसके पश्चात जब उठते हैं तो ऐसी वृद्ध हो गए, ऐसी लीला प्रकाशित कर रहे हैं। तो एक भक्त ने कहा, गुरु जी मैं आपको उठा दूं? तो गुरु महाराज जी ने नेत्र खोले और वो भक्त की ओर में देख कर बोले, हम तो उठ जाएंगे, तुमको उठाना है। समझ में आई बात? तो ये हम गुरु जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, इसमें लाभ किसका है? हमको उठना है। तो हम ये विचार लेकर के जाएंगे कि अनुष्ठान केवल यहीं तक सीमित ना रह जाए, हम शपथ लेकर के जाएंगे, हम ऐसा भावमय श्रवण कीर्तन करेंगे जैसे ब्रज गोपियों ने किया ना, जयति तेदी कम जनमना प्रजा, ये सब जो विरहमय कीर्तन किया, ऐसा विरहमय कीर्तन हम लोग करें, ऐसा भावमय कीर्तन करें, और एक साथ में मिलकर कीर्तन करेंगे ना, बहुर भी मिलित्वा कीर्तनम तदैव संकीर्तनम, श्री जी गोस्वामी जी कहते संदर्भ में, बहुत सारे लोग मिलकर के जब कीर्तन करें तो क्या होगा, कृष्ण बाध्य हो गए, रह नहीं सके, तासाम आविर्भूत छौरी बीच में आ गए ब्रज गोपियों के। तो यदि हम भी घर लौट के नहीं गई ब्रज गोपियां, प्रभु जी कह रहे हैं, पर यहाँ पर तो लौटना पड़ेगा, तो इसलिए अंततः शरीर से लौट जाए, किंतु महाराज जी जैसा कह रहे हैं वही मूल बात है। हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, हमारे महाराज जी एक बड़ी मूल्यवान बात कहते थे, यू आर वेयर योर माइंड इज, हम शरीर से यहाँ पर हैं किंतु जहाँ पर मन है वहां पर माना जाएगा कि हमारी उपस्थिति वास्तव में कहाँ पर है, जहाँ पर हमारा मन है। तो शरीर से फिर भी चले जाए किंतु मन से हम कहाँ रह जाए, गुरु जी के चरणों में रह जाए, और ऐसा भावमय कीर्तन करें। ये तो अभी शुभारंभ हुआ है, और शास्त्र का एक और नियम है, जब वैष्णव लोग जाए ना तो उनके पीछे भी अनुगमन करें कुछ दूरी तक, ऐसा नहीं कि यहीं से प्रणाम कर दिया वैष्णव चले गए। तो गुरुजी की तिथि 11 तारीख को हो जाएगी, उसके पश्चात पूरे वर्ष, जैसा प्रभुपाद जी कहते थे, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, प्रत्येक मास के आरंभ में, प्रत्येक सप्ताह के आरंभ में, प्रत्येक दिवस के आरंभ में, प्रत्येक मुहूर्त के आरंभ में मैं गुरुपाद पद्म की महिमा का श्रवण कीर्तन करूंगा, यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। यदि हम ये शपथ ले जाए, गुरु महाराज जी का हमारे हृदय में आविर्भाव अवश्य ही होगा। गुरु महाराज जी ने कहा इस बात को, जिन लोगों ने सुना होगा, पुनः 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 बात सुनाई देते, गुरु जी ने कहा मैं इतना निकट में हूँ तुम्हारे, जितनी तुम्हारी श्वास भी नहीं है, जो सांस हम लेते हैं ना
वो भी इतने निकट में नहीं है जितना गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हारे निकट में हूँ, बस अनुभव करने की बात है। तो ये सब अनुष्ठान किस लिए हो रहे हैं? ये सब अनुष्ठान अनुभव करने के लिए हो रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, विशेष करके जैसा कि कथा के प्रारंभ में जो विषय छेड़ दिया उस पर हमारा बहुत कुछ कहने को था किंतु समय चला गया। कहा गया ना गुरु जी इस बात को क्यों कहकर गए कि हम 100 अपने 100 जन्म शताब्दी पूरी करके हम जाएंगे किंतु गुरु जी तो पहले ही चले गए। ए बच्चों, कृष्ण भी ये कहकर गए थे ब्रज से मथुरा में, क्या कहकर गए थे कि मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस का वध करूंगा, परसों लौट आऊंगा। क्यों कहा कृष्ण ने ऐसा? तो कृष्ण लौटे कि नहीं लौटे? कृष्ण लौटे। जीव गोस्वामी जी ने बताया गोपाल चंपू में, यद्यपि कृष्ण तो ब्रज छोड़कर कभी नहीं गए, कहीं नहीं गए, और विशेष करके वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, कृष्ण तो वृंदावन से एक चरण भी एक पग भी बाहर नहीं रखते, तो कृष्ण तो कहीं गए नहीं। इसका अर्थ क्या है? गुरु जी भी कहीं नहीं गए, गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी यहीं पर हैं, अलक्षित रूप में हैं, किंतु जैसे कृष्ण गए इसलिए गए ब्रज गोपियों की आरती बढ़ाने के लिए। गुरु महाराज जी कहते थे इस बात को, ब्रज में असुर लोग क्यों आते हैं? प्रेम का रेन्यूअल करने के लिए, यदि प्रेम रेन्यूअल ना हो तो प्रेम शिथिल हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज जी कहीं नहीं गए हैं, वो अलक्षित रूप में यहीं पर हैं। जब उन्होंने अपने मुख से इस बात को कहा है कि मैं तुम्हारी एक एक श्वास से भी अधिक तुम्हारे निकट में हूँ, तो क्या वो निकट में नहीं है? तो जैसे राधा जी और ब्रज गोपियां अनुभव कर रही हैं, मिलने सा एका विरह तू तन्मयम जगत, मिलन में तो एक ही कृष्ण है किंतु विरह तू तन्मयम जगत, विरह में तो चारों ओर राधा जी को कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरे तारिश देवेर मूर्ति। कृष्ण जब निकट में है तो एक एक रूप है ना कृष्ण का, किंतु जब कृष्ण से राधा जी को विरह हो रहा है तब तो सर्वत्र कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। तमाल वृक्ष को देखती है तो कृष्ण, मेघ को देखती है तो कृष्ण, होती है कि नहीं? तो यदि वास्तव में गुरु जी से विरह होगा, गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी कहीं नहीं गए, शिला प्रभुपाद जी कहते थे इस बात को, प्रेम विभावित निष्कपट सेवोन्मुख दैन्यमय, चार विशेषण दिए। सुनने की समझने की बात है, गुरु जी का आविर्भाव कराना है ना हृदय में, क्या योग्यता चाहिए? रूपा जी कहते थे गुरु कृपा सबके ऊपर है किंतु कृपा को धारण करने के लिए एलिजिबल होना आवश्यक है, एलिजिबिलिटी योग्यता प्राप्त करना आवश्यक है। तो गुरु जी तो कहीं नहीं है, गुरु जी यहीं है अलक्षित रूप में, किंतु कौन देख सकेगा? महाप्रभु जी पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने दही चीड़ा महोत्सव किया, महाप्रभु जी को नित्यानंद प्रभु जी ने बुला लिया वहां पर, किंतु सबको दर्शन नहीं हो रहा है, केवल कुछ एक भक्तों को दर्शन हो रहा है, किंतु महाप्रभु तो हैं, तो गुरु जी नहीं है यहाँ पर? गुरु जी हैं यहाँ पर, किंतु जिनका अधिकार वैसा है, जिनकी योग्यता वैसी है, उनको वैसा दर्शन होगा। और जब दर्शन होगा, इस दर्शन को कैसे प्राप्त करेंगे, ये योग्यता क्या है? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, महाप्रभु जी ने स्वप्न देखा एक दिन दोपहर के समय में, और स्वप्न में उनको विलंब हो गया। जब विलंब हो गया, इस बात को समझ लीजिए, ये केवल शब्दों तक सीमित ना रह जाए, केवल मुख से ना कहें हम इस बात को, हाँ गुरु जी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन ऐसे नहीं होगा। दर्शन करने के लिए योग्यता की आवश्यकता है, दर्शन तो उन्होंने दिया, किंतु अब जो उनका दर्शन है वो किस लिए है? कि उनका वास्तव दर्शन हो सके हमको, योग्यता की आवश्यकता है। वो योग्यता क्या है? महाप्रभु जी ने स्वप्न देखा, स्वप्न में उनको विलंब हो गया, तो गोविंद प्रभु जी ने उनको जगा दिया, प्रभु विलंब हो रहा है, अभी आधे स्वप्न को देख रहे थे और आधा स्वप्न टूट गया, तो महाप्रभु जी का मन भंग हो गया, तो उठे और जैसा देह का अभ्यास है ना वैसे स्नान इत्यादि किया, जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। सबने सुनी है वो कथा, वहां पर एक कुड़िया स्त्री, उसको भीड़ में दर्शन नहीं मिल रहा, वो महाप्रभु जी के स्कंद पर चढ़ गई, गोविंद प्रभु जी ने उसको उतारा। महाप्रभु जी को होश ही नहीं है कुछ, कोई भाई या सुपुत्र नहीं है। और जब जगन्नाथ जी के मंदिर से लौट करके आए ना, तो उंगली से भूमि पर रगड़ रहे हैं, ऐसे भाव में स्वरूप दामोदर जी उनका हाथ पकड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हो, आपकी उंगली शत विक्षत हो जाएगी। तो महाप्रभु के मन के भाव क्या है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्राप्त रत्न हाराइया तार गुण समरिया, महाप्रभु संताप विवर राय स्वरूपेर कंठ धरी, कहे हा हा हरि हरि धैर्य गैला होइला चपन। जय योग्यता है, प्राप्त रत्न हाराइया तार गुण समरिया, यदि रत्न प्राप्त हुआ है तो उनके गुणों का स्मरण करके महाप्रभु संतापे विवल, महाप्रभु जी का हृदय विवल हो रहा है, कृष्ण से स्वप्न में भेंट हो रही है ना उनकी, वो
तो साक्षात कृष्ण ही है, किंतु राधा जी के भाव में स्वप्न में भेंट कर रहे हैं। तो यदि गुरु जी के साथ में हमारी वास्तव में संग हुआ है, यदि गुरु जी के गुणों की उपलब्धि हुई है, तो वास्तव में उनके विरह में हमारी ये दशा होगी हृदय की। और यदि ये दशा नहीं है हृदय की, तो गुरु जी दर्शन नहीं देंगे। मुख से तो हम कितनी प्रार्थना कर ले, मुख से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, अभी भी गुरु जी दर्शन दे देंगे। गुरु जी देख रहे हैं हमको, कृष्ण ने दर्शन दे दिया झट करके ब्रज गोपियों का रासलीला के पश्चात में है। कुछ योग्यता की आवश्यकता है, कुछ हृदय की, हृदय में विलाप करने की आवश्यकता है। गुरु महाराज जी कहते थे इस बात को, जो प्रभु जी बता रहे हैं ना, 2010 में 6 जून की बात है, गुरु जी प्रातःकालीन परिक्रमा कर रहे थे। वो सैर नहीं करते थे, वो परिक्रमा करते थे। गुरु जी परिक्रमा कर रहे थे और एक भक्त ने उनसे पूछा, आप इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ये अमेरिका की आपकी अंतिम यात्रा है, अब आप और अमेरिका में नहीं आएंगे, और इतनी सुंदर यहाँ पर आपका परिवार हो गया है, तो हम लोग क्या करें? तो गुरु महाराज जी रुक गए और गुरु जी ने उत्तर दिया, यू शुड बी, तुमको करंदन करना चाहिए, तुमको रोना चाहिए, तुमको विलाप करना चाहिए। तो यदि हमारे हृदय में वास्तव में करंदन हो, वास्तव में विलाप हो, वास्तव में हमारी भी महाप्रभु जी जैसी ऐसी अवस्था हो कि प्राप्त रत्न को हमने खो दिया और उनके गुणों का स्मरण करके हम विरह में विकल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, तब गुरु जी का आविर्भाव होगा। इसी क्षण आविर्भाव होगा, वो एक क्षण की भी दूरी नहीं है, एक क्षण की भी दूरी। यदि ऐसी भावना आ जाए हृदय में, यदि ऐसा करंदन आ जाए हृदय में, यदि ऐसा विलाप आ जाए हृदय में, रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं, तवे वास्मी ना जीवामी त्वया बिना, इति विज्ञाय देवी त्वम नयमाम चरणांति के, अरे आपके बिना तो मैं जीवित रह ही नहीं सकता, केवल मेरी इसी भावना को सुन करके आप मुझको अपने चरणों में स्थान दे दो। ये गुरु महाराज जी कहते थे मथुरा में, ऐसी हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए, ऐसा हृदय में करंदन होना चाहिए, ऐसा रात दिन छटपटा। गुरु महाराज जी कहते थे अपने मुख से इस बात को, हैव यू एंटर्ड इन स्कूल ऑफ क्राइंग, क्या तुमने ये करंदन करने वाला जो स्कूल है, कौन सबसे अधिक करंदन करता है कृष्ण के लिए? राधा जी करती हैं। हमारा कौन सा गुरुवर्ग ऐसे जो करंदन नहीं कर रहे, विलाप नहीं कर रहे? नरोत्तम दास ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, प्रभुपाद जी, परम गुरु जी, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी की समाधि पर जाकर फूट फूट कर रोते थे, प्रभुपाद उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो गुरु जी के मुख से सुनी बात है, सबने सुनी होगी। तो ऐसा करंदन हो हृदय में, ऐसा विलाप हो हृदय में, ऐसी आरती हो हृदय में, तवे वास्मी ना जीवामी त्वया बिना, आपके बिना जीवन नहीं धारण कर सकते। यदि ऐसे करंदन, ऐसी आरती हृदय में वास्तविक रूप में आ गई, एक क्षण नहीं लगेगा उनको, एक क्षण हृदय में आविर्भूत होने में, साक्षात्कार करने में एक क्षण नहीं लगेगा। ये उनके मुख की सुनी हुई बात। तो इसलिए हम लोग ये सब विचार लेकर के जाएंगे। गुरुजी ब्रजमंडल परिक्रमा कराते थे ना, अंतिम दिन यही बात कहते थे, हमने एक मास तक तुमको जो दिया है, तुम इस बात पर विचार करना कि तुमने कितना हमसे लिया है। ये गुरु महाराज जी अंतिम दिन में जिन्होंने परिक्रमा कराई है ना, ऐसा भाव भीना परिवेश होता था। गुरु जी ये कीर्तन कराते थे, ब्रज विपिन जमुना कुले, और ऐसा भाव भीना परिवेशन, ऐसा ही बड़ा सा हॉल, नाट्य मंदिर गोवर्धन मठ का, और एक एक भक्त लोग करंदन कर रहा होता था कि अब एक मास तक गुरु जी के साथ में परिक्रमा हुई है, अब तो हमको अपने घर में जाना है। वो परिवेश जिन्होंने अपने नेत्रों से दर्शन किया है, उसको भाषा से वर्णन नहीं किया जा सकता। और जैसे महाप्रभु जी 4 मास तक जब भक्त लोग महाप्रभु जी के साथ में रहे और जब लौट रहे हैं ना, लौटते ही नहीं है घर में, आज जाना है महाप्रभु के निकट विदा लेने जाते हैं, और ऐसी अवस्था हो जाती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि महाप्रभु जी क्या है, निज कृपा गुणे प्रभु बांदीला सवारे, महाप्रभु कृपा ऋण के शोधिते पारे। ऐसे महाप्रभु जी के गुण है, बांध कर रख दिया सबको। ये तो देखा गुरु महाराज जी के जीवन में, ऐसा उनका कृपा रूपी गुण था, बांध कर रख देते थे सबको। लोग चले तो जाते थे पर मन को गुरु जी के निकट में छोड़ जाते थे। ऐसी हमारे हृदय की अवस्था हो, हम आपके बिना जीवन नहीं धारण कर